जो किसान हम सभी जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है अनार हस्तबहार के इस कार्यक्रम में कंट्रोल है मेरा आई थिंक श्रुति वी कैन स्टार्ट हां जी नमस्कार आप सबका आज के कार्यक्रम में स्वागत है नीलेश जी आप सब किसानों का स्वागत करना चाहेंगे और आज का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपसे हेलो नीलेश uh... आपको देख नहीं पा रहे हैं हेलो जस्ट मिनिट जस्ट मिनिट आज जो हम अनार से रिलेटेड एक वेबिनार कर रहे हैं उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनार के किसानों के लिए एक नेशनल वेबिनार किया है आयोजित किया गया है इस अनार के वेबिनार का टाइटल है अनार हस्तभार फसल 2020 वैज्ञानिक खेती समस्याएं और समाधान और इस वेबिनार का आयोजन किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर और हमारे सह आयोजक है किसान संवाद पुणे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी पुणे कर्नाटका एंड राजस्थान उसके अलावा हमारे सह आयोजक है अखिल भारतीय अनार उत्पादक संघ पुणे अखिल महाराष्ट्र डाइम उत्पादक संघ पुणे और राजस्थान अनार उत्पादक संघ भीलवाड़ा Uh, सभी किसान भाइयों का uh, इस वेबिनार में सर्वप्रथम स्वागत है और आज का जो ये वेबिनार है दोस्तों ये वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज uh, किया है अपना जो हस्तभार का फसल है अभी शुरू होने जा रहा है उसकी जो खेती है वो ज्यादातर गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश में की जाती है महाराष्ट्र में भी कई सारे किसान भाई uh, हस्तभार को फॉलो करते हैं तो इस हस्तभार से लेकर जो भी हमारी समस्याएं होगी पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल समस्याएं इन समस्याओं के समाधान के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया है राष्ट्र राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र के तरफ दर के से और इस अनार अनुसंधान केंद्र की जो ये पहल है इसमें हमें मदद मिली है किसान संवाद की और बाकी हमारे जो ग्रोअर्स एसोसिएशन है जिसमें राजस्थान महाराष्ट्र और ऑल इंडिया एसोसिएशन इन सब का हमें सहयोग मिला है इस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम है आठ तारीख से लेकर ग्यारह तारीख तक दोपहर में तीन बजे से छह बजे तक ये प्रोग्राम चल, चलेगा चार दिनों के लिए और इस दौरान कई सारे वैज्ञानिक जो है अनार अनुसंधान केंद्र के विभिन्न विषयों पर आप लोगों के साथ रूबरू होंगे और हमारा यह प्रयास रहेगा कि ये जो अनार से पर्टिकुलरली बार से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल इश्यूज है हमारे उन सभी इश्यूज को सॉल्व करने की और इन सभी इश्यूज को हमारी तरफ से समस्याएं और समाधान देने की कोशिश रहेगी इस आयोजन में हर एक वक्ताए फोर्टी मिनट्स का टॉक देंगे प्रेजेंटेशन देंगे ट्वेंटी मिनट्स की चर्चाएं होंगी जिसमें प्रश्नोत्तर शामिल होंगे जिसमें आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन किसान भाई पूछ सकते हैं और उनके जवाब दिए जा सकते हैं तो इसके साथ मैं हमारे जो सह आयोजक है श्री निरंजन देश जी जो कि किसान संवाद की तरफ से या किसान की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको अपने दो शब्द आप किसान भाइयों को संबोधित करने के लिए बुला आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद नमस्कार मुझे तो आज बहुत खुशी है कि इस अच्छे उपक्रम में हमें शामिल होने के लिए संधि मिली है आज किसान की कोशिश यही रहेगी कि हमारे किसानों का सीधा संवाद वैज्ञानिकों के साथ होगा उनके जो भी प्रश्न हैं, उनको सारे प्रश्नों को उत्तर आ, या आ, उनके प्रश्न नहीं सवालों को जवाब मिलेंगे ये कोशिश है और ये चारों दिन जितने ज्यादा से ज्यादा किसान यहाँ पे शामिल हो सकते वो प्रयत्न हमारा रहेगा धन्यवाद ओके okay. इसके बाद मैं अनिल राठी जी शायद पैनलिस्ट में नहीं है तो उसके बाद मैं संघ साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विचार व्यक्त करें और किसानों को संबंधित करें संघ साहब हेलो हाँ ऑडियो म्यूट सा? है साहब हमसे है कोई तो है तुम पे बोलो शक्ति है हेलो कोई कोई है ना प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए नहीं वीडियो ना? तो नहीं है क्या लेता आवाज ये तो ही संग साहब तुमसे आवाज आ रहा है संग वीडियो श्रुति वीडियो ऑन करेंगे आप उनका संग का आपको वीडियो ऑन करने का मैसेज गया रहेगा सर ऑलरेडी आप उस पे क्लिक करेंगे आपको बस क्लिक करना okay. तो, है ओके क्लिक किया शायद थैंक यू मैं मराठी तो बोलन सर हो सर अच्छा या हस्तभारचा चर्चा 70 दिवस आले ऑनलाइन हेचे मेन आहे ते एनआरसी चे योजना मॅडम आणि त्यांचे सर्व सहकारी देशपांडे साहेब आणि त्यांचे सहकारी राजस्थानचे प्रेसिडेंट आलेत काय गायकवाड साहेब होऊ शकले नाहीत त्यांचा या ऑनलाईन चर्चा सत्रासाठी उपस्थित असलेले सर्व डाळिंबा काय तर बंद आजपासून शुक्रवारपर्यंत दुपारी तीन ते सहा पर्यंत चालणारा हा चर्चासत्र आणि ह्या मधला विषय जो आहे ने भयंकर अतिशय महत्वाचे विषय त्यांनी चॉईस केलेला आहे अस्तभार संबंधी जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्या विषयामध्ये आता इथून शुक्रवारपर्यंत चर्चा होणार आहे त्यामध्ये मला जे वैयक्तिक वाटतय काही दोन प्रॉब्लेम्स आहेत ते इथं मांडणार आहे आणि मर ह्या वर्षी भयानक वाढलेलं आहे तर त्यासाठी प्रयत्न तर सायंटिस्ट करतात युनिव्हर्सिटी करायला लागले परंतु सध्या होऊ गाठलेल्या कोविड ह्या महामारीमध्ये औषधापेक्षाही माणसामध्ये प्रतिकारशक्ती जास्त असेल तर माणूस वाचू शकतो त्याला नव्वद टक्के वेट वेटेज दिले आणि दहा टक्के औषधाला दिलेत त्याचप्रमाणे आम्ही डाळेमामध्ये सुद्धा झाडात प्रतिकारशक्ती वाढवणे हे कस हे अगोदर शिकलं पाहिजे काही ठिकाणी कंट्रोल होतोय काही ठिकाणी होत नाही त्यामध्ये वॉटर मॅनेजमेंटचा काय फरक आहे किंवा का काय त्याबद्दल चर्चा होणं गरजेचं आहे हस्तभार मध्ये महत्वाचा आहे तो ताण बसत नाही कारण ऑलरेडी पाऊस भरपूर सुरू आहे सगळीकडे ताण न बसता भार कसं धरायचं आणि ह्यामध्ये मागच्या चर्चामध्ये मॅडमनी सांगितलेले होते की पानगळ होत नसेल तर फ्लॉवरिंग साठी काही प्रमाणात इथरेल यूज कसं करायचं त्यांनी सांगितले होते त्याचं पुन्हा येतो वाफ होणं गरजेचं आहे मेन म्हणजे फ्लॉवरिंग होणं फार अवघड आहे कारण व्हेजिटेबल ग्रोथ कड झाड झुकलेलं असते त्यामध्ये फ्लावरिंग होणं फ्लावरिंग झाल्यानंतर सेटिंग होणं तरी अति नामुष्की गोष्ट आहे असतं मध्ये आणि आणि हा बहार जो आहे त्याचं डेव्हलपमेंट थंडीच्या पिरियडमध्ये येणार आहे त्यामध्ये नेमकं आपणाला काय करावं लागेल म्हणजे त्यावेळी पाणी नियोजन कसं करायचं हे व्यवस्थित समजून घ्यायला पाहिजे शेतकऱ्यांनी आणि सायंटिस्ट लोक त्याच्यावरती भर द्यायला पाहिजे न्यूट्रिशन संदर्भात मागे चांगले बोललेत शेतकऱ्यांना सुद्धा कळतो व्यवस्थित शंभर टक्के न्यूट्रिशन तुम्ही व्यवस्थित दिलात परंतु जमिनीमध्ये ऑर्गॅनिक कार्बन जर व्यवस्थित नसेल तर दिलेले न्यूट्रिशन शंभर टक्के अप्टेक होणार नाही तर त्यासाठी माहिती सरांना मी विनंती करतो की जमिनीमधलं जो ऑर्गॅनिक कार्बन आहे ते कसं वाढवायचं ठीक आहे प्रत्येक वर्षी शेणखत घातला आणि मल्चिंग केला हे के खर्चिक बाब आहे मला वाटतं इन्सिटू म्हणजे जागेवर काहीतरी आरोग्याने कार्बन वाढवण्याचे काय प्रयोग केलेले आहेत का ते आपण जरा समजावून सांगणे समजत नसेल तर त्या संदर्भात प्रयोग होणे गरजेचं आहे आणि मल्चिंग तर विषय आहे मल्चिंग करणं गरजेचं आहे कारण ओपसा राखणे म्हणा बोध आणि मल्चिंग हे दोन्ही महत्वाचे विषय आहे आता आम्हाला द्राक्ष मध्ये आलेले प्रॉब्लेम सांगतो मल्चिंग आम्ही वसायचं पाच मल्चिंग करत होतो आणि आमचं जे ऑर्गॅनिक कार्बन झिरो पॉईंट फोर होता हळूहळू आढळ ते झिरो पॉईंट नाईन पर्यंत गेला होता गेल्या वर्षी आणि ह्या वर्षी तो पुन्हा कमी लागलाय मल्चिंग व्यवस्थित करतो सगळं व्यवस्थित आहे पण ते असं काही निष्कर्षात आलं की मोनो मल्चिंग एकाच टाईपचं मल्चिंग सतत करत राहिलो तर तथ तो ऑर्गॅनिक कार्बनचा जो वाढ आहे का वा, काही प्रमाणात खुंटीत होतो तर त्यासाठी प्रत्येक दोन तीन वर्षात मल्चिंगचं पॅटर्न बदलावं लागेल किंवा त्यामध्ये थोडं दुसरं काहीतरी जसं की आपल्याला बाजरीचं मिळतोय मक्याचं घे मिळतोय ते कडबा वगैरे किंवा कुठल्याही रस्त्यावरची झाडाची पाला आणून जरी घाटला तर तो, तो मल्चिंग चेंज होऊन जाईल एकाच टाईपचं मल्चिंगमुळे त्याला कुजणारे एकाच टाइपचे मायक्रोव डेव्हलप होतात आणि वेगवेगळ्या टाइपचं जर मंचिंग केलं तर तिथं वेगवेगळ्या टाइपचे मायक्रो येऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे जमिनीची ती सशक्षता सा, चांगलं टिकून राहील ऑर्गॅनिक कार्बन हे जमिनीचं कणा आहे ऑर्गॅनिक कार्बन हे जीवनाचं ऊर्जा आहे ऑर्गॅनिक कार्बन वाढवल्याशिवाय आपल्याला शेतीच करता येणार तुम्ही न्यूट्रिशन द्या काही करा सगळं व्यवस्थित करा पण जमिनीमधले ऑर्गॅनिक कार्बन जर व्यवस्थित वाढलं गेलं नाही तर सर्व काही व्यर्थ जाणार त्याबद्दल ऑर्गॅनिक कार्बन हा केंद्रबिंदू ठेवून आपण इथून पुढं शेतकरी शेती करण्याचं फार महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर बहार हे थंडीच्या टायमाला येत असल्यामुळं थंडीच्या पिरियडमध्ये क्रॅकिंग होत असतोय त्यामध्ये आपण पा, पाणी नियोजन कसं करावं ह्याबद्दल थोडं वाप होणं गरजेचं आहे आणि सगळ्यात अतिशय महत्वाचा विषय आहे तो प्रोसेसिंगचा आहे कारण ह्या वर्षी कोविडमध्ये सापडलेले बहार आणि त्या अगदी मातीमोल किमतीने विकले गेलेले आहेत समजा त्यावेळी आमच्याकडे प्रोसेसिंगचे काही सुविधा असते तर शेतकरी काहीतरी पैसे केले असते जसे की द्राक्षवाली विकलं नाही म्हणताना काहीतरी करून बेदाणे करून पाच पन्नास पाच पन्नास रुपये तरी मिळवले ते असं शेतकऱ्यांच्याकडे काहीतरी पाहिजे त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने विनंती करतो आता ह्या महामारी आहे दुसरं कुठलेही कधी येऊ शकतोय पण आपणाला प्रोसेसिंग मधले विषय समजावून घेणं आणि एमर्जन्सीच्या टायमाला प्रोसेसिंग करणं आता एनआरसी मध्ये प्रोसेसिंग प्रोसेसिंगचा विभाग फारच चांगला आहे ते डॉक्टर गायकवाड यांनी फारच उत्तम प्रकारे हॅन्डल केलेले आहे शेतकरी तिथं जाऊन ते ज्ञान जा जरी मिळवून ते आपल्या बांधावरती त्याचा उपयोग करून घेतलं तर ते लुकसानापासून बा, बाहेर येणार आहेत आणि ह्या वर्षी भयानक नुकसान झालंय शेतकऱ्यांचं कारण कोविडमध्ये रेट तर बर होता मार्केटमध्ये सुपर मार्केटमध्ये रेट होता पण शेतकऱ्यांना रेट मिळत नव्हता मधला माणूस पैसे खाऊन खूप झाला अशा प्रसंगी जर प्रोसेसिंग हा विषय आपल्याकडे जर असत तर आपण चार पैसे केल असतो आता ठीक आहे पण पुढं असं प्रसंग येणार नाही असं का ना न म्हणत येणार आहे असं ग्राह्य धरून प्रोसेसिंग मध्ये आपण उतरणं गरजेचं आहे जसे की त्याचे एरियर्स आहेत त्याचे ज्यूस आहे कार्बोनेटेड ज्यूस आहेत आणि फ्रीजन सीड्स आहेत काही भरपूर आहेत त्यामध्ये वाईन आहे सगळं बरोबर भरपूर संशोधन झालेलं आहे त्याबद्दल शेतकऱ्यांनी जर अलर्ट राहून येणारशी संबंध राहावं आणि अतिशय महत्वाचा आहे तर आता कोविडमध्ये जे सांगतात की बाबा तुम्ही प्रतिकारशक्ती वाढवा आणि तरच ते हे होईल तर आ, मला वाटतंय सगळ्या फळांमध्ये प्रतिकारशक्ती वाढवणारी ताकद डाळिमामध्ये आहे अँटी ऑक्सिडेंट प्रॉपर्टी अतिशय उत्तम प्रकारे तर शेतकऱ्यांनी स्वतः आपल्यापासून सुरू करायला पाहिजे रोज एक दोन डाळीम खाणे किंवा त्यांच्या पाहुण्या आपल्या घरात सुरू करायला नंतर आपल्या मित्रमंडळी आपले सोयरे गोयरे त्यांना सांगला सांगायलाच पाहिजे कारण आपल्या हातात असलेलं अमृत आम्ही फेकून देऊन दुसरं काहीतरी खातो त्याचा अर्थ नाही मी काय आता कुठल्या फळावरती टेका करणार नाही परंतु आता सफरचंद सारखं फळ आम्ही खातो ते झाडावरून काढल्यानंतर आम्ही किती महिन्यानंतर खातोय त्याचा विचार करायला पाहिजे कारण सफरचंद तुम्ही काप घेतला तर एक चार पाच तासानंतर ब्रॉनिंग सुरू होते तर ते मला वाटत नाही जेवढं न्यूट्री मध्ये परफेक्ट शरीराला शर, उपयोग होईल जसं मध्ये आहे तसं इतर कुठल्याही फळामध्ये आहे असं मला वाटत नाही तर शेतकरी बंधूंना माझी विनंती आहे इव्हन एनआरसी लोकांना सुद्धा माझी विनंती आहे त्यांनी जास्तीत जास्त करून शेतकऱ्याला कर आवाहन करावं की शे डाळिंबच खायला पाहिजे कारण डाळिंबाचे ज्यूस पेक्षा डाळिंबामध्ये दाणे घेणे सगळे पोटात जातात त्याच्यामुळे जा प्रतिकारशक्ती व्यवस्थित मेंटेन होतोय तर हे आपण आपल्या आपल्यापासूनच सुरू करूया असं मी सगळ्या शेतकऱ्यांना आवाहन करतो आणि हे मिटिंग आयोजित केलेले मॅडम शर्मा मॅडम त्यांचे सहकारी किसानचे देशपांडे साहेब त्यांचे सहकारी या सगळ्यांना पुन्हा मी आभार मानून आर्विब बागार धन्यवाद संघ साहब आपके मार्गदर्शन के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स है आज के वेबिनार में वो हिंदी भाषिक प्रदेश से भी है तो इसलिए जो संघ साहब ने दो तीन इश्यूज बहुत आ, अंदर चर्चा होनी चाहिए उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक कार्बन जो की सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मानते हुए अनार के अच्छे फसल के लिए उसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों को और जो स्पीकर्स हैं उनको ध्यान देने के लिए बात करी मल्चिंग और उसके साथ साथ प्रसंस्करण और प्रक्रिया कर कर उत्पादों का प्रक्रिया कर कर अनार से कई सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं उनके बारे में उन्होंने बात की तो संघ साहब की इस बात को आगे लेते हुए हम हमारे और जो ऑर्गेनाइजर है अटारी जोन टू जोधपुर वहां से डॉक्टर बी एल हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको आ, करता हूं कि वो दो शब्द किसानों को संबोधित करे डॉक्टर बी एल फ्रॉम अटारी जोन टू जोधपुर हेलो हेलो हाँ प्लीज सर uh, सभी वेबिनार में जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार आप सभी का नमस्कार सर अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे आप आ... आपका वीडियो ऑफ है तरफ तरफ की, तर... की तरफ से डिसेबल किया हुआ है बता रहा है सर तर हमारी तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आया रहेगा ऑन करने के लिए आप उस पर क्लिक करना है बस वहाँ पे Uh, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन इसमें ये होस्ट की तरफ से डिसेबल किया होगा। यू कैन नॉट स्टार्ट वीडियो बिकॉज़ द होस्ट है डिसेबल्ड इट। ओके सुरिंदर आप चेक कर सकते हैं। ओके नो आई कैन स्टार्ट। शाबित सभी को नमस्कार ये आज बहुत ही अनार उत्पादक कृषकों के लिए बहुत ही उपयोगी आयोजन किया जा रहा है और हमारे राजस्थान में भी अनार उत्पादन की तरफ कृषकों का काफी रुझान बढ़ता जा रहा है स्पेशली जो हमारे शुष्क क्षेत्र है इसमें राजस्थान का पश्चिमी भाग है जोधपुर जोन जो पूरा है जालोर है बाड़मेर है जोधपुर है पाली है इन जिलों में अनार का उत्पादन का एरिया काफी बढ़ता जा रहा है यदि हम ओवरऑल देखें तो हमारे राजस्थान में भी लगभग सोलह हजार हेक्टर के आसपास अनार का एरिया है और मुझे खुशी है कि हमारे इस क्षेत्र के किसान भी इस तीन चार दिन के आयोजन से जुड़कर जो अनार उत्पादन की नवीनतम तकनीकियां हैं उनके बारे में जानकारी ले पाएंगे और हमारी तरफ से को, हमारे जो साथी आयोजक उन सबको हमारी शुभकामनाएं कि ये एक बहुत ही सफल आयोजन धन्यवाद धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए और इसके बाद मैं जो हमारे साथ और एक अटारी जो है हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आईसीआर में उसके बेंगलोर की तरफ से अटारी हुए बेंगलोर की तरफ से जो रायडू जी हमारे साथ डॉक्टर रायडू ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ा सा मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आ, किसानों को संबोधित करें कर्नाटका और उस रीजन में भी अनार की बहुत बड़ी फार्मिंग हो रही है वो अपना अपने विचार व्यक्त करे यहाँ पर हेलो हाँ शायद रायडू जी अभी यहाँ नहीं दिख रहे हैं लिस्ट शायद वो अभी नहीं होंगे तो मैं अपने श्री प्रकाश कुलकर्णी जी है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने मार्गदर्शन पर शब्द व्याह व्यक्त वो हमेशा ही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और आज ये यहाँ पर उपस्थित है वो सभी लोगों को मार्गदर्शन करे सर मित्र नमस्कार सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और विशेषतर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ज्योत्ना मैडम और उनके टीम के लिए क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना किसान की विकास या प्रगति नहीं होगा और मैं ज, आ, सब लोगों को विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादातर आप सहभाग ले चार दिन के लिए और आपका जो हस्त बाहर है वो आप यशस्वी लेके उत्पादन ले और मैं सभी को वापस धन्य धन्यवाद दे, देता हूँ और मैं यहाँ रुकता हूँ धन्यवाद धन्यवाद कुलकर्णी सर इसी के साथ मैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा मैडम को अनुरोध करूँगा कि वो अभी सभी अटेंडेंस को मार्गदर्शन दे और अपना रिमार्क्स दे डायरेक्टर्स रिमार्क्स दे मैडम प्लीज आप सबको मेरा नमस्कार मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ ये चार दिन का वेबिनार हम लोग सितंबर में करने वाले थे डिमांड आया अपने देश पांडे जी की तरफ से मिस्टर निरंजन देश पांडे जी से अपने ग्रोवर्स एसोसिएशन से भी था कि हमको सेमिनार करना है तो हमने सोचा हम सब मिलकर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आजकल वेबिनार का जो समय है हम लोग कम से कम महीने में 20 वेबिनार हम लोगों को देने पड़ जाते हैं अलग अलग वजह से तो बार बार देना बहुत मुश्किल हो जाता है इसीलिए हमने बहुत कोशिश की है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे अनार में आ रहे हैं और क्योंकि अनार पूरे भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है जैसे कि बताया कि राजस्थान में मध्य प्रदेश में गुजरात में अपना आंध्र प्रदेश कर्नाटका और महाराष्ट्र तो है ही तो इनके अलावा हम लोग जब देखते हैं कि बाकी प्रांतों में भी अनार फैल रहा है इसीलिए हमने ये हिंदी में रखा है ताकि सब लोग इसको अटेंड कर सकें और इसमें अलग अलग जो लेक्चर्स होंगे मेरी उम्मीद है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो भी प्रश्न होंगे अभी मैं देख रही थी किसी ने एक क्वेश्चन अभी डाल दिया है निमेटोड्स के ऊपर तो ये मैं बताना चाहूँगी कि ये जो आंसर हैं आपके ये जो जो उस बीमारी से रिलेटेड जो हमारा सेशन होगा उसमें आपको बताया जाएगा क्योंकि अभी अगर हम इन पे बात करने लगे तो काफी समय जाएगा तो जो आपका लेक्चर साइंटिस्ट का होगा आप लोग उस समय प्रश्न पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और वाकई आप चाहें तो WhatsApp नंबर पे भी भेज देंगे तो अलग से भी आपको उसके ऊपर जानकारी दे दी जाएगी साथ ही मैं यहाँ पे ये भी सबको बताना चाहूंगी कि हम बहुत हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम बहुत समय से बहुत वैज्ञानिक की कमी महसूस कर रहे थे कि हमें वैज्ञानिक चाहिए और हमें आज चार नए वैज्ञानिक मिले हैं जो आज इस वेबिनार में लेक्चर तो वो नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही इसी महीने में ज्वाइन किया है पर वो सुनेंगे और जो जो मुश्किलें हैं उसके ऊपर से वो काम करने की कोशिश करेंगे उसमें एक हैं हमारे निमेटोलॉजिस्ट हैं एक हमारे प्लांट पैथोलॉजी के आए हैं एक बायो के हैं और एक प्रोसेसिंग के लिए और एक साइंटिस्ट हैं तो चार साइंटिस्ट ने हमें और ज्वाइन किया है और हमें निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलेंगे और अच्छा आपको आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे तो मैं एक बारी आप सबका स्वागत करती हूं फिर से और एक बारी मैं बताना चाहूंगी पूरे चार दिन का प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपका एक जो लेक्चर होने वाला है वो तो डॉक्टर एन बी सिंह देंगे कैनोपी प्रबंधन और अच्छे फूल फल सेटिंग के लिए समाधान क्योंकि दो तीन वर्षों से मैं देख रही हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्प्राउट आ जाने का पत्ते फूल ना झड़ने का या सेटिंग नहीं होने का या कभी फूल आते ही नहीं फूल झड़ जाते हैं तो काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं और मेरे ख्याल से डॉक्टर एन सिंह इन सबको संबोधित करेंगे दूसरा लेक्चर है अनार में इस्तेमाल होने वाले रेगुलेटर फायदे और नुकसान। क्योंकि मैंने कई बारी मेरे साथ इतने सारे किसान जुड़े हैं कई ऐसी चीजें वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे निश्चित ही वो तीन चार सालों के बाद उनके आ, अगर उनको अब भी उसका अच्छा रिजल्ट मिल भी रहा है तो तीन चार साल के बाद वो पौधा शायद आ, काम ना करे इस तरीके हारमोन्स भी यूज करते हैं तो इसलिए ये रखा गया है ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि अनार में हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है कितने डोज पे करना है कितनी बारी करना है तो ये सब चीज़ों का जो ज्ञान है डॉक्टर दिनेश बाबू हमारे प्रधान वैज्ञानिक वो इसके ऊपर जानकारी आपको आज ही देंगे तो ये दो आज के लेक्चर हैं इसके बाद 9 तारीख को जो लेक्चर है वो है हस्त बहार में गुणवत्ता वाले अनार उत्पादन के लिए एकीकृत एक पोष पोषक तत्व और फर्टिगेशन शेड्यूल मतलब फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिशन जो क्या देना है डॉक्टर आशीष मेहती इसके ऊपर बात करेंगे और नि, निश्चित ही हर चीज में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है चाहे वो बीमारी है चाहे वो आपका उत्पादकता है चाहे सेटिंग है हर एक चीज के लिए न्यूट्रिशन का रोल है और जैसे कि अभी अपने संघ साहब ने भी कुछ इसके ऊपर प्रश्न डाले हैं तो उस सब का प्रश्नों का जवाब डॉक्टर आशीष मेहती से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस अपने प्रेजेंटेशन में वो कल के दिन में प्रस्तुत करेंगे फिर उसके बाद डॉक्टर मल्लिका अर्जुन है कीड़ों का काफ़ी प्रॉब्लम है जैसे कि फ्रूट सकिंग मौत का बढ़ता जा रहा है आपके नए नए कीट भी आ रहे हैं और सेप सकिंग इंसेक्ट जिसमें कि एफिड्स और थ्रिप्स वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम है फ्रूट बोरर का प्रॉब्लम आता है स्टेम बोरर का प्रॉब्लम है तो इन सब पे हमारे डॉक्टर मल्लिका अर्जुन आपको संबोधित करेंगे फिर ये नौ तारीख के प्रोग्राम हो गए हमने कोशिश करी है दो ही लेक्चर एक दिन में रखने की क्योंकि ये देखा गया है कि सारे दिन अगर हम कंप्यूटर पे या बैठ के मोबाइल पे पूरे दिन देख नहीं सकते और हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता है तो इसीलिए हमने ज़्यादा ना रख के सिर्फ दो दो ही लेक्चर रोज के रखे हैं दस तारीख को लेक्चर है हमारा एक मेरा लेक्चर होगा जिसमें कि मैं आपको निर्यात योग्य अनार उत्पादन के लिए अधिकतम अवशेष सीमा के साथ एकीकृत एक रोग और कीट प्रबंधन अनुसूचीत विभिन्न कीटनाशक के घोल तैयार करना और बाकी बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी फिर डॉक्टर डीटी मेहराम का है हस्त हस्तभार में अनार के बाग का सिंचाई शेड्यूल जैविक और कार्बनिक पलवार मतलब कि मल्चिंग तो इसके ऊपर भी अभी संघ साहब ने बताया था कि उनको कुछ जवाब चाहिए तो मेहराम जी से अनुरोध है कि जो प्रश्न अभी डाले गए और जो प्रश्न उनको भी कई बार फार्मर से आते होंगे उनको ध्यान में रखते हुए अपना प्रेजेंटेशन वो देंगे 10 दिसंबर को फिर आखिरी दिन है 11 दिस आ, को आपका विभिन्न एग्रोकेमिकल क्षेत्रों के लिए अनार की किस्में नई किस्में जैसे कि हमारा अभी नया सोलापुर लाल आया है जो कि फोर्टिफाइड है जैसे कि अभी बताया गया कि अनार में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये जो नई वैरायटी है इसमें हेल्थ बेनिफिट जो अभी हमारी भगवा वैरायटी है उससे काफ़ी ज़्यादा है तो उस वैरायटी के बारे में भी बताया जाएगा साथ में भगवा या दूसरे प्रांतों में किस किस जगह पे कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है क्योंकि आजकल लोग भगवा को देख के सब लोग भगवा लगा रहे हैं पर कुछ जगहों पर जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्रैकिंग ज़्यादा हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या उनका समय उनको कम मिलता है ये सीजन जो उनका फेवरेबल सीजन है उस हिसाब से आप अर्ली मेच्योरिंग वेराइटी ले सकते हैं तो उसके बारे में भी आपको दिनेश बाबू जी का लेक्चर ग्यारह तारीख को मिलेगा फिर अनार के पूर्ण उपयोगिता के लिए प्रौद्योगिकी के लिए डॉक्टर नीलेष गायकवाड़ आपको पूरा इसके बारे में बताएंगे तो ये हमारे लेक्चर्स हैं चार दिन के हर रोज का दो लेक्चर है और जहाँ तक अः अनार के न्यूट्रिशन की अभी बात हुई है तो मैं उस पर मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आप सब लोग जैसे कि कई डॉक्टरों से आजकल बात होती है कई बार जो हमारे जान पहचान में है तो इसका जो न्यूट्रिशन का रोल बहुत सारी चीज़ों में तो है ही है पर जो आज का समय है कोविड का समय है उसमें भी इसमें एलर्जिक एसिड और एलिगाटेनिन इतने हैं कि यदि आप उनका सेवन करते हैं तो निश्चित ही आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि आप अगर हर तीसरे दिन कम से कम 100 एम अनार का जूस पीते हैं अगर रोज नहीं भी लेते 100 एम जूस पीजिए या आप अनार खाइए तो वो जो ये एलिगा होते हैं ब्लड में 48 एट अड़तालीस घंटे तक रहते हैं तो आप हर दूसरे तीसरे दिन भी जूस पियेंगे तो आपको निश्चित उसका फायदा मिलता है और इसके ऊपर यही नहीं हार्ट डिजीज के लिए भी अभी आज ही किसी का पोस्ट आया है और उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि उसमें बहुत सारी चीजें पेशेंट्स ने जब अनार का जूस ही नहीं अनार का बीज के साथ अगर आप खाते हैं बीज इसका बहुत महत्वपूर्ण है और बीज को अगर आप पीस के उसका एक्सट्रैक्ट बना के उसको पीते हैं चाहे आप अनार खाते हैं फ्रेश या मार्केट में मिलता है अनार दाना जिससे नॉर्थ में अनार दाना बहुत कॉमन है जिससे कि लोग चटनी बनाते हैं रात को भिगो देते हैं और पूरे साल भर भी आप उसको रख सकते हैं वो वेराइटीज भी हमारे पास है हमने नई वराइटी सोलापुर लाल के साथ सोलापुर अनार दाना भी निकाला है जो इस काम के लिए है तो आप उसके लिए भी आप पूरे साल भर रखने के लिए भी इस तरीके के नियोजन कर सकते हैं कि पूरे साल भर आप किसी ना किसी रूप में अनार खा सकें तो न्यूट्रिशन का इतना रोल होने के साथ साथ मैं ये चाहूँगी कि जो हम अपना पैदावार बढ़ा रहे हैं और अलग अलग प्रांतों में लगा रहे हैं हर परिवार को अनार खाना जरूर चाहिए सिर्फ बेचने के लिए नहीं लगाना है हमें अपना स्वास्थ्य भी ध्यान में रखते हुए हमें इसका सेवन करना है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करती हूँ और मैं चाहूँगी कि जो अभी अगले वैज्ञानिक हैं उनका भाषण अभी शुरू हो जाएगा तो मैं सबको निवेदन करती हूँ कि आपके जो प्रश्न है क्वेश्चन एंड आंसर वाले उसमें आप लिख के डाल सकते हैं या हैंड रेस करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं पहले 40 या 45 मिनट उनका लेक्चर होगा और आगे फिर 15-20 मिनट आपका डिस्कशन होगा जिसपे आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे पर आप अभी प्रश्न उन्हीं चीजों पर पूछिए जिसके ऊपर लेक्चर हो रहा है क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं अलग अलग जो उनके लेक्चर होंगे उस समय में उससे रिलेटेड उसका जवाब दिया जाएगा धन्यवाद धन्यवाद मैडम आपके विस्तृत उद्बोधन के लिए होस्ट की तरफ से आ, मैं ये चाहता हूँ कि आ, क्या हम अटेंडीज में अनम्यूट कर, कर सकते हैं चांदने साहब जो है प्रभाकर चांदने वो पार्टिसिपेट किए हैं बट अटेंडीज की तरफ से किए हैं जी कर है फिर प्रभाकर पीसी डॉट कॉम होट द रेट जी मेल तो आप उनको अनम्यूट कीजिए उनको आ, प्रभाकर जी को हम मूव कर रहे हैं पैनलिस्ट में ओके प्लीज प्लीज उनके पास एक लिंक आ गया होगा ओके प्रभाकर जी आप आ, हमें सुन पा रहे हैं चांदी काका तुम्हारे एक लिंक आली बगा उनको बस क्लिक करना रहेगा उसपे okay. निलेश जी आप अपनी वीडियो ऑन करके वापस निलेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं uh, अगर हम उनसे एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो ने? मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो पहले वक्ता है डॉक्टर एनवी सिंह वो अपना उद्बोधन दे दे कैनोपी प्रबंधन अच्छे फल फूल सेटिंग के लिए समाधान इस विषय पर डॉक्टर एनवी सिंह उत्पादन देंगे इस विषय पर और इसके बाद जो प्रेजेंटेशन है इस इस्तेमाल होने वाले हारमोन्स और रेग्युलेटर फायदे और नुकसान डॉक्टर दिनेश बाबू रहेंगे तो मैं डॉक्टर से अनुरोध करूँगा की वो प्लीज अपना प्रेजेंटेशन दें धन्यवाद सर, मैं मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है हाँ सर थैंक यू सो मच जैसा कि आप सभी जान हैं सबको पहले तो नमस्कार चांदने काका प्रकाश कुलकर्णी जी और जो भी पैनलिस्ट हैं हमारे हमारे सहयोगी निदेशक महोदया और धन्यवाद कि मुझे नए विषय पे बोलने का मौका दिया गया जैसा कि मैं दे, आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा इसमें पहले हमारा टॉपिक था कनापी प्रबंधन और अच्छे फल फूल सेटिंग के लिए समाधान तो मैंने इसको चेंज किया है थोड़ा कैनोपी प्रबंधन के बाद मैंने कॉलन लगाया है इसके पीछे एक मकसद है क्योंकि तो अच्छे फल फूल और सेटिंग का एक पार्ट है कनापी प्रबंधन छत्रक प्रबंधन जिसको हम लोग बोलते हैं इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जैसे आप पौधों का पौधे का हेल्थ क्या है मृदा का स्वास्थ्य कैसा है आप कब कितना कैसे और किस समय पर पोषक तत्व पौधों मिट्टी में डाल रहे हैं या पौधे के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं अभी आजकल नया भी इवन मिट्टी में नमी कितनी है यह भी अच्छे फल फूल को अनार में बहुत हद तक गवर्न करता है अभी मैं लेटेस्ट वेबिनार सुन रहा था अभी हमारे मेश्राम साहब आएंगे बताएंगे आपको कि पार्शियल रूट जोन ड्राइंग और डेफिसिट इरिगेशन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है अनार में फ्रूट क्वालिटी फ्रूट uh, सेटिंग इन सब को इम्प्रूव uh, करने के लिए तो ये है फिर आप कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स और uh, जो उसके सप्लीमेंट्स हैं वो डाल रहे हैं क्लाइमेट कैसा है बिसाइड्स जो अनार का जेंटिक पोटेंशियल है उसके अलावा ये सब चीज़ें जब सब मिलके समायोजित होंगी इसका सही तरीके से सबका अनुपालन किया जाएगा तो ही हम एक कंक्रीट तरीके से फल uh, फूल की जो प्रॉब्लम uh, है उसका समाधान कर सकते हैं मैं कैनापी प्रबंधन से संबंधित जो जो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें मैं हस्त बाहर का भी एग्जाम्पल देते हुए चलूंगा और जो प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने सीखी और प्लस जो मैंने डिफरेंट लोगों से बात करने पे या किसान भाइयों से बात करके जो मुझे अनुभव मिला हमारे एक्सपेरिमेंट्स क्या रहे उसके बेसिस से बताऊँ कैसे केनापी प्रबंधन करना है उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है तो मोटा मोटी यह है कि अच्छे फल फूल कैसे कैसा फु, 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 आ, फु, आ, फ्लावर सेटिंग कैसे अच्छा हो कैसे हर्माफोडाइट जो लिंगी फ्लावर जिसको हम बोलते हैं उसका आ, आ, वो ज्यादा नंबर में हो कैसे उसका सेटिंग हो ये सारी जानकारी का आपको समग्र रूप से मेरे लेक्चर के बाद इसके बाद दिनेश बाबू सर का लेक्चर होगा उसको फिर मैथी सर का जो कल लेक्चर होगा उसको और जब इरिगेशन uh, का भी हो जाएगा तो आप एक होलिस्टिक पिक्चर एक मोटा मोटी चीजें समझ जाएंगे मैं पिछले दस वर्षों से इस पे काम कर रहा हूं, हूं प्रोपोगेशन पे और मैं इस प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हूं तो मैं इसमें आपसे कुछ कुछ डिस्कस जानते हैं कि क्षेत्रफल का काफी तेजी से बढ़ रहा है और अभी इस साल हम लोगों ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी किया है लगभग अः अस्सी हजार टन तक जो लास्ट ईयर की तुलना में हमारा पचास प्रतिशत ज्यादा है मतलब हम ग्रोथ चार्ट पे हैं अभी भी अनार आ, जिसे लोग बोल रहे थे कि अब काफी अनार हम लोग पैदा कर रहे हैं उसका मार्केट uh, uh, मुश्किल होगा पर आज भी अनार ग्रोथ पे चल रहा है इसीलिए जैसे संघ साहब ने बोला कि एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमको लोवेस्ट ग्रेड प्रोसेसिंग करना है और हमारा जो बेस्ट ग्रेड है उसको एक्सपोर्ट या मेट्रो मार्केट में तक पहुंचाना है और तभी हम डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबलाइज कर पाएंगे और जो प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी है पोमेंट में वो आगे मेंटेन रहेगी अगर हम सारे के सारे प्रोड्यूस डोमेस्टिक मार्केट में ही ले जाएंगे तो मार्केट uh, अनार के लिए उतना कंजम्पशन मुश्किल होगा तो अपने आप जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसका प्राइस कम हो कम हो जिसे आप देखेंगे पिछले दस साल की तुलना में अभी काफ़ी कम हो रहा है अगर हम ये एक्सपोर्ट करेंगे और जो लोअर ग्रेड है लास्ट का तीस परसेंट जो माल है जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का माल है उसको हम अगर प्रोसेस कर पाएंगे वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन कर पाएंगे उसका तो काफी हद तक हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी और है इस अनार में वो सस्टेन रहेगा तो उसको हमको थोड़ा सा ध्यान देना है ये ये कुछ अनार के क्षेत्रफल हैं क्षेत्र हैं जहां अनार काफी होता है जैसा मैडम ने, ने ही बताया कि बहुत जरूरी है वैसे अभी आप समझ लीजिए मोटा मोटी पचासी से छियासी प्रतिशत जो एरिया है पूरे भारत का वो भगवा के अंदर है भगवा ही ज्यादातर लगाया जा रहा है पर किसी भी सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम के लिए जरूरी है कि पांच छह अच्छी वरायटीज होनी चाहिए अगर आप मान के चले कि जो हमारा अभी पिछले आप अभी जो इस साल का लेटेस्ट डेटा आया है तीस लाख टन का अगर उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप मान के चले क्यों इतना हमारा अनार बढ़ा इतना बूस्ट कैसे हुआ तो एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान भाई हैं और दूसरा जो किस्म है हमारी वो भगवा है खैर भगवा को भी ज़्यादा प्रमोट करने में किसान भाइयों का ज्यादा हाथ है तो इसलिए मैंने किसान भाइयों का नाम पहले लिया बट इसके साथ साथ आप जैसे अब हम लोग लास्ट ईयर कुल्लू में गए थे वहां पे कुछ अपनी वैरायटी वो लोकल कांधारी लगा रहे थे जो थोड़ा हार्ड सीडेड है बट साइज काफी बड़ा है उससे उन्होंने कांधारी सीडलेस निकाला है भगवा से क्रॉस करके जिसका कलर साइज काफी अच्छा है तो हमें चार पाँच वरायटी जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा नॉर्थ का पार्ट है जहां पे बरसात जल्दी आ जाती है बरसात थोड़ा ज्यादा होता है भगवा क्या है फ्लावरिंग से जो हार्वेस्टिंग है वो सात महीने की फसल है तो वहां पे हम कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वराइटीज लाइक मिदुला रक्ता प्रमोट कर सकते हैं जो जल्दी हार्वेस्ट हो जाए ताकि बरसात में जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट क्योंकि वहां पे वहां के फार्मर्स जो है अनार को लेकर उतने एक्सपर्ट नहीं है जितने हमारे महाराष्ट्र कर्नाटका या गुजरात के किसान भाई हैं तो वहां पे क्या हम शॉर्ट ड्यूरेशन वराइटीज को भी प्रमोट कर सकते हैं भगवा के साथ साथ तो एक हमारा पांच छह वरायटीज का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा ऐसे अब अब इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भले ही नॉर्थ ईस्ट में आपका नागालैंड का कुछ एरिया है जहां अनार काफी है वहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर है मेजी फेमा में उन्होंने काफी दो सौ हेक्टेयर सौ हेक्टेर वहां पर अनार लगा हुआ है तो क्या इस बेल्ट को हम एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिक पोमगेंट के रूप में प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे केमिकल्स और फर्टिलाइजर काफी कम इस्तेमाल होता है तो ऐसे करके हम अनार की प्रॉफिटेबिलिटी को जिया जी टैग ऑलरेडी हमारे पास सोलापुर के अनार का है तो सोलापुर का अनार एक्सपोर्ट मार्केट में एक इसका सेपरेट मार्केट निच है जीआईटैक के कारण इसका प्रमो, एक्सपोर्ट प्रमोशन बहुत अच्छे से हो सकता है अभी गवर्नमेंट इस पर और काम भी कर रही है कैसे इसको पॉपुलराइज करें इस जी आई टैक को फिर इसी तरह हम लोग नॉर्थ ईस्ट पार्ट को केवल ऑर्गेनिक और प्रोडक्शन के लिए एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हैं ये सब कुछ तरीके हैं कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को अनार अनार में जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो आज से पांच साल पहले हमको जो रेट मिल रहा था कैसे उसको काफी हद तक हम सस्टेन करें तो इसके लिए हमें नए एवेन्यूज ढूंढने ही पड़ेंगे एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा प्रोसेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा जो आ, 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 हमारा क्लास वन मॉल है उसको फ्रेश बेचना भेच, है जो लास्ट ग्रेड प्रोड्यूस है हमारा उसको हमको प्रोसेस करना है कुछ हमको जो पॉकेट्स हैं। पूरे इंडिया में तो ऑर्गेनिक कर पाना मुश्किल है उसके लिए इनपुट्स और भी बहुत सी चीजें हैं बट कुछ कुछ पोर्शन में जो हमारे कहीं हम लोग ऑर्गेनिक पोमग्रेट एज ए हब प्रमोट कर सकते हैं एज ए क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं उसको एज ए ऑर्गेनिक पोमग्रेट का जैसे नॉर्थ ईस्ट पोटेंशियल एरिया है हिमाचल प्रदेश का भी कुछ एरिया उसको हम लोग एज अ पोटेंशियली एक्सप्लाइड कर सकते हैं तो ये सब चीजें मिला के हम अनार की प्रॉफिटेबिलिटी को काफी बढ़ा सकते हैं ये सब कुछ पॉइंट्स हैं लाइट लविंग प्लांट है जहाँ रेनफॉल थोड़ा कम है कम से मतलब हजार के एम mm के नीचे है और काफी लंबा थोड़ा ड्राई पीरियड मिलता है वहाँ अनार काफ़ी अच्छा आता है मिट्टी जो है आप ये ध्यान रखिए कि अनार के लिए काफ़ी हल्की मिट्टी होनी चाहिए ये जो है सब ऑप्टिमल इडेफिक कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है अगर उसका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज या आपका ई या पी एच पी एच एट तक भी अनार आराम से लगाया जा सकता है बट अगर मिट्टी का टेक्स्चर वो हैवी सॉयल है तो अनार को लगाने में वहाँ दिक्कत होगी तो उसके लिए डिफरेंट मैनेजमेंट है बट बेटर यह है कि जहाँ काफ़ी हैवी सॉयल है वहाँ अनार को अवॉइड किया जाए जो लाइट टेक्सचर सॉयल है वहाँ अनार को प्रमोट किया जाए क्योंकि तो ये जो जैसा अभी संघ साहब ने बोला कि स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है हस्त बहार में क्या दिक्कत आता है जहाँ बरसात थोड़ा देर तक होता है वहाँ पर आपका जो स्ट्रेस पीरियड है ये बरसात के बाद नमी ज़्यादा रहती है अगर मिट्टी भारी होगी तो वहाँ स्ट्रेस पड़ने में बहुत दिक्कत होगी और स्ट्रेस का हम लोग सोचते हैं कि है, अगर हम मार के गिरा तो जो आपको बताऊंगा स्ट्रेस मतलब बार बार को अवॉइड करके आप इथरल देंगे तो इस बार नहीं तो अगली बार आपका सर्टेनली फ्लावरिंग इंपैक्ट होगा फ्लावर उतना अच्छा नहीं आएगा तो नेचुरल स्ट्रेस का इथरलूट नहीं है ये इसका सप्लीमेंट है वो बताऊंगा वो कैसे है तो अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी थोड़ी भारी है और आप हस्त लेने का सोच रहे हैं और आपके आप बरसात अब जैसे मान लीजिए राजस्थान के कुछ एरिया हैं, जहां बहुत कम होता है मिट्टी एकदम हल्की है तो वहां पे आप अगर एक बरसात के बाद एक महीने का स्ट्रेस दिए बहुत हल्की मिट्टी है बलुई मिट्टी है तो पौधे को स्ट्रेस मिल जाता है तो वो वो आपका हस्त बहार बहुत लोग लेता है वहां पे बहुत सा एरिया ऐसा है और और इसमें और दिक्कत है जैसे मान लीजिए आप हस्त बहार अब मान लीजिए आप थोड़ा समय तक आप इसका स्ट्रेस बढ़ाना चाहे आ, और आपका फ्लावरिंग डिले हो गया आपका फ्लावरिंग खींच के चला गया आपका नवंबर लास्ट में जब टेम्परेचर डाउन जाता है तो अगेन जो है फ्लावरिंग आपका सिंक्रोनाइज नहीं होगा बहुत स्लो स्लो फ्लावर निकलेगा और एट द एंड ऑफ द डे आपका जो आ, फ्लावरिंग टू तो हार्वेस्टिंग का पीरियड है वो काफी लंबा बढ़ जाएगा तो आपका हस्त बाहर आप लेने चले थे और ले देके उसका हार्वेस्टिंग जो है जब अम्बे बाहर का हार्वेस्टिंग होता है उससे एक दो महीने पहले ही हार्वेस्ट हो पाएगा तो ये सब इसमें इश्यूज हैं तो इसलिए अगर लाइट टेक्सचर सॉयल है

ये हमारा इंडिया का स्ट्रेटजिक एडवांटेज है कि इंडिया में आ, आ, अम्बे मृग हस्त उसका अर्ली वर्जन लेट वर्जन सारा लेके ऑलमोस्ट राउंड द ईयर पोमग्रेट अवेलेबल रहता है अगर हम अपने पैकेज और प्रैक्टिस जो लेबल क्लेम का इशू है पी का इशू है मॉडल का इशू है उसको सॉर्ट आउट करके एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट आउट कर पाए तो हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रेटजिक एडवांटेज रहेगा एक्सपोर्ट करने का अभी हम लिमिटेड समय में ही एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में अनार में एक्स, एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी डिमांड है अगर हम अपने इन इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाए लेबल क्लेम जिसमें काम करना पड़ेगा और ये स्ट्रेटजिक एडवांटेज हम उस समय काफी हद तक यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे यहाँ फ्रेश प्रोड्यूस थ्रू आउट ईयर अवेलेबल रहता है तो उससे हम एक्सपोर्ट मार्केट में भी वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं जो आज की रेट में हम लगभग 14 परसेंट तक कमांड करते हैं अब यहाँ पे मैं कुछ आपको जस्ट एक स्टैट दिखाना चाहूंगा कैसे हमारा अनार का एरिया डिफरेंट ईयर्स में बढ़ा है और कैसे हमारी प्लांटिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों प्लांटिंग मटेरियल पे मैं आया हूं क्योंकि ये अच्छे फल फूल सेटिंग की बात हो रही है तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप प्लांटिंग मटेरियल ला रहे हैं इनिशियली वो भी बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए आप बाद में भले ही उसमें कुछ भी डाल लें कैसा भी कर लें अगर आप पौधा चुनने में अगर आपने गलती की हुई है अगर उसको आपने उसका जैसे आप मान लीजिए महाराष्ट्र में आप पौधे ले रहे हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग नर्सरी सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं है आपको हमेशा देख के लेना है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट से सर्टिफाइड एजेंसी मान लीजिए हमारा सोलापुर लाल ले रहे हैं तो कई लोग ये सोचते हैं सोलापुर लाल हमारी वैरायटी है अगर हमारा सर्टिफिकेट मिला हुआ मतलब वो नर्सरी वैलिड है नहीं आपको जरूर देखना है कि उस नर्सरी के पास स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इश्यूज इशूड जो लाइसेंस होता है नर्सरी लाइसेंस सोलापुर लाल के लिए वो है कि नहीं तो आपको सबसे बड़ी सावधानी कोई भी फल फसल लगाने के समय यह ध्यान रखना है कि पौध सामग्री आपकी बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही आपका जांच परख के ही लेनी है अगर उस समय आप गलती कर दिए तो बाद में उसको आप कितना भी सुधारने की कोशिश करेंगे वो आपको काफी नुकसान पहुंचाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे इस इस चीज को भी इंक्लूड किया है इसके साथ साथ जैसे मैं बताऊंगा कि हम लोग कुछ आ, ग्राफ्टिंग और इस पर ट्राई कर रहे हैं हम लोग ने काफी स्क्रीनिंग शुरू किया है मैडम के साथ मिलकर कुछ मैडम ने विल्ट के लिए कुछ प्रोमिस टाइप आइडेंटिफाई किया है तो जो कैनोपी है वो ये रूट स्टॉक से भी काफी गवर्न होगा हम लोग ऐसे भी रूट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किए हैं जिसके अंदर नेचुरली जो है बहुत से न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन उसके फ्रूट में इवन टेन टाइम ज्यादा है कुछ कुछ चीजें तो उसको हम कैसे एक्सपॉय कर सकते हैं फ्रूट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अल्टीमेटली कैनापी मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं हम नंबर ऑफ हारमाफोराइड फ्लावर इंक्रीज करने के लिए फ्रूट uh, uh, की साइज uh, इंक्रीज करने के लिए उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को इंक्रीज करने के लिए तो रूट स्टॉक्स भी एक मेथड हो सकता है ये फ्यूचरिस्टिक है अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं वेज ग्राफ्टिंग यहाँ डॉक्टर रामचंद सर थे उन्होंने काफी स्टैंडाइज किया मैं ओमेगा ग्राफ्टिंग पे काम कर रहा हूँ इसके साथ मैं स्टेंटिंग पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे और हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं हमें कुछ प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक्स भी मिले हैं तो रूट स्टॉक भी साइन uh, के विगर को मैनेज करने में इवन uh, बहुत से रिपोर्ट आजकल ऐसे हैं जो साइन uh, के फ्रूट के क्वालिटी को इंप्रूव करने में रूट स्टॉक का काफी स्टियोनिक इन्फ्लुएंस काफी रोल हुआ है रहा है इवन uh, uh, आपका फ्लावर सेट से लेके हर एस्पेक्ट को के साइन को रूट स्टॉक इन्फ्लुएंस करता है तो हम ग्राफ्टिंग के थ्रू डिफरेंट uh, जो प्रॉमिसिंग अदर रूट स्टॉक हैं जिनके फ्रूट्स की कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है बट अदर फीचर्स बहुत प्रॉमिसिंग है तो उसको यूज करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे काम शुरू किया है अब जैसा संघ साहब ने बोला अगर मान लीजिए जैसे हस्त बाहर अगर रेस्ट बेड पे लगाने का फायदा क्या है जैसे मैं हम लोग ने यहाँ पे बोला है पांच से छह फीट चौड़ा और लगभग एक दे, डेढ़ फीट ऊंचा बेड बना के है पहले से बेड बना के उसे पौधा आप लगाएंगे तो उससे फायदा ये होगा कि जो स्ट्रेस जो तान पकड़ने का समय मान लीजिए आपको फ्लैट बेड में जितना लगता है उससे जल्दी ये बेड में आपका स्ट्रेस पकड़ेगा क्योंकि इसमें एरेशन ज्यादा होता है जल्दी ये मिट्टी ड्राई होगी तो जो मतलब कम ड्यूरेशन में कैसे पौधे को ज्यादा नेचुरल स्ट्रेस पानी रोक के जो हम लोग देते हैं तो अगर आपका रेस्ट बेड पे ऑलरेडी प्लांटेड है तो उसको स्ट्रेस काफी एज कंपेयर टू फ्लैट बेड जो हम लोग सीधे लगा देते हैं उसकी तुलना में थोड़ा उसमें पहले स्ट्रेस पकड़ेगा तो ये भी ए एक स्ट्रेटजी हो सकती है अगर हमको जहां पे हस्त बाहर लेना है और जहां पे हम जानते हैं कि स्ट्रेस का पीरियड बहुत छोटा होता है स्ट्रेस नहीं मिल पाता है तो नेचुरल स्ट्रेस देने के लिए आप रेस बेड पे लगाइए प्लांटिंग करते समय ही आप ध्यान रखिए कैसे जैसे मान लीजिए आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा हल्की नहीं है तो उससे कोशिश कीजिए कि उसमें सैंड का कंपोजिशन जो जिस गड्ढे में आप प्लांट कर रहे हैं जब रेस बेड बनाने के बाद पोस्ट डिगर से आप गड्ढा थोड़ा सा खोज सकते हैं वहां पे छोटा छोटा पोस्ट होल्ड डिगर भी आता है आजकल इवन हैंड ऑपरेटेड भी आता है तो उसमें आप मिक्स करते समय आप कोशिश कीजिए उसमें सैंड या इस टाइप का चीजें अबाउट ट्वेंटी थर्टी परसेंट मिला के ताकि वो एरिया में स्ट्रेस तो मतलब करने का मतलब कि प्लानिंग आपको शुरू से ही करनी है फ्रूट क्रॉप में अगर आप बहुत मुश्किल है कि आप तुरंत आप सब कुछ कर चुके हैं और एकाएक आप डिसाइड कर लेने हस्त लेना है लेना है ये प्लानिंग आपको शुरू से ही करनी है अगर क्योंकि ये पेरिनियल क्रॉप है इसमें आप प्लानिंग शुरू से ही करेंगे तो जो दिक्कतें आपको फ्लॉइंग लेने में क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी दिक्कतें ऐसी हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है जैसे अब बरसात हो रही है कब बरसात ज्यादा समय तक होगी देर कम समय होगी इस पर आपका कंट्रोल नहीं है ठीक है हमारे पास आज की डेट में स्काई मेट है आज की डेट में आई काफी बताता है बट फिर भी वो आपके कंट्रोल से बाहर है तो हमारे

ज्यादा बढ़िया रहेगा स्ट्रेस जो है रूट्स को जल्दी पकड़ेगा अब स्ट्रेस पकड़ने से रूट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नेचुरल स्ट्रेस और उसका सब्सिश्यूट इथल मारना नहीं है वो केवल एक सप्लीमेंट है वही मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ कुछ रीजन है दो बहुत सी इसमें कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं जिन जिनके अभी वर्कआउट हो रहा है पर जो जो फैक्ट्स हैं जो जो अभी तक रिपोर्टेड हैं जो जो हमने हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है जो किसान भाइयों से यहाँ देखा है वो चीजें हम आपसे शेयर करेंगे तो अभी अब हम शुरू करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है छत्र बेसिकली हम क्यों करते हैं कैनोपी मैनेजमेंट क्यों चाहिए जैसे हम मोटा मोटी अगर हम अनार की बात करें बाकी ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी होगा अगर हम अनार की बात करें तो ट्रेनिंग ट्यूनिंग और ट्रेनिंग के अंदर स्टेकिंग सिस्टम आता है क्योंकि इसमें स्पेशल ऑपरेशन उतने ज्यादा नहीं होते हैं अदरवाइज जैसे कई उसमें नेलिंग होता है नॉचिंग होता है गर्डलिंग होता है बट इसमें अभी वो ऑपरेशन नहीं है तो ट्रेनिंग ट्रूनिंग और स्टेचिंग जो ट्रेनिंग का ही पार्ट है तो तो मैनेजमेंट का इसमें पार्ट आता है। तो क्यों हम करते हैं बेसिकली बेसिकली हम कनाफी मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो सनलाइट को जो हार्वेस्ट कर रहा है उसकी हार्वेस्ट सनलाइट हार्वेस्ट की जो एफिशियंसी है वो इंप्रूव हो शेडिंग इफेक्ट कम से कम हो अगर वो इंप्रूव होगा तो जैसा आपको पता ही है कि लीफ हमारा क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है और वो क्या होता है वही कार्बन का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का जिसको नॉन स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं स्टार्च हो गया है और उसमें आपका शुगर हो गया कई टाइप के तो वो उसमें जो बनता है जो शुगर बनता है वो आपका लीफ से क्या होता है वो आपका फ्लोयम एक होता है फ्लोयम में सीव ट्यूब होता है तो उसके अंदर जाके लोड होता है और उस फ्लोयम वो उसमें ट्रांसपोर्ट सेल्स होते हैं वो फ्लोएम क्या है वेस्कुलर बंडल जो आपका हो गया क्या है? उसके थ्रू आपका सीव ट्यूब के थ्रू जो हमारा सिंक चाहे वो फ्रूट हो ग्रोइंग पॉइंट हो इवन रूट को भी रूट को भी जो कार्बन सोर्स चाहिए वो आपका पत्ती से मिलता है पत्ती सप्लाई करता है जो फोटोसिंथेसिस करता है तो वहां पे सप्लाई करता है ये एनर्जी वो प्रोसेस तो कैसे हम जो लाइट हार्वेस्टिंग जो इसका एरिया है उसको कैसे इंप्रूव कर सके यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है तो होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए चाहे आपको साइज बढ़ाना हो चाहे कलर हो बढ़ाना हो चाहे उसके अंदर जैसे अब जैसे ग्रेप है तो ग्रेप में हम जैसे वाइन के लिए बनाते हैं तो हम उसको ज्यादा हार्ड पुनिंग करते हैं उसके लिए सब स्टैंड है उसमें फिनॉलिक कंपाउंड ज्यादा चाहिए तो वो सारा कुछ केमिस्ट्री डिपेंड करता है कितनी प्लांट के अंदर एनर्जी है और कैसे उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर रहे हैं

कंटेंट बढ़ जाता है बहुत से इनिबिटर्स हैं जो फ्लावरिंग के लिए बहुत यूजफुल हैं तो वो सारे बड़ में उसका कंसेंट्रेशन कार्बन का कंटेंट बढ़ जाता है जो आप आजकल कल भाषा में सब लोग बोलता है सी रेशियो है ना तो सी एन रेशियो यही है इससे ही वो इंप्रूव होता है फिर आपका बहुत से ऑस्मोलाइट्स बढ़ जाते हैं बहुत से इनिबिटर्स बढ़ जाते हैं जो सारे आपका नॉर्मल बर्ड को फ्लावरिंग भाई बड जो है वेस्टिटी बड हो सकता है फ्लावरिंग बड भी होता है तो एक ही टाइप का बड होता है पर एक पर्टिकुलर लेवल एक पर्टिकुलर हार्मोन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो नॉर्मल बड जो है आपका फ्लावरिंग बड में करंट होता है नहीं तो वेस्टिटी बड हो जाएगा तो ये जो स्ट्रेस में ये सब चीजें होती हैं अब तो

आ, वाटर रोक के जो दिया गया है उसको सब ये नहीं कर पाता है तो हमें क्या है कि हमें नेचुरल स्ट्रेस जैसे भी हो सके आप रेस्ट बैठ करके थोड़ा इनिशियल अगर आपके यहाँ आप पहले से पता है कि थोड़ा बरसात देर तक होती है तो जब आप रेस्ट बैठ करके पौधा लगा रहे हैं उस समय ही कोशिश कीजिए कि जो आपका दो दो क्यूबिक फीट जहां एक्टिव फीडर जोन रूट्स हैं उसको आप कैसे हल्का कर सकते हैं उसमें कितना आप सैंड कंटेंट बढ़ा सकते हैं या एफ आई एम डाल उसको कैसे मोर एरी बना सकते हैं एरेशन इंप्रूव कर सकते हैं ये सब शुरू से ध्यान रखना अगर आपको हस्त बहाल लेना है और साथ में आपका उसमें जो है नेचुरल स्ट्रेस कैसे कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा दे पाए और फिर उसको सप्लीमेंट करने के लिए इतल होता है ठीक है तो वो आपका बचा हुआ जो इंस्टेंट जो इफेक्ट होता है वो इथल करने पे उसमें आता है और बेसिकली होता है जहां आपका शुगर बनता है और वो सिंक के पास जाता है सिंक हमारा क्या होगा मोस्टली जो हमारा फ्रूट है वो सिंक है इसके बाद जो ग्रोइंग प्वाइंट है वो भी सिंक है वहां पर भी जाता है एनर्जी रूट जो है

पूरा यही गेम प्लान है मैनेजमेंट का कैसे आप माइक्रो क्लाइमेट इंप्रूव करें ताकि आपके ऑपरेशन इजी हो जाएं इंसेक्ट पे डिजीज कम से कम आए कैसे आप इंक्रीज करें फोटोसिंथेसिस तो और कैसे उसका इफेक्टिव वे में ट्रांसपोर्ट हो पाए फ्रूट तक ये सारे चीज आपका मेन इसका एम यही है अगर आप तीन चार वर्ड में मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे तो यही है और जिसको आपको मैनेज करना है

जब आप काटते हैं सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से तो ये सब चीजें होती हैं अगर आप गलत तरीके से काटेंगे तो ये एक और काम करता है डेड वुड क्रिएट करता है ऐसा वुड जो कुछ नहीं करने वाला है बाद में डिजीज होने वाला है तो इसीलिए साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी तरीके से कर देंगे तो उसमें जो पॉजिटिव आना चाहिए पॉजिटिव आने की जगह वो आपका डेड वुड क्रिएट कर देगा तो इसमें क्या सही तरीके से काटना सही समय पे काटना सही अनुपात में काटना

काट तो उसमें भी रहे तो उसका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा तो कैसे अनार में हम क्या क्या चीज करते हैं इसमें अभी भी इसमें काफी कुछ काम होना बचा है हम लोग भी कर रहे हैं बट जो अभी तक हम लोग को अनुभव इसमें हुआ है और जो जो लिटरेचर मिला है वो मैं बता रहा हूँ कि अनार में क्या क्या अभी हम लोग कर रहे हैं और क्या क्या कैसे होता है तो ये आपको मैंने बता दिया कि भाई जब भी आप कना मैनेजमेंट करते हैं बेसिकली आप अल्टर करते हैं शूट और रूट जो जड़ है और जड़ के ऊपर पौधा है उसके बायोमास को अल्टर करते हैं जो पौधे के अंदर आप हार्मोन ऊपर से डालते हैं ना तो वो भी वो भी ठीक है सप्लीमेंट करने के लिए है बट कोई भी आप ऊपर का हारमोन जो है वो हमेशा वो काम नहीं करेगा का जो पौधे के अंदर जो हार्मोन बनता है वो जो वो जितना इफेक्टिव होता है तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग से क्या होता है जो पौधे का अपना मेकेनिज्म है

टेम्प्री शूट्स में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है तो हैवी पुनिंग जब भी आप करते हैं आप देखते होंगे वेस्टेटिव ग्रोथ ज्यादा आता आता है नहीं आता उस समय तो इसके पीछे रीजन ये है सी एन देश जी आप लोग बोलते हैं आ, पर इसके पीछे का लॉजिक ये है फिर यहाँ प्लांट फिगर को मॉडिफाई करना है कनापी को हम मॉडिफाई करते हैं कैसक्यो मॉडिफाई करते हैं ताकि हम ऑप्टिमम इल्ड ले पाए ऑप्टिमम इल्ड हम उसको बोलेंगे ऑप्टिमम इल्ड मतलब ये नहीं है मैक्सिमम इल्ड इसलिए बोला गया है कि उतना लीजिए आपका साइज़, क्वालिटी और उसके बायोकेमिकल न्यूट्रिशनल कंटेंट एक लेवल पर रहे मैक्सिमम इल्ड लेने के चक्कर हम लोग क्या करते हैं साइज से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं उसका बायोकेमिकल कंटेंट जो होना चाहिए वो रिड्यूस हो जाता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है पर यहां ऑप्टियम इल्ड मतलब ये है तो पहले मैं शुरू करता हूँ ट्रेनिंग से जैसे आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन आता है किसान भाइयों का हम लोग जवाब देते रहते हैं कि भाई हम क्या करें मल्टी स्टेम करें या सिंगल करें? मल्टी करें तो कितना रखें? और कैसे इसको करना है देखिए सिंगल स्टेम तो अभी इंडिया में बहुत कम ही लोग कर रहे हैं हम लोग किए हैं इसके अपने फायदे हैं सिंगल स्टेम में थोड़ा इनिशियल क्या है उसको रेगुलर डी सक्रिंग करना पड़ता है रेगुलर शेप देना पड़ता है शुरू में पर एक बार कैनोपी जब बन गया जब दो साल तीन साल बाद कहा बन जाता है तो उसको मैनेज करना इजी है और सिंगल स्टेम में

का बुशी नेचर है, तो मोस्टली लोग यहाँ मल्टी स्टेम ही रखते हैं। पर में भी हम देखते हैं बीच में बहुत है, या तो बहुत, तो बहुत लेटर ब्रांचेज निकलने लगती है जो बियर करते टूटने लगती हैं तो मल्टी स्टेम भी कैसे आपको करना है? वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ आपको ट्रेनिंग सिस्टम में हमारे पास तीन टाइप का जनरली हम लोग में ट्रेनिंग सिस्टम करते हैं हमारा जो अनार में ओपन सेंटर है वेस्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं मतलब तो लाइट जो है एकदम लास्ट तक आनी चाहिए वो कैसे होता है जो, अब जो आपका जो मेन स्टेम है उसको कुछ समय के ग्रोथ के बाद आप काट दें और उसपे और को अलाउ करें ताकि सेंटर जो है ओपन हो तो उसको हम वेस्ट सिस्टम बो, बोलते हैं इसमें वी शेप्ड आकार बनता है या समटाइम उसको रिवर्स अम्ब्रेला या अम्ब्रेला शेप भी बोलते हैं तो वेस्ट सिस्टम में क्या होता है कि सेंटर हमेशा ओपन रहता है ठीक है तो पर मोस्ट ऑफ दी जो बड़े ट्री आम हो गया बड़े ट्री जो हो गया वो आपका मॉडिफाइड लीडर में ट्रेन होते हैं लीडर लीडर को को थोड़ा मतलब main stem को थोड़ा leader मतलब मतलब मेन मेन स्टेम स्टेम उसको बढ़ने देते हैं और कुछ समय चार पांच साल के के ग्रोथ बाद उसको काटते हैं तो एक मेन स्टेम होता है और उससे तीन चार सेकेंडरीज निकलते हैं और फिर उस पर टेरसरीज और फूटिंग ब्रांचेस निकलती हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो बड़े ट्रीज हैं वो मॉडिफाइड लीडर में ट्रेन होते हैं बट जो पोम ग्रेड है कुछ पीचेस होते हैं जो ओपन सेंटर में ट्रेन होते हैं एप्पल uh, के बहुत से ट्रीज हैं तो ये आपके अनार uh, भी हमारा जो है वो ओपन सेंटर या सिस्टम मतलब खुला कैनोपी होना चाहिए चाहिए अंदर तक लाइट जानी क्योंकि इससे मल्टीपल ब्रांचेस निकलते हैं अगर ऐसा नहीं रखेंगे आप तो बहुत डेंस हो जाएगा डेंस होने से क्या दिक्कत होगा अंदर लाइट नहीं जाएगा तो क्या होगा आपका अंदर की तरफ फ्रूट सेट नहीं होगा बाहर की तरफ ज्यादा फ्रूट सेट होगा बाहर की तरफ फ्रूट सेट ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका जो आपका सन स्कॉर्चिंग है जितने भी आपके इंसेक्टेस अटैक है वो थोड़े बढ़ जाएंगे ठीक है तो इसलिए हमें फ्रूट को फ्रूट जो अपना फ्रूटिंग एरिया है उसको भी ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका है कैन मैनेजमेंट कैसे हम ऑप्टिमाइज करें कि फ्रूट अंदर भी आए बाहर भी आए ठीक है और कम से कम आपका उसको बायोटिक और एबायोटिक बायोटिक डैमेज हो तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं जैसे अब आप वो डिपेंड करेगा जैसे यहां मैंने छे महीना लिखा है तो वो ग्रोथ का डिफरेंस आता है काफी क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो जनरली चार से छह महीने बाद इसमें एक बुशी टाइप का बन जाता है अनार लगाने के बाद तो उसमें से आपको ध्यान देना है कि हमें जो है तीन से चार मेन को सेलेक्ट करना है जो डिफरेंट डायरेक्शन में हो ठीक है मतलब ऐसा है नहीं कि चारों एक ही दिशा में रहे नहीं चार चारों दिशाओं में रहे ऐसे चार को रखना है और यह भी ध्यान रखना है कि वो चार एकदम सीधा ना हो एकदम सीधा ना हो सीधा होगा तो क्या होगा एकदम सीधा चार होगा तो क्या होगा उसमें आप ऐसे मान लीजिए सीधा चार है तो ये जाके बीच में घना हो जाएगा और बाद में अंदर की ब्रांच सारी अनप्रोडक्टिव हो जाएंगी और चारों एकदम ऐसे लेटा हुआ भी ना हो लेटा हुआ होगा तो क्या होगा जब ये बड़ा होगा तो इस पर फूट आएगा तो टूट जाएगा तो एक एंगल पे हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका जो आपका जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल से 45 से 50 डिग्री की एंगल पे हो है ना गुड क्रॉच मेंटेन हो और एक चारों दिशाओं में है वो तो ऐसे आपको मोटे वाले चार स्टेम रखने हैं जो आपका ये मेन शूट फॉर्म करेगा मेन शूट ये फॉर्म करेगा ये चार मल्टी स्टेम में तो तीन से चार आइडियल है उससे ज्यादा ना रखें सिंगल स्टेम का तरीका जो है मैं आपको बता दूंगा करना ना करना आपके ऊपर है इनिशियली उसको करने में थोड़ा कठिनाई है तो यहां पे मोस्टली मल्टी स्टेम ही करते हैं क्योंकि शुरू में विंड डैमेज भी सिंगल स्टेम में ज्यादा होता है और एक बार डैमेज हो गया आपने स्टेकिंग ठीक से नहीं किया डैमेज हो गया तो फिर आपका वो काफी वेट करना पड़ता है मल्टी स्टेम अगर रहेगा तो उसमें विंड डैमेज भी जब पौधा यंग होता है तो कम होता है एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेम क्योंकि मेरा खुद का भी सिंगल स्टेम लगाया हुआ है इसलिए मुझे ये सब चीजें प्रैक्टिकली इसकी प्रॉब्लम भी थोड़ी पता है <coughs> तो इसमें चार मेन स्टेम रखना है और उस हर मेन स्टेम से तीन जो है तीन आपको सेकेंडरीज

और वो भी हर दिशाओं में होनी चाहिए ठीक है और वो भी ना बहुत ज्यादा सीधी होनी चाहिए ना एकदम लैटरल होनी चाहिए एकदम हॉरिजॉन्टल भी नहीं होनी चाहिए तो वजन आते ही वो टूट जाएगा तो वो आपको सेकंडरीज आप उस सेकंडरीज पे जो टर्शरी उस हर सेकेंडरी पे आपको दो से तीन टर्शरी मेंटेन कर सकते हैं ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क होगा मतलब चार मेन स्टेम हर चार पे दो से तीन सेकेंडरी और हर सेकेंडरी पे दो से तीन टर्शरी ये आपका मेन फ्रेमवर्क होगा ज्यादातर अब फुटिंग जो होगा वो टर्शरी से जो शूट्स या स्पर निकलेंगे वो आपका मेन बेयरिंग एरिया होगा तो ऐसा वो करना है कि बीच में बहुत डेंस ना हो हर साल वो छटाई करते रहना ताकि बीच में खुला रहे और बहुत ज्यादा वो हॉरिजॉन्टल ऐसे फ्लैट भी ना जाए नहीं तो वो प्रेशर पड़ते ही टूट जाएगा आपका तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको मेन सेलेक्ट करने के बाद बाकी सारे सकर्स निकालते रहना हमेशा हर मेन मेन ब्रांच से से स्टेम आपका दो से तीन सेकेंडरी जाएगा और हर सेकेंडरी से दो से तीन टर्सरी जाएगा डिपेंडिंग करता है विगर पे कैसा आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं इन सब चीज पे डिपेंड करता है और वो टर्सरी जो है हमारा उस पर जो शूट्स आएंगे स्पर्श बनेंगे वो आपका मेन जो है आपका फूटिंग एरिया होगा पोमगेट के के केस में मल्टी सारी लगा हुआ है मतलब और जब भी आपको पौधे को काटना है देखिए मैंने क्या बोला कितना काटना है कैसे काटना है किस समय काटना है आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब बरसात हो रही हो उस समय आप पौधे की छटाई कटाई न करें उसका दो रीजन है एक्टिव ग्रोइंग पीरियड में सैफ फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो पौधे को एक शॉक भी लगता है उस समय काटने से दूसरा क्या होता है इन्फेक्शन होने का चांस भी ज्यादा होता है उस समय तो हमेशा कटाई छटाई करने का सही तरीका क्या होता है कि जब पौधा सेमी डॉर्मेंट टाइप का हो जैसे मान लीजिए अब ऐसा नहीं कि एकदम बहुत गर्मी पड़ रहा है या बहुत ठंडी हो रहा है तब भी नहीं काटना है जैसे अब अनार में हम क्या करते हैं गहरी छटाई कब करते हैं ये तो कर, कटाई के बारे में बता रहा हूं ट्रेनिंग के बारे में उसको बताऊंगा आपको तो आप ये ध्यान रखिए मोटा मोटी कि जब जो टेम्परेचर सेम मतलब क्लाइमेट सेमी डॉर्मेंट हो जैसे मान लीजिए आपका बहुत जाड़ा खत्म हो गया हो बर्ड स्प्राउट होने वाला हो मतलब जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग ठंडी में मान लीजिए दिसंबर अवॉइड कीजिए जनवरी लास्ट जब बर्ड स्प्राउट होने वाला हो तो उस समय आप कीजिए या गर्मी में है तो आपका एकदम हमारा यहाँ पे जून जून मई जून बहुत ठंडी गर्मी पड़ता है तो अप्रैल के आसपास काटिए तो ये छटाई जो है ना आपको उस समय ही करना है जब बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन भी ना हो और प्लांट एक्टिव ग्रोथ में ना हो एक्टिव ग्रोथ में कहीं भी हैवी पुनिंग या छटाई इस टाइप से मेंटेनेंस नहीं करते हैं इसलिए यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट विंटर या आपका अगर समर में करना चाहे तो नेक्स्ट समर पर अगर समर बहुत हार्श है तो उससे थोड़ा पहले कर लेना है ताकि पौधे को कम से कम शॉक लगे और हर साल आपको जनरली जो पुराने हैं जो बहुत पुराने चार से पांच साल पुराने हो गए हैं उसको आपको वन थर्ड तक रिप्लेस करते रहना है जो टर्सरीज जो हैं टर्सरी जो है थिनिंग थिनिंग आउट आउट में बताऊंगा कैसे करते, करते हैं तो जो पहले मेन स्टेम हो गया सेकेंडरी हो गया और उस पर हो गया जो टर्सरी हो नहीं तो बहुत डेंस हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा अंदर की तरफ लाइट नहीं जाएगी और अंदर की तरफ प्लांट जो है वो फ्लावर नहीं बनाएगा बियर नहीं करेगा तो आपके मोस्टली फ्रूट बाहर के साइड आएंगे जहां पे आपका बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस का डैमेज ज्यादा दिखेगा फ्रूट के ऊपर और आपका साइज भी जितनी थोड़ा मोटी वाले अंदर के साइड तो भी बड़ा होता है, बताया है।, उसको यहां पे ये लिखा हुआ है। आप शुरू में देखिये चार स्टेम है आप ये फोटो देख पा रहे होंगे ये मेन आपका मेन स्टेम है यहाँ हर स्टेम को यहां से हेडिंग बैक कर दिया गया है ये लगभग एक फिट के आसपास का हाइट है हेडिंग बैक करने के बाद उसमें से हर में से आपको दो से तीन सेकेंडरीज अलाउ किया गया और उसके ऊपर टर्सरीज है वो टर्सरीज आपका ये आपका लगभग एक साल से कम का पौधा है ये लगभग आपका सवा साल का पौधा है ये वाला जो है आ, सवा ये डेढ़ साल के आसपास का पौधा है और ये फाइनली जो है पांच साल का बियरिंग पौधा है ठीक है तो देखिए यहाँ से चार इस बहुत क्राउडिंग नहीं है ये आपका क्योंकि अभी काफी बियरिंग में है काफी फोलेज इसलिए आपको नहीं दिख रहा अदरवाइज ये देखिए सेंटर से आप यहाँ देख सकते हैं काफी खुला खुला है ये इसलिए आपका फ्रूट देखिए अंदर तक आया है अल सरफेस पे नहीं है आपका तो उसको ऐसे आपको डेवलप करना है देखिए यहां से काट के दो से तीन ब्रांच यहां से मेंटेन की गई है ये तीन डायरेक्शन में होना चाहिए ये मैं ऐसा बता रहा हूं पर प्रैक्टिकली फील्ड में ऐसा होता नहीं है आपको उसमें थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करना है पर क्या बेस्ट आप डिसीजन ले सकते हैं वो आपको वहां पे लेना है आइडियल कंडीशन जो है मैं आपको ये बताया पर जैसे वहां पे अब आप तीन तीन डायरेक्शन में निकलेगा हो सकता है वो थोड़ा पास पास भी निकले तो उसमें से जो बेस्ट आपका सेकेंडरी आ रहा है उसको आपको मेंटेन करना है फिर ये ये सिंगल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम में क्या होता है कोशिश ये करते हैं कि जनरली है? तो, तो है। थोड़ा बड़ा हो जाए पुराना पौधा, पौधा लगाना जो सिंगल नर्सरी में ही ट्रेन किया हो और उसको चार से पांच महीने बाद जो है आपका हेडिंग बैक कर देते हैं लगभग एक फिट की हाइट पे या 35 सेंटीमीटर की हाइट पे उसको हेडिंग बैक कर देते हैं बहुत ऊंचा नहीं करना है नहीं तो फिर विंड से टूट जाएगा वो क्योंकि ये बहुत इसका स्टेम बहुत मजबूत नहीं होता है शुरू में तो आपको लगभग एक फीट या 35 सेंटीमीटर की हाइट पे हेडिंग बैक कर देना है और उसके जस्ट नीचे से अगर कोई ब्रांच आई हुई है तो उसको मेंटेन करना है नहीं तो अपने आप जब हेडिंग बैक करेंगे तो 15 से 20 दिन में नए आपको स्प्राउट दिखेंगे और वो लगभग नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट जब डॉर्मेंट आएगा तीन से चार महीने बाद सेमी डॉर्मेंट कंडीशन आता है तो उसमें आपको क्या करना है उस मेन स्टेम से चार स्टेम तीन से चार स्टेम हर दिशा में ऐसे हो उसको मेंटेन करना जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग बैक किया पर यहां से पहले ही दो स्टेम आया हुआ है दो डायरेक्शन में तो इसको हम मेंटेन कर लेंगे देखिए इसके बाद ये ऐसा दिखेगा नया ग्रोथ आने के बाद और ये देखिए एक स्टेम है यहां से इस पे चार है चार सेकेंडरी फिर उस उसपे क्या है हर पे दो टर्सरी काटा हुआ है लीडर्स को तो काटा हुआ है ये देखिए कैसा ओपन कैनोपी एकदम आ रहा है बट इसको शुरू में मेंटेन करने में जितना इजी दिख रहा है ये थोड़ा सकरीन को बहुत मेंटेन हमेशा निकालते रहना पड़ता है इसको कई बार छटाई करना पड़ता है तब ये जाके डेढ़ दो साल में ऐसा हो जाता है पर एक बार कैनोपी बनने के बाद ये काफी अच्छा दिखता भी और मैनेज करने में भी इजी रहता है क्योंकि यहाँ क्या है सारा न्यूट्रिएंट आपका सिंगल स्टेम से डाइवर्ट हो रहा है तो जो इसकी है, वो भी बेटर होती है बट क्योंकि हमारे पास इश्यूज ये रहते हैं कि स्टेम बोर से एक डैमेज हो गया या ब्लाइट आ गया तो इसीलिए यहाँ पे मल्टी स्टेम करते हैं अदरवाइज कई कंट्रीज में आपका सिंगल स्टेम भी लोग करते हैं और काफी चालीस चालीस के जी तक इल्ड पैंतालीस के तक इल्ड रिपोर्ट भी करते हैं सिंगल स्टेम में और ये स्टेम तीन साल में इतना मोटा हो जाएगा एकदम पेड़ की तरह स्टेम दिखेगा आपको अब क्या है जिसे आपने छटाई कर दिया पर जब बियरिंग होता है तो प्लांट अगर टिश्यू कलर वाला प्लांट प्लांट है अगर तो प्लांट, है, है तो तो कभी -कभी प्लांट को सपोर्ट की जरूरत होती है डिफरेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर जैसे हमारे किसान भाई बनाते हैं ऐसे बंबू का लेटरल वो एक लेटरल और दो दो हर तीन पौधे पे दो दो ऐसे बंबू गाड़ते हैं और जीआई वायर बारह गेज का होता है उस पर उसका ब्रांचेज रेस्ट करता है फिर बहुत से लोग जो है वाई शेप जैसे अंगूर में यूज करते हैं उस पर ही वायर देके उसको सपोर्ट देते हैं ठीक है हमारे यहाँ भी लोग अंगूर के कई लोग अंगूर के बाग का वाई शेप वाला जो मेंटेन रहता है उसको निकालते नहीं है उसमें अनाज लगा के बाद में उसको सपोर्ट देते हैं उस उसपे ये कई फॉरन कंट्रीज मैंने गूगल से भी कुछ पिक्स निकाली हैं तो वहाँ पे भी ऐसे मैनेज करते हैं ये डबल टी सिस्टम है ये हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे पांच छह साल पहले ही लगाया था उस पर ट्रायल अभी चल रहा है ये ये ऑलरेडी इजराइल का फोटो है वो भी डबल टी यूज करते हैं हमने जो डबल टी स्ट्रक्चर बनाया है वो मूवेबल है यहाँ से वो मूव कर सकता है ऊपर नीचे वो लॉकिंग सिस्टम पे है बस उसमें यही दिक्कत आता है कि फील्ड कंडीशन वो जाम हो जाता है जल्दी तो हम इवन हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं उसमें तो डबल टी से भी सपोर्ट करते हैं लोअर वाला छोटा होता है थोड़ा ऊपर वाला बड़ा होता है और लोअर वायर जाता है जीआई वायर जो एक 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 टायर को नीचे वाले पे रेस्ट कराता है और जो ऊपर के टायर होते हैं उस पर रेस्ट कराता है जनरली जो ऐसे खुला वाला है अगर रस्सी बांध रहे हैं ऐसे दो साइड वाला है तो वो इस वाले से बेटर है क्योंकि यहाँ आप देखिए सारे ब्रांच को लाके ऐसे जोड़ा जाता है तो उस केस में क्या होता है सेंटर में काफी लाइट जा नहीं पाती अब ये तो काफी हैवी पुलिंग करके लिए इसलिए देखिए काफी फ्रूट यहाँ एक्सपोज भी है बाहर भी है इसमें सन स्कैल्डिंग भी काफी आएगा इसके तुलना में ये वाला बेटर है क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है दो पैरल वायर हैं तो बहुत ज्यादा एक ही तरफ नहीं खींचना पड़ता है सेंटर की तरफ, आप दोनों तो आ से, उसके किसान भाई प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू तो सिंगल पोल लगा के या बंबू क्रॉच बना के उसमें वायर लाके एक ही वायर पे सारा स्ट्रिंग करने से बेटर है कि दो वायर पे ओपन कैनोपी रहेगा थोड़ा वैसे करने का अगर आप ये क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स में ये लगभग हम लोग जो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ कैसा है बियरिंग कैसा है लगभग पांच प्लांट पे एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए और बियरिंग अगर बहुत ज्यादा तो तीन प्लांट मतलब दस, दस बारह मीटर पे भी एक लगाते हैं तो इसके डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है ये डिपेंड करता है आपका प्लांट कितना बियर कर रहा है और किस एज में है तो उस हिसाब से आपको ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है जनरली पांच प्लांट पे ये एक सपोर्ट ऐसा देना होता है ये वायर के थ्रू रन होता है और दो दो से तीन सेट वायर होता है एक लोअर सेट के लिए नीचे की ब्रांचेस के लिए और एक दो ऊपर सेट के लिए ऊपर की ब्रांचेस के लिए ये हम लोग यहां कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था नंबर ऑफ स्टेम पे आ, कितना नंबर ऑफ स्टेम आईडी रखना चाहिए तो इसमें जो हम लोग का जो इल्ड आया था इसमें क्योंकि हम आ, डिजीज पेस्ट ये सब इंसिडेंस उतना क्लियरली देखा नहीं गया था पर मुझे सिंगल स्टेम में ये सब फायदा रहा कि स्प्रे पेनिट्रेशन जो है अगर सिंगल स्टेम ठीक से मेनटेंड है तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव रहता है और फूड की अदर क्वालिटी लाइक सैन स्के वो सब भी जो सिंगल स्टेम वाला पोर्शन है उसमें बेटर रहता है बट यहाँ पे हम लोगों ने जो जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने रिकमेंड किया कि फोर स्टेम जो है वो इल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर uh, है उसमें बेटर इल्ड मिलता है एज कंपेयर टू नॉन प्रून्ड या रिमेनिंग uh, स्टेम वाला तो ज्यादा क्राउडिंग नहीं करना है मैक्सिमम थ्री टू फोर स्टेम ही आपको मेन स्टेम जो रखना है टू फोर ही रखना है तो मल्टी स्टेम ट्रेनिंग जो पौधे का है उसमें आपको तीन से चार स्टेम रखना है और उसमें जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है आप बंबू क्रॉच को भी यूज कर सकते हैं या आपका जो वाई शेप स्ट्रक्चर है वो भी यूज कर सकते हैं बंबू क्रॉच यूज कर रहे हैं या दो बंबू लगा के आप जीआई वायर रन कर रहे हैं तो तीन पौधे के बाद दो बंबू का सेट लगाना है अगर वाई शेप कर रहे हैं और आपका लगभग 20 से 25 किलो तक पर पौधे का इल्ड है तो आप पांच पौधे पे एक वाई लगा सकते हैं एक सपोर्ट दे सकते हैं आपका तो ये फ्रूटिंग है फोर स्टेम का और कंट्रोल का मोर देन फाइव स्टेम जो है पुनिंग मैंने बताया कितना मल्टी स्टेम प्रूनिंग कैसा दिखता है अरे ट्रेनिंग कैसा दिखता है अब हम आते हैं प्रूनिंग पे ट्रेनिंग क्या है बेसिकली ट्रेनिंग जो है हम शेप की बात करते हैं हम पौधे को ऐसा शेप देना चाहते हैं कि जो आगे चल के अच्छा बियर कर सके पौधे टूटे ना और उस मतलब तो उसके ब्रांचेस टूटे ना और उस ऑप्टीयम इल्ड को लोड को वो बियर कर पाए तो ट्रेनिंग इज मोर अबाउट गिविंग शेप टू द्लांट ऐसा शेप हो कि कम से कम डिजीज आए ऑप्टीयम इल्ड वो बियर कर पाए एंड प्रूनिंग क्या है वो एनुअल प्रूनिंग की जाती है मतलब साल में ये क्या दो बार की जाती है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इल्ड के और उसकी क्वालिटी पे और इसके साथ साथ जो ही माइक्रो क्लाइमेट बन रहा है तो ट्रेनिंग इज मोर अबाउट शेप बट अल्टीमेट गोल सबका वही है कैसे हम फूड सिंथेटिक प्लांट का बनाएं कैसे माइक्रो क्लाइमेट ऐसा क्रिएट करें कि डिजीज पेस्ट कम से कम आए कैसे ऐसा पौधे को बनाएं कि उसका जो एफिशिएंसी है वेरियस इनपुट्स के अगेंस्ट वो बढ़े और हमें ऑप्टियम इल्ड मिले चाहे वो ट्रेनिंग हो पुनिंग हो स्टेकिंग हो गडलिंग हो नॉचिंग हो नेलिंग हो ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं इन सब का अल्टीमेट एम यही है तो पर पुनिंग क्या है डायरेक्टली जिसे जब भी हम पुनिंग करते हैं पुनिंग भी एक साइंस है उसमें बहुत आ, आ, कितना करना है

मतलब उसको मेन स्टेम से ही काट के निकाल दिए तो उसको बोलते हैं थिनिंग आउट और हेडिंग में मतलब पांच ब्रांच है तो पांचों को रखे हैं बट थोड़ा थोड़ा उसको उसको काट दिए हैं उसका मेन सिरा काट दिए हैं तो बेसिकली क्या होता है जब हम लाइट पुनिंग करते हैं तो लाइट पुनिंग करने में क्या होता है कि हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स होता है एपिकल डोमिनेंस जो है जो ऑक्सीजनिकार्ड होता है वो आपका कम हो जाता है और जो साइटोकाइनिन है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो हमारे लेटर हैं वो निकलना शुरू होते हैं जो ज्यादातर हमारा फ्लावरिंग को गवर्न करते हैं तो नेचुरल स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या करता है नॉन स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट है उनका कंसेंट्रेशन सूट में बढ़ाता है बर्ड में बढ़ाता है बहुत से इनिमीटर्स और ऑस्मोलाइट्स हैं जिनका लेटर ऑन फ्लावरिंग में रोल होता है उनके कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है और जो

इथरेल ज्यादा मारेंगे एक डोज मारेंगे इसलिए आप मल्टीपल डोज बाबू सर अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपको बताएंगे इथरेल का कैसे मान लीजिए स्ट्रेस किसी कारण से नहीं बन पाया बीच में बरसात हो गई तो कैसे आपको दो डोज मारना है कम डोज मारिए शुरू का पॉइंट फाइव के आसपास मारिए इथरेल का पर लीटर के हिसाब से और उसमें जीरो जो हम लोग पांच ग्राम के आसपास डालते हैं तो वो आपको एड करना है ठीक है तो उससे क्या होगा वो एब्जॉर्शन जो है की उसकी इथरेलशन कैपेसिटी को बढ़ा देता है क्योंकि तो इथेल भी बनाने के बाद एसडी पी के आसपास सोल्यूशन देता है टू क्लोरोल फॉस्फोनिक एसिड और जो आपका कमर्शियली अवेलेबल है और इसके साथ आपका जीरो पॉइंट चौतीस भी सोल्यूशन बनाएंगे तो ऑलमोस्ट एसडी ही देगा तो कई लोग डी ए ही मिलाते हैं दो उसका एब्जॉर्शन का डिफरेंट डिफरेंट रूल है पी एच ई बहुत चीजों पर किसी भी स्प्रे का एब्जॉर्शन बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका प्लांट का स्टेटस क्या है आपका पी क्या है आपका उसमें मॉलिकूल साइज क्या है और आपका आपका कई कई चीजें हैं जो एक स्प्रे के एब्जॉर्शन को गवर्न करती है भी उसमें एक फैक्टर है तो ये ये आपका इथेल जो आप ऊपर से डाल रहे हैं वो आपको केवल uh, सप्लीमेंट करने के लिए नेचुरल स्ट्रेस को तो कोशिश कीजिए पहले से डिसाइड रखिए कि आपको हस्त बहाल अगर लेना है तो आपका ऑर्चर्ड कैसा होना चाहिए ठीक है उसका प्लांटिंग कैसा होना चाहिए रेस्ट बेड कब बनना चाहिए जब आप गड्ढा खोद के उसके अंदर मिक्सचर डाल रहे हैं तो उस समय क्या मिक्सचर पड़ना चाहिए ठीक है uh, फिर आपका मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे आपको उसका सोयल uh, मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है क्योंकि तो ये जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला सॉयल मॉइस्चर इसमें बहुत से भी

कि थोड़ी देर के लिए फॉर टेम्प्रोरी पीरियड जो आपका रूट शूट रेशियो वो चेंज होता है शूट बायोमास कम होता है काटने के बाद मतलब ये नहीं बोल रहा कि रूट से कम हो जाता है बट जो एक्चुअल पहले था उससे कम हो जाता है तो टेम्प्रोरी नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन ऊपर ज्यादा होता है और उस समय अगर आप लाइट इरिगेशन की और बेसल डोज डाले तो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है तो हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आपको हैवी पुलिंग करना है बट मान लीजिए अगर ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप हार्वेस्टिंग किए फिर कुछ इश्यू आ गया आप पुलिंग नहीं कर पाए और जैसे क्रॉप साइकिल क्या होता है आपका डिफोलियन से लेके हार्वेस्टिंग तक का आप पकड़ लीजिए साढ़े सात महीना 240 दिन तीस से हार्वेस्टिंग हम बोल रहे हैं फ्लावरिंग से नहीं डिफोलियन से वो एक साइकिल हो गया फिर उसके बाद क्या होता है रेस्ट पीरियड होता है जहां आप हार्वेस्टिंग के बाद हैवी पुनिंग करेंगे जो डेड डिजीज ब्रांच है वो निकालेंगे क्रिस क्रॉस ब्रांच निकालेंगे ठीक है हेडिंग बैक करेंगे थोड़ा थिनिंग आउट करेंगे और हेडिंग बैक कितना करेंगे हैवी में लगभग आपका फिफ्टी सेंटीमीटर सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप मतलब थोड़ा डीप पुनिंग करेंगे और साथ में थिनिंग आउट भी करेंगे कुछ टर्सरी निकालेंगे कुछ secondary निक, secondary तो जनरली नहीं निकालते हैं टर्सरी निकालते हैं तो टर्सरी कुछ निकालेंगे ताकि वो कैनोपी ओपन हो तो हैवी पुनिंग कब करना हार्वेस्टिंग के बाद क्योंकि तो हैवी करने के बाद प्लांट को जो सिग्नल मिलता है आपको वेस्टेटिक ग्रोथ करना है इसलिए हैवी करने के बाद एक और चीज है कि आपको एक बेसल एप्लीकेशन डालते हैं फर्टिलाइजर का न्यूट्रिशन का जिसमें जैविक जैविक खाद दोनों होता है अभी मेहती सर का जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो इस पर और डिटेल में आपको बताएंगे तो वो वो डालना जरूरी है और लाइट इरीगेशन करते हैं ताकि आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ प्रमोट हो अगर मान लीजिए हेवी पुनिंग करने में आपको लेट हो गया और अब मान लीजिए आपको स्ट्रेस पे डालना है ठीक है और या आप सोचे कि जब स्ट्रेस कंप्लीट हो जाएगा उस समय ही हम हैवी प्रूनिंग कर देंगे नहीं अगर उस समय हैवी प्रूनिंग करेंगे तो आपका फ्लॉरिंग डिले हो जाएगा पौधा हैवी करेंगे तुरंत क्या होगा थोड़ा वेस्टेटिक ग्रोथ देने लगेगा और फ्लावरिंग डिले हो जाएगा आपका हार्वेस्टिंग डिले हो जाएगा तो हैवी प्रूनिंग तभी करना है जब टाइम पे करें और हैवी प्रूनिंग करने के बाद जो ब्रांचेस निकले उसको नेक्स्ट आपका फ्लावरिंग सीजन में जाने के लिए उसको एक समय मिले ताकि वो थोड़ा मेच्योर हो जाए तीन से चार महीने का हो जाए उस समय तक तभी वो करेगा। तो ऐसी फसल है जो टर्मिनल भी करती, भी करती है, बियरिंग भी करती है प्रीवियस सीजन ग्रोथ पे भी करती है वन ईयर ओल्ड शूट पे भी करती है करेंट सीजन पे भी करती है बंच में भी करती है सॉलिट्री भी समटाइम करती है दो दो जो साइड वाले फ्लावर है वो अपने आप ही ड्रॉप कर जाते हैं कहीं कहीं तो इस बहुत फ्लेक्सिबल क्रॉप है बट हैवी प्रूनिंग करेंगे तो शुरू में आपका वेस्टेज ग्रोथ ज्यादा आएगा तो हैवी प्रूनिंग कब करना है आपको हार्वेस्टिंग के तुरंत बात करना है और उस समय आपको करने के बाद आपको बेसल डोज डालना है। इससे क्या होगा आपका कनापी ओपन हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूं जैसे ये हैवी प्रूनिंग किया हुआ है पोमगेट में कैसे करते हैं वही बताऊंगा मैं आपको देखिए जैसे ये ये येवी पुन हार्वेस्टिंग के बाद किया है ये देखिए कैनोपी एकदम ओपन हो गया है ठीक है तो हैवी पुनिंग उसके बाद ही करना है और जब आप हैवी पुनिंग करने के बाद बेसल डोज डालना है लाइट इरीगेशन करना है एक डेढ़ महीने तक ये आपका दो महीने तक चलेगा और फिर डिपेंडिंग ऑन सॉयल कंडीशन आपको स्ट्रेस देना है जनरली ये एक महीने से लेके 45 डेज तक होता है हस्त बाहर में स्ट्रेस देना दिक्कत है तो आप कोशिश कीजिए अब जब आपको हैवी पुनिंग करना है मैंने बोला बरसात में पुनिंग आपको नहीं करना है तो आपका बरसात से पहले ही आप जो प्रूनिंग करना है कर दीजिए और बेसल डोज डाल दीजिए ठीक है बरसात होने पे उसमें ज्यादा वैस्ट्रिक ग्रोथ आएगा एक बार आपको सकता है फ्लावर थिनिंग भी करना पड़े ठीक है तो वो बाबू सर बताएंगे कुछ केमिकल थिनर्स भी अभी हम लोग कई लोग यूज कर रहे हैं तो ये आपको प्लान आउट करना है और अगर आपको हस्त बहाल लेना है और आपके यहाँ आप बरसात लेट हो रहा है नेचुरल स्ट्रेस का सब्सिट्यूट आपका एक्सल नहीं है इट कैन सप्लीमेंट ओनली ठीक है तो कोशिश कीजिए कि शुरू से ऐसी प्लानिंग रहे कि आपका कम समय में भी पौधे को थोड़ा स्ट्रेस मिल पाए अगर कुछ भी थोड़ा भी स्ट्रेस मिलता है तो एटलीस्ट जो बिल्डअप है कार्बोहाइड्रेट का एनसी स्ट्रक्चर का, का साथ में जो एनसीबिटर्स रूट बनाता है वो वो कुछ कुछ तो तो हो जाए तो कुछ आपका बाकी जो आप आर्टिफिशियल आर्टिफिशियलेशन करते हैं उससे काफी कुछ मिल जाए तो इसमें प्लांट न्यूट्रिशन का ही बहुत बड़ा रोल है तो ये आपका आ, हैवी आ, उस समय करना हार्वेस्टिंग के बाद और जो आपका लाइट पुनिंग करना है वो आपका डिफोलेशन की बात करना है लाइट पुनिंग क्या होता है उसमें भी थिनिंग आउट करते हैं जो जहां बहुत डेंस है कांटे को आधा आधा काटते हैं बेसिकली एपिकल डोमिनेंस रिमूव करते हैं और जो हेडिंग बैग जब हैवी पुनिंग में हम लगभग 50 सेंटीमीटर से दो फीट तक कर रहे थे ऊपर से मोटी वाली ब्रांच भी निकाल रहे थे वाटर शूट स्प्राउट जो बड़े हो गए हैं उनको भी निकाल रहे थे पर यहाँ पे क्या करते हैं लाइट पुनिंग में केवल 10 से 15 सेंटीमीटर टिपिंग करते हैं और जहां बहुत डेंस है उसको निकालते हैं इस कांटे भी आधे आधे मारते हैं ठीक है अब आपका फ्लावर सेट हो जाएगा अब उससे उस समय आपको थोड़ा सा पिंचिंग करना है फ्लावरिंग को ताकि आपका जो लेटल बर्ड जो एपिकल डोमिनेंस है वो कम हो लेट्रल बर्ड स्प्राउट हो ताकि फ्लावरिंग एरिया आपका बढ़े और साथ में एक बार आपको थिनिंग भी करना है जो वाटर शूट्स है उसको निकालना है नहीं तो क्या होगा थिनिंग नहीं करेंगे तो वाटर शूट सारी एनर्जी ले लेगा ज्यादा एनर्जी ज्यादा फास, फास्ट फास्ट ग्रोइंग होता है वो तो जो एनर्जी आपको फ्लावर को मिलनी चाहिए वो आपको फ्लावर को नहीं मिल पाएगी वाटर शूट ले जाएगा तो उसको भी वो थिनिंग करना है वो पूरा ब्रांच जहां से निकल रहा है उसको निकालना है और जो नॉर्मल ब्रांचेस हैं उसका हल्का हल्का आपको क्या करना है फ्लावरिंग के समय में टिपिंग करना है ताकि उसमें फ्लावरिंग एरिया जो है वो आपका बढ़े कई लोग पोमगेट में इसे आपका होता है हेडिंग बैक क्या हो गया पांच ब्रांच है आप पांचों को आधा आधा काट दिए मोटा मोटी समझने के लिए हेडिंग बैक हो गया थिनिंग आउट क्या हो गया पांच ब्रांच है आपका पांच सेकेंडरी है या टर्शरी है उसमें से आप दो निकाल दिए बीच वाला ताकि वो डेंस ना हो तो पूरा निकाल दिए तो उसको हम बोल दिए थिनिंग आउट हेडिंग बैग इसको आप पांचों को आधा काट दिए वो हेडिंग बैग है तो मेन लीड जो ब्रांच है उसको आप काट दिए टॉप उसका ग्रोथ रोक दिए वो हेडिंग बैक है जो आपका उससे सेकंडरीज से, 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 से निकली है पांच निकली है उसमें से दो आप निकाल दिए पूरा का पूरा मेन ब्रांच से काट के तो वो हो गया थिनिंग आउट मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूँ फिर रूट पुनिंग भी कई लोग बोलते हैं करने के लिए जब हम फर्टिलाइजर बेसल डोज डालते हैं तो थोड़ा बहुत रूट पुनिंग होता है उसका रूट पुनिंग से भी कुछ चीजें होती हैं आपका एक पौधे को नेचुरल स्ट्रेस भी मिलता है फिर नए रूट्स भी निकलने का वो होता है बट इसमें एक दिक्कत है क्योंकि तो ये पोमग्रेट जो है ना आपका विल्ट से बहुत सेंसिटिव है तो इवन जब हम फर्टिलाइजर भी डालते हैं जो चाहे अन चाहे थोड़ा सा पुनिंग रूट पुनिंग करता है तो उसके तुरंत बाद आपको एक ड्रेंचिंग जरूर करना चाहिए नहीं तो क्या है ये बहुत येड है और विल्ट से काफी इसका सस्टेबिलिटी है तो अगर आप बहुत ज्यादा रूट को डिस्टर्ब करेंगे ऐसे रोज आजकल नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपका नो टीलिंग वाला भी कॉन्सेप्ट आ रहा है जहा पे जीरो टीलिंग करते हैं बट एनी वेज यहाँ पे रूट पुनिंग

कि जहाँ मेन स्टेम पे कैंकर आ गया है तो उसको रिमूव करके या अब तो ये भी बोलते हैं हमारे मैडम बताएंगे उसमें कि कैंकर भी निकालने की जरूरत नहीं है उसमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है बैक्टीरियल कम होता है बट एनी anyway, जो ओल्ड सिनाइल ऑर्चर्ड है या बहुत हैवली इन्फेक्टेड ऑर्चर्ड है उनको रिज्यूविनेट करने के लिए रिज्यूमनेशन पुनिंग करते हैं इसमें हैवी टॉपिंग करते हैं हैवी टॉपिंग कर देते हैं केवल मेन मेन स्टेम या मेन जो स्टेम है और उससे साथ जो सेकेंडरी लगे हुए हैं उसको छोड़ के बाकी सारा हम इसमें टॉपिंग कर देते हैं ये प्रूनिंग लिखा हुआ है हैवी जो मैंने बताया लाइट प्रूनिंग कब करना है इसमें टिपिंग बताया आपको टिपिंग जब कर टिपिंग करने से क्या होगा लेटरल बर्ड बढ़ेगा तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग एरिया बढ़ेगा फिर एक बार आपको वाटर शूट्स को पूरा पूरा वो निकाल देना है थिनिंग करना है उसका ताकि वाटर शूट एनर्जी ज़्यादा टेक लेता है और आपके फ्लावर को जो मिलनी चाहिए जो फ्लावरिंग शूट है जो उस पर एनर्जी जानी चाहिए वो वाटर शूट काफ़ी हद तक उसको ले लेगा तो उसको निकालना बहुत जरूरी है तो एक बार एक या दो बार वो करते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसा प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि प्लांट ये बहुत फ्लेक्सीबल है आप क्या दे रहे हैं कैसा पानी दे रहे हैं कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं इवन बगल का ऑर्चर्ड दूसरी तरीके से बिहेव करेगा आपका आपका प्लांट दूसरा बिहेव करेगा अगर आपकी प्रैक्टिसज डिफरेंट हैं तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक से दो बार तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप पिंचिंग करते हैं तो, तो कुछ समय के लिए टेम्प्रोक्यूमिलेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का और आपका एपिकल डोमिनेंस खत्म होता है और उससे क्या होता है आपका कि जो आपका जो लेट्रल बर्ड्स हैं वो स्प्राउट होते हैं फ्लावरिंग एरिया आपका बढ़ता है देखिए यहाँ पे थिनिंग थिनिंग आउट का एग्जाम्पल जैसे ये ब्रांच ये दोनों आपस में टकरा रही हैं आप देखिए तो ये ब्रांच अगर हम पूरा काट के निकाल दें तो ये आपका हो जाएगा थिनिंग आउट और मान लीजिए ये ब्रांच ऐसे बढ़ रही है और इसको हम आधा काट दें या ऐसे आधा काट दें या इसको आधा काट दें यहां से तो वो हो जाएगा हेडिंग बैक तो क्राउडिंग को कम करने के लिए थिनिंग आउट करना है और साइड शूट्स को स्प्राउटिंग को इंप्रूव करने के लिए हेडिंग बैक करना एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करने के लिए हेडिंग बैक करना है तो ये बताया गया है कैसे करते हैं फिर पोमगेट में हमको रेगुलर ग्राउंड सकर्स निकालते रहना है वाटर शूट निकालना है किस क्रॉस ब्रांचेस हैवी पुनिंग आपका हार्वेस्टिंग के बाद लाइट पुनिंग आपका कर, करना है डिफोलेशन के बाद लाइट पुनिंग में जो ट, ट, टिपिंग है वो केवल 10 से 15 सेंटीमीटर रहेगा और जो आपका जो कांटे हैं उसको आधा मारना है ताकि आपका एपिकल डोमिनेंस चला जाए और ज्यादा से ज्यादा लेट्रल बर्ड स्प्राउट हो और उससे आपको ज्यादा ज्यादा पौधे को क्या हो कि फ्रूटिंग एरिया आ, फ्लावरिंग एरिया फ्लावरिंग मिले बट अच्छा फ्लावरिंग केवल कनापी मैनेजमेंट से नहीं होगा आप न्यूट्रिशन पौधे में क्या डाल रहे हैं पौधे का हेल्थ कैसा है सॉयल का हेल्थ कैसा है हेल्थ में सब कुछ केवल न्यूट्रिशन नहीं आता उसका पीएच वीएच सब कुछ आ जाएगा फिर आप कौन कौन से जो प्रमोटर्स या रेगुलेटर्स हैं उसको डाल रहे हैं कितने डोज पर डाल रहे हैं किस समय डाल रहे हैं तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जैसे अब हम लोग जैसे बहुत जगह जहाँ दिक्कत होती है बहुत लोग ऐसा बोलने की कि बहुत अगर लो डोज ऑफ इथरेल आप डाले जैसे आपका मान लीजिए पॉइंट वन एम के आसपास पॉइंट वन से पॉइंट टू एम के आसपास तो थोड़ा फ्लावरिंग को प्रमोट करता है जहां फ्लावरिंग की दिक्कत हो रही है तो ये सारा बाबू सर आपको बताएंगे ग्रोथ हार्मोस के बारे में एनए डाले प्लानोफिक्स टेन पीपीएम -पी डाले प्लानोफिक्स तो रजिस्टर्ड नेम है बाहर का एन ए टेन पीपीएम डाले तो आपका प्योर एन ए टेन मतलब आपका प्लानोफिक्स अगर लेते हैं तो ट्वेंटी टू से ट्वेंटी थ्री एम पर हंड्रेड लीटर हो जाएगा तो वो भी आपका फ्लावर को बढ़ाने में हेल्प करता है तो यहाँ पे तो कर, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको हार्मोन्स के बारे में सारा बताया जाएगा वो सब जब समायोजित होंगे तभी आपका फ्लावरिंग का जो इश्यू सॉर्ट आउट होगा मैं जो ट्रेनिंग पुनिंग से जो एंगल था उससे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं उसमें क्या चीजें जो आपको ध्यान रखनी रखनी है तो वो आपको इसमें रखना है और ये सारे जो पोमगेट रिलेटेड पब्लिश पेपर है या जो हम लोग ने काम किया उसके बेसिस से मैं आपको बता रहा हूँ जनरलाइज स्टेटमेंट मैंने आपको नहीं दिया है कि लाइट पुनिंग कब करना है ये ऑलरेडी कुछ पेपर पब्लिश है जैसे आप इसमें ही देख लीजिए एमपी के का काम है गणेश के ऊपर जैसे आप यहां से देखिए ये देखिए आपका जो पून, ट्रेनिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ गया है ठीक है प्रूनिंग इंटेंसिटी टी वन कंट्रोल है और टी एट में मान लीजिए ज्यादा प्रूनिंग किया है बहुत ज्यादा तो इसमें एक ही प्रूनिंग उसने उन्होंने किया है जो रिसर्चर है तो आप देखिए कि अगर आप इसमें देखिए कितना दिन लगा डेज डेज फॉर टोटल हार्वेस्ट तो जहां आपका बहुत हैवी पुनिंग कर दिया फ्लॉरिंग के पास उसमें ये गणेश पे काम हुआ है तो आपका प्रूनिंग से लेके जो हार्वेस्टिंग का है हार्वेस्ट, वो कई मतलब डेज ऑलमोस्ट लगभग लग लग डेढ़ महीने के आसपास बढ़ गया वो ऑलमोस्ट डेढ़ महीना बढ़ गया तो हैवी प्रूनिंग जब भी आप करेंगे फ्लॉरिंग के समय तो आपका फ्लॉरिंग डिले होगा तो इसलिए मान लीजिए हैवी प्रूनिंग अगर आप छूट गया है और आप नहीं कर पाए तो ये मत सोचिए कि जब आप डीफलेट करेंगे तो उस समय हैवी कर लेंगे नहीं उस समय आपको लाइट पुनिंग ही करना है उसमें आपका तभी सरफेस बढ़ेगा अगर बहुत हैवी करेंगे तो फ्रूट बड़ा तो हो जाएगा पर डिले होगा फ्लावरिंग साइज भले ही बढ़ जाए पर नंबर ऑफ फ्रूट थोड़ा कम हो जाएगा आपका क्योंकि तो अल्टीमेटली आप फ्रूटिंग एरिया निकाल रहे हैं फिर ये हमारे यहां भी किया गया था डिफरेंट फ्लोरिंग के समय ये फ्लोरिंग के समय का है तो आप देखेंगे जब फ्लावरिंग के समय यहाँ पे किया गया है तो आप देखेंगे लाइट जो पुनिंग किया गया होगा लाइट पुनिंग पर पस...

से आपको टॉपिंग कर रहे हैं केवल, ठीक तो है? पे ये वाला ये कांधारी काबुली पे था मल्टी स्टेम रखना है तो कितना रखना है कैसे रखना है फ्लावरिंग के लिए क्या क्या चीज कैनापी में ध्यान देने के लायक है वो मैंने आपको बताया और फ्लावरिंग के पूरे समाधान के लिए आपका मिट्टी सॉयल हेल्थ प्लांट हेल्थ प्लांट में मिट्टी में आप कब कैसे कितना और किस समय डाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चारों चीज इंपॉर्टेंट है कब कैसे कितना और किस समय अब जिस समय नाइट्रोजन जिसे मान लीजिए आपको फ्लावरिंग अभी शुरू होने वाला है और आप नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा डोज डाल दिए आपका फ्लावरिंग डिले हो जाएगा वैक्सीटिक ग्रोथ शुरू हो जाएगा तो फ्लावरिंग सेट होने के बाद नाइट्रोजन का डोज शुरू करना है

आप क्वालिटी उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट फ्रूट का डिजीज पेस्ट इंसिडेंस प्लांट हेल्थ वो सब इंप्रूव कर सकते हैं ग्रेड ऑफ एक्सपोर्टेबल क्वालिटी वो भी आप इंप्रूव कर सकते हैं थैंक यू uh, मैं सुनाई दे रहा हूं सबको मेरा जी uh, सर, जी सर थैंक यू सो मच आई थिंक आई एम माय लेक्चर इज फिनिश्ड हेलो हाँ बोलिए सर थैंक यू डॉक्टर रणवीर सिंह आई विल इनवाइट एक्चुअली डॉक्टर के दिनेश बाबू आई इनवाइट डॉक्टर दिनेश बाबू टू प्रेजेंट हिज प्रेजेंटेशन ऑन अनार में इस्तेमाल होने वाले हार्मोन्स और रेगुलेटर उनके फायदे और नुकसान मैं जो भी इस, स्क्रीन शेयर हाँ, बंद कर दूं ना अपना स्क्रीन शेयर में हाँ क्योंकि क्वेश्चन आप एंड में लेंगे ग्रोथ जीआर जीआर जी आर हाँ सिंह साहब आप आप बंद कर रहा हूँ सर बंद कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ वही देख रहा हूँ बंद हो गया स्क्रीन शेयर मेरा सर अभी तो हम देख पा रहे हैं आपका आप देख पा रही हैं ओके जस्ट मिनट जी ओके okay, अब बिल्कुल अभी थान्चे। थान्चे। हुआ स्टॉप हो गया थैंक यू सो मच किसान बंधु अगर कोई क्वेश्चन है हमें या कुछ सवाल है अपने इसके बारे में तो हम जो प्रेजेंटेशन है अभी सेकंड प्रेजेंटेशन डॉक्टर दिनेश बाबू प्रधान वैज्ञानिक बागवानी कल विज्ञान इनका जो प्रेजेंटेशन है अनार में इस्तेमाल होने वाले हारमोन्स और रेगुलेटर उनके फायदे और नुकसान इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद अपने सवाल जवाब हम, हम आप सब शेयर करिए और डॉक्टर एनवी सिंह और अदर पैनलिस्ट भी हमारे यहाँ अवेलेबल रहेंगे वो आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और मैं अभी अनुरोध करूंगा डॉक्टर दिनेश बाबू सर से हाँ सर आपका स्क्रीन दिख रहा है अभी हाँ जी दिनेश जी आपका स्क्रीन दिख रहा है पर सॉरी आप अपना वीडियो ऑन करेंगे क्योंकि तो आपको नहीं देख पा रहे हैं हाँ, आपका वीडियो ऑन नहीं है हेलो दिनेश क्लिक करेंगे आप हाँ जी अब आप हम आपको देख पा रहे हैं जी दिनेश जी हम आपको देख पा रहे हैं आप अपना एक बार स्क्रीन जो है वो मैक्सिमाइज भी कर लें शुरू तो कर रहे हैं शायद उन तक तो हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है बाबू साहब आप सुन पा रहे हैं उनका कनेक्ट शायद हेडफोन कनेक्शन uh, 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 में प्रॉब्लम आ रहा है अनिलेश जी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनको कॉल करके जरा बोल पाएंगे प्लीज मैं मैं करवा देता हूँ ठीक प्लीज शित जी टिल देन वी कैन स्टार्ट दैट स्लाइड नहीं सुरेंद्र प्लीज तो नहीं आ रही है वो कर रहे से तब तक, तक कि डॉक्टर सिंह के प्रश्न और उत्तर कर लीजिए तब तक हां जी हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं डॉक्टर एनवी सिंह जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज अपना वीडियो वापस से ऑन कर लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिन क्यू एन ए में आपके presentation say related uh, topic page दिनेश जी अभी आपको आवाज हमें आपकी आवाज आ रही है अभी आई थिंक आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप हेडफोन हटा के भी बात कर दे, करके देख सकते हैं इसे It's audible now, yes. Uh, audible, ma'am? Okay, okay. All uh, right, thank you. Uh. Namaskar. Uh, uh, yeah, yes. Namaskar, Dineshi. Yes, it's very much audible now. Uh, namaste, madam. Uh, may I proceed, madam, with my presentation? Yes, sir. Please, you can proceed further. Okay, thank you. I would request you to please maximize your full screen. Yes, perfect. Yeah. Sure, sir. Please, please go ahead. Uh, uh, good evening, all of you. Uh, myself, uh, Dr. Dinesh Babu. Uh, I'm working as a principal scientist, of horticulture, fruit science at uh, uh, this ICR NRCP, Rashtri Anar, Anishandan Kendra, Solapur. Uh, since uh, 2007 and by, uh, being uh, oh, uh, specialized on fruit science, i'm dealing with the horticultural aspects of pomegranate. so before starting my presentation, i welcome uh, all the participants and all the organizers also for this uh, training program. Uh, yes, webinar-based. Uh, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फार्मर्स दैट फोकस ऑन हस्त तो आप सबको नमस्कार एंड बिफोर uh, सबसे पहले मैं बताना चाहता है डॉक्टर सिंह साहब ने उनका लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में बताया है अनार अनार का अनार का क्लाइमेट इसके बारे में बताया है अनार एक शुष्क क्षेत्र का फल है इट्स अ टिपिकल एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट क्रॉप सो एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट ऐसे हम लोग कहते हैं जो जो जहाँ पर आपको बरसात हर साल में छः सौ से सात सौ एम एम का आसपास होता है उसको हम लोग एरिड जोन कहते हैं एंड सात सौ एम एम को ऊपर जब आपका बरसात हो जाएगा हर साल में हम उसको सेमी एरिड जोन में क्लासिफाई करवा देते हैं और ये अनार में टू इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जेनेटिक बेस ऑफ ग्रेट ये अनार का जेनेटिक बेस हम देखेंगे तो सिर्फ इसमें दो ही स्पीशीज है एक कल्टिवेटेड स्पीशीज है दैट इज प्यूनिका ग्रेनेटम जो कुछ भी अनार हम लोग मार्केट में अवेलेबल है ल, वेदर इट इज भगवा गणेश रूबी अरक्ता मृदला नहीं तो नॉर्थ में राजस्थान का ज्वेल इडल जो भी है ये सारा अनार कल्टिवेटेड फॉर्म में आता है इसका प्यूनिका ग्रेनाटम कहते हैं और एक वाइल्ड स्पीशीज़ होते हैं उसको हम लोग प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका बोलते हैं एंड दिस प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका ये है सकोट्रा आइलैंड में होता है एंड दैट इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऐसा कुछ रिपोर्ट्स भी है ये अनार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम uh, हम बोलेंगे तो तेलिया रोग हम सब जानता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ होम सो ये एक बहुत बड़ा रोग है जो बैक्टीरिया का वजह से अनार में डाली में होता है तो वो तेलिया का कंट्रोल करने के लिए अगर ब्रीडिंग बेस्ड रास्ता हम लोग कुछ निकालना तो प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका स्पीशीज को हम यूज कर सकते हैं ये अनार का कल्टिवेटेड फॉर्म ऑफ अनार का प्रोजेनेटर राइस भी हम मांगता है सो so, ये, ये पिक्चर आप देखते हैं ये प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका इट uh, इज एंडेमिक टू uh, सकोट्रन आइलैंड है और uh, जब अनार का बारे में बोलना तो आप सब जानते हैं इट इज वन ऑफ द फर्स्ट फाइव फ्रूट क्रॉप्स डोमेस्टिकेटेड बाय मैन का राइट जस्ट अगर बोलना तो जैसे अपना डेट पॉम होते हैं फिग है ऑलि है ग्रेप्स है, है इसी लाइन पर अनार भी एक वन ऑफ द फ्रूट क्रॉप है इसका कल्टिवेशन आप देखेंगे तो लगभग चार हजार से साढ़े चार बैक टू टू थ्री इयर्स बिफोर क्राइस्ट ईयर है इसलिए अनार का हम लोग एंशियंट क्रॉप ऐसे मांगता है अभी प्रेजेंटली uh, आप देखेंगे तो uh, अनार का कल्टिवेशन अपने भारत देश में Uh, लगभग uh, 2.6 uh, लाख हेक्टेयर में हम लोग इसको कल्टीवेट करवा रहे हैं और इसको uh, उत्पादन uh, प्रोडक्शन देखेंगे तो 30 लाख टनस को क्रॉस हो चुका है 30 लाख साढ़े तीस लाख टनस हर साल हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे हैं एंड uh, उत्पादक प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे तो लगभग 12 टन का आसपास इसका प्रोडक्टिविटी है पहला लेक्चर में हम लोग सुना है ट्रेनिंग प्रूनिंग इसको कैसे करना है रेस्ट फेस क्या इंपॉर्टेंस है इसका बारे में डॉक्टर सिंह साहब ने बताया है एंड डॉक्टर संघ सर भी बताया है महाराष्ट्र अनार उत्पादन संघ का प्रेसिडेंट डॉक्टर संघ सर भी बता रहे हैं अगर क्रॉप रेगुलेशन में ग्रोथ हार्मोन्स क्रॉप रेगुलेशन थ्रू कैनोपी मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट है इसे बताया है उसका बारे में ग्रोथ हारमोन्स का बारे में हम लोग डील uh, करेंगे वृद्धिक हारमोन्स uh, नहीं तो वृद्धिक दवा जो हम लोग बोलते हैं जिसको फोलियर स्प्रे अप्लीकेशन के लिए हम लोग डाली में यूज करवा देते हैं तो इसका बारे में मैं बता दूंगा उसको पहले क्रॉप रेगुलेशन क्या है उसका बेसिक्स थोड़ा सा बता के हम लोग एक्चुअल टॉपिक में जाएंगे अनार में अगर अच्छी से फसल लेना चाहिए तो आपको प्रॉपर रेस्ट फेस स्ट्रेस फेस एंड फिर एक्टिव ग्रोथ फेस ये तीनों फेस को हम लोग बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर एक साल में बारह महीना है तो अनार का मेच्योरिटी तो पाँच महीना से लेके छः महीना का अंदर होता तो उसको पहले बिफोर एंथिस इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्लावर डिफ्रेंशिएशन फेज के लिए आपको लगभग डेढ़ से दो महीना लगता है सो so, फिर एक्टिव ग्रोथ आप देखेंगे तो uh, बारह महीना में आठ महीना का कवर करता है बाकी बच्चा है आपको चार महीना वो चार महीना में कम से कम अढ़ाई uh, महीना से डेढ़ महीना अढ़ाई आड़, महीने से तीन महीना हम लोग रेस्ट फेस को क्रॉप को छोड़ना बहुत जरूरी है फिर बच्चा कितना है एक से डेढ़ महीना वो एक से डेढ़ महीना स्ट्रेस फेस है तो रेस्ट लगभग तीन महीना है स्ट्रेस अं, अंदाज एक महीना है ये तीन और एक चार महीना हो गया तो बाकी जो भी आठ महीना बच्चा है उसमें हम लोग स्ट्रेस वगैरह इंड्यूस करके इधर नेचुरल स्ट्रेस अगर नहीं तो आर्टिफिशियल स्ट्रेस इंड्यूस करवा के हम लोग क्रॉप उसमें लेना है तो उसमें आप ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल कर सकता है और न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करना आपको ज़रूरत है क्योंकि जब क्रॉप आपको एक्चुअल ग्रोथ फेज में आ जाता है उसका एनर्जी बहुत जरूरी है फ्लावरिंग यूनिफॉर्म फ्लावरिंग अगर क्रॉप में होना है तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक प्री रिक्वेस्ट है सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को उसको अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स बहुत बहुत जरूरी है ये ग्रोथ हार्मोन्स पौधा का अंदर इंडोजिनस सिंथेसिस भी होता है एंड एक्सोजिनस एप्लीकेशन बाहर से हम लोग सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स को फोलियर स्प्रे नहीं तो कुछ केस में सॉइल एप्लीकेशन ऐसे अलग अलग मेथड में कई केस में फ्लावर फ्रूट डिप सो ऐसा प्रकार में हम लोग इस्तेमाल करके अनार में फसल रेगुलेट कर सकता है रेस्ट फेस में क्या होते हैं क्रॉप को हम लोग रेस्ट में दे देंगे uh, और इस इसी टाइम पर मेन्यूरिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इसको न्यूट्रिशन बहुत एसेंशियल uh, है रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स आरडीएफ जो कहते हैं लाइक सिक्स ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी टू फिफ्टी एन पी टू ओ ये पाँच साल होने के बाद फुल्ली डेवलप्ड अनार पौधा का

इसका वन थर्ड आप रेस्ट फेस में डालना है बाकी टू थर्ड को आप एक्टिव ग्रोथ फेस में डालने पड़ेगा डिफोलेशन यथरल स्प्रे करके डिफोलेशन लेके जब पौधा में फ्लवरिंग फ्रूटिंग हो जाएगा उसी टाइम पर वन मंथ टू मंथ्स इंटरवल में इसको डालना बहुत जरूरत है क्योंकि कभी भी आ, यूरिया मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को हम लोग स्प्लिट डोज में देना जरूरत है एंड इवन पोटाश को भी ऐसे हम अप्लाई करेंगे तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट एक्सेसिबिलिटी ये दोनों एंगल से पौधा का न्यूट्रिशन को हम लोग एंश्योर कर सकता है स्ट्रेस फेस देखिए और ये रेस्ट फेस में पौधा सर्वाइव होने के लिए जितना मात्रा पा, पानी जरूरत है उतना ये पानी देना है इसका मतलब नॉर्मल वाटर रिक्वेरमेंट जितना है उसको ग्रेजुअली हम लोग कम करना है तीन महीना है तो फर्स्ट महीना लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट कर सकते हैं सेकंड महीना फिफ्टी परसेंट कर सकते हैं एंड थर्ड महीना ट्वेंटी फाइव परसेंट पानी जितना लगता है उतना दे सकते हैं फिर स्ट्रेस फेस चालू होते हैं ये स्ट्रेस फेस में बताया था लगभग एक से डेढ़ महीना है सो अगर ये ल, सैंडी साइल और सैंडी लोम साइल है तो एक महीना हम लोग का काफी है सम मीडियम हेवी टू हेवी टाइप ऑफ साइल है उधर डेढ़ महीना छः हफ्ता तक इसको स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है और स्ट्रेस फेस में क्या हो जाता जैसे पानी का मात्रा का ग्रेजुअली धीरे 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 हम लोग कम करवाया इसमें uh, 25 परसेंट से लेके पानी का मात्रा 10 परसेंट एंड जीरो परसेंट ऐसे कम्प्लीटली बंद करना कम्प्लीट विथ ऑफ इरीगेशन सो मतलब आर्टिफिशियली हम लोग कुछ भी पानी पौधा का नहीं देना है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस सो प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू मॉइस्चर स्ट्रेस तो जब आप पौधा का पानी नहीं दे रहे क्या हो जाएगा जितना भी न्यूट्रिएंट्स है कद जो कुछ भी हम लोग मिट्टी में डाला है दैट कोलाइडल फॉर्म में वो पौधा का अवेलेबल नहीं हो जाता है सो so, जब पौधा का ये न्यूट्रिशन नहीं मिलता है देन ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बंद पड़ते हैं असेंट ऑफ सैप वगैरह कम हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा पौधा का physiology में चेंज आ जाएगा वेजिटेटिव ग्रोथ सप्रेस हो जाएगा और पत्ती में क्या हो जाएगा uh, हो जाएगा। पत्ती ड्रुपिंग एपिनास्ट्रीपोना ऐसे हम लोग फिजियोलॉजिकल टर्म्स कहते हैं

सुखा होकर ड्रॉप होने लगेगा एक दो पत्ती वो कैसे हो जगह पहला आप सुना है ऑफ लीफ जैसे पीटीओल शूट्स में अटैच हो जाता है वो पर्टिकुलर रीजन में एक ऑप्सीजन लेयर फॉर्मेशन होता है एंड दैट ऑप्सि एसिड का बारे में भी लास्ट लेक्चर में आप सुना है सो ऑप्सीजन लेयर फॉर्म होने से पत्ती पौधा से गिर जाता है नीचे गिर जाएगा उसको हम लोग कहते हैं डिफोलिएशन ये डिफोलिएशन करना का क्या जरूरत है हार्टिकल्चर क्रॉप में फ्रूट क्रॉप में uh, कुछ टू कैटेगरीज ब्रॉड कैटेगरीज है एक एवरग्रीन क्रॉप अदर वन इज डेसिडियस क्रॉप सो एवरग्रीन एंड डेसिडियस ये बेस्ड ऑन फिनोलॉजी है तो एवरग्रीन क्रॉप और डेसिडियस क्रॉप का क्या फर्क है आप देखेंगे तो uh, जैसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूअल इसमें माइनर फर्क है जस्ट लाइक दैट ये एवरग्रीन और दिस डेजिडस में आप देखेंगे तो एवरग्रीन में क्या हो जाएगा प्लांट्स आर इन एक्टिव ग्रोथ फेस पत्ती कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं uh, हर बारह महीना और पौधा कुछ रेस्ट फेज में जाता नहीं है इसका मतलब से पौधा का जरूरत नहीं है सो so, उसको कहते हैं मतलब मतलब क्या इंटरवल और रेगुलर पीरियड से इसका क्या जरूरत है ओवर विंटरिंग अनार का पौधा जब हर साल आपको फसल देता है ब्लूमिंग एंड फ्रूटिंग में आता है इसको नेक्स्ट फ्लवरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज में जाने का पहले एक पर्टिकुलर फेस ऑफ रेस्ट चाहिए सो so, वो रेस्ट पीरियड को कहते हैं फिजियोलॉजिकल डार्मेंट फेस ये फिजिकल फिजियोलॉजिकल डार्मेंट फेस में क्या हो जाता है पौधा का मेटाबॉलिज्म लगभग कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है उसी टाइम पर सो so, फोटोसिंथेसिस का जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस का जरूरत नहीं है बोल के पौधा का अंदर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं देन ऑटोमेटिकली पत्ती को ड्रॉप करवा देते हैं पत्ती ड्रॉप होने का बाद क्या बोलते हैं विंटर सीजन आपको नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फर्स्ट फार्ट एट ऑफ फेब्रवरी ये पीरियड में डार्मेंट फेस में रहते हैं फिर स्प्रिंग सीजन जब आपको चालू हो जाएगा उसी टाइम पर इट पुट फोर्थ न्यू ब्लूम नया पत्ती आ जाता है न्यू फ्लश इनिशिएशन चालू होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ग्रोथ फेस uh, सो so, जो पौधा में ये एक्टिव ग्रोथ फेस ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है तो ये नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में वेरी कॉमन है अगर ऐसा नहीं होता है डेकॉन प्लाट्यू रीजन में क्या होता है आपको एवरग्रीन टाइप का हिसाब से एवरग्रीन टू पार्शियली डेजिड्यूस ऐसा बिहेवियर ये अनार दिखाता है सो so, इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ रहा पौधा का रेस्ट आर्टिफिशियली हम लोग देने पड़ेगा रेस्ट को हम लोग इंड्यूस करने पड़ेगा पौधा का कंपलसरी रेस्ट देना इसलिए हम लोग पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन को इस्तेमाल करते हैं ये फार्मर्स प्रैक्टिस है यत्र ऐसे एक दवाई लेते हैं ये एक हार्मोन है इसका अंदर थर्टी नाइन परसेंट यतफान ऐसे एक ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये यतफान बेसिकली एक राइपनिंग हार्मोन है ये फल को राइपनिंग करके अच्छा से कलर डेवलप करने के लिए फायदा देते हैं ये हार्मोन को लगभग से थाउजेंड पीपीएम डोज सो समथिंग अराउंड एम एल से लेके टू पॉइंट फाइव एम एल प्रति लीटर पानी में मिला के हम इसको पौधा का स्प्रे कर देंगे तो ये डिफोलिएशन का, का काम करवा देते है मतलब क्या है पत्ती को इमीडिएटली ड्रॉप होने देते हैं पत्ती कंप्लीटली ड्रॉप होने के लिए कितना दिन लगता है फर्स्ट एक दो दिन में पौधा का अंदर कुछ रिएक्शंस चालू होते हैं थर्ड ऑनवर्ड्स आपका पत्ती ड्रॉप होने शुरू होते हैं एंड फोर्थ डे फिफ्थ डे लगभग 50% पत्ती गिर जाता है एंड सात और नौ दिन को बीच में 80% का ऊपर पत्ती गिर जाता है लगभग 10 से 12 दिन का अंदर मोर देन 90% पत्ता गिर जाता है सो so, इसका हम लोग कहते हैं डीफोलिएशन अगर डिफोलिशन आपको अच्छा से हो जाता है तो नेक्स्ट आने वाला दो हफ्ता में आप आपका इरिगेशन जस्ट एक हेवी इरिगेशन आप देने पड़ेगा हेवी इरिगेशन का साथ साथ कद शंकत लाइक फर्टिलाइजर्स पौधा का उम्र का हिसाब से uh, हमारा रिकमेंडेशन है फर्स्ट दो साल आप फसल मत लीजिए जैसे दो साल आपका कंप्लीट हो जाता है पौधा तीसरा साल पर चला जाता है थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स उसको आप फसल ले सकता है मतलब क्रॉप रेगुलेशन बाहर ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं सो so, अगर थर्ड ईयर है तो तीस केजी जी हम लोग तीस किलो शिनकत दे सकता है एक नहीं तो दो स्प्रिट में आप दे सकता है और चालीस चालीस किलो शिनकत आप चौथा वर्ष में दे सकते हैं पाँच साल अंडाबो उम्र जब इसको अनार का बगीचा सबसे बड़ा वो जगह उसको 40 किलो को आके डिपेंडिंग अपॉन द कॉनोपी वॉल्यूम कॉनोपी सही सम लो इवन 50 किलो तक दे पाएंगे इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट में अच्छा सा यील्ड पोटेंशियल हम लोग रियलाइज कर पाएंगे सो so, फिर क्या हो जाएगा आपको नेक्स्ट uh, uh, एक एक हफ्ता से लेके 10 दिन को अंदर पूरा पत्ती गिर जाएगा तो नेक्स्ट डेढ़ से दो हफ्ता में न्यू फ्लश इनिशिएशन हो जाता है उसको हम लोग चौकी नाव की स्टेज कहते हैं उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ वीक में फ्लावर बड डिफरेंशिएशन होते हैं ये फ्लावर बड डिफरेंशिएशन में लगभग टेन टेन स्टेजेस हम लोग आइडेंटिफाई करवाया है उसमें पिन हेड मस्टर्ड पीसेस ऐसा अलग अलग स्टेजेस है लास्ट स्टेज फुल्ली डेवलप्ड बलून स्टेज कहते हैं फुल्ली डेवलप्ड बलून स्टेज लेने के लिए अठारह से बाईस दिन तीन हफ्ता लगता है और ये अगर मेल फ्लावर होता है तो मेल फ्लावर में लगभग चार पांच दिन पहले ये फुल्ली डेवलप फ्लावर बट तैयार हो जाता है अनार में मेल फ्लावर्स, फ्लावर्स, इंटरमीडिएट। ऐसे तीन प्रकार का फूल होते हैं। ये तीन प्रकार का फूल में टू फॉर्म्स ऑफ सेक्स प्रीडोमिनेंट है एक तो आपको स्टैमिनेट है मेल फ्लावर्स और इसका पर्पस पॉलीनेशन है पॉलिनेशन का uh, काम लगभग हमारा uh, जिसमें आपका हो गया है फ्लावर्स उसमें एक से दो हफ्ता का अंदर फर्स्ट टू डेज में ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद ये सारा मेल फ्लावर्स आपको ड्रॉप हो जाता है तो बाइसेक्शुअल फ्लावर्स का पर्पस क्या है बाइसेक्शुअल फ्लावर्स में पिस्टल्स है साथ साथ भी है So, उससे भी आपको पॉलिनेशन हो जाता है उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन सो so, अनार में बहुत सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होने से इसको हम लोग पॉलिनेटेड क्रॉप ये कैटेगरी में डालता है uh, लगभग अठारह से पच्चीस uh, टका क्रॉस पॉलिनेशन uh, अनार में होता है एंड हियर यू कैन सी फुल्ली मेच्योर अनार का uh, पेड़ है सो इट रियस इट्स फुल पोटेंशियल ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग करना मतलब ग्रोथ रेगुलेटर को सही प्रमाण में सही स्टेज में इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है अभी टॉपिक का बारे में ब्रीफली मैं बता दूंगा अनार में कैसे से हम लोग बाहर ट्रीटमेंट पकड़ना इसका बारे में मैं बोला है डेकॉन प्लाटी में डालिम ये एवरग्रीन ये टाइप में बिहेव करते हैं एवरग्रीन में टाइप में बिहेव होने से हम लोग का क्या होता है एम्बिया मृग हस्त ऐसे तीनों बाहर में हम लोग क्रॉप रेगुलेशन कर सकता है तीनों बाहर में अगर क्रॉप रेगुलेशन आप करना मतलब वो क्या है आपको तीन से चार महीना पहले आप इसका फ्लावर रेगुलेशन को प्लान करना बहुत बहुत जरूरी है तो आंबिया बहार इसका बारे में बोलना था जो किसान का पास आश्यूड इरिगेशन फैसिलिटी है सिर्फ उन्होंने ले सकता है अगर जो किसान का पास वेरी फ्यू सप्लीमेंटल इरिगेशन फैसिलिटी है पानी का सुविधा कम है मृग बहार लेना बहुत अच्छा है मृग बहार में क्या है साउथ वेस्ट मॉनसून नॉर्थ ईस्ट मानसून जून टू सितंबर वाला का बरसात भी मिलेगा और सितंबर अक्टूबर समटाइम्स नवंबर ये सीजन का बरसात भी मिलेगा फिर नवंबर का बाद जैसे आपको दिसंबर नहीं तो जनवरी में फ, फसल आ, आप निकालना है हार्वेस्ट करना है उसी टाइम पर थ्री फोर इरीगेशन करने के लिए आपका पास सुविधा है तो भी मृग बागार में सक्सेसफुली हम लोग ये क्रॉप को मैनेज कर सकता है लेकिन ये मृग बहार में क्या प्रॉब्लम है इन जनरल फ्रीक्वेंट uh, बरसात बारिश ज्यादा होने से क्या हो जाएगा पेस्ट इंसिडेंस डिसीज इंसिडेंस रोग और कीड इसका इंसिडेंस रिलेटिवली ज्यादा होता है कंपेयर टू आपका uh, बहार फिर हस्तबहार क्या होता है हस्तबहर जो एरिया में आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग सितंबर uh, नहीं तो अक्टूबर में आपका बरसात खत्म हो जाता है जस्ट बरसात खत्म हो जाने होने के बाद इमिडिएटली हम लोग स्ट्रेस पौधा का तान में छोड़ के फिर आप उसको आर्टिफिशियली डिफोलेशन इंड्यूस करवा के फसल पकड़ना है इसमें क्या हो जाएगा आपको कलर डेवलपमेंट अच्छा से होता है क्योंकि सेटिंग होने के बाद थर्ड मंथ फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ में क्लाइमेट ठंड रहता है ठंड मौसम में जैसे आपका फ्रूट ग्रोथ एंड फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है रिंड में छिलका फिर अंदर का दाना एयरिल्स ये, ये दोनों में कलर डेवलपमेंट अच्छा से होता है <laughs> पेलनेस इसका बारे में मैं यहाँ बताना है एंड आप लोग सुना होगा लास्ट लेक्चर में कणपी आर्किटेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कणपी आर्किटेक्चर uh, में ट्रेनिंग प्रूनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है uh, अगर अगर आपने आप भूल जाइए को कुछ भी हार्टिकल्चर क्रॉप राइट फ्रूट क्रॉप कुछ भी फ्रूट क्रॉप को ले लीजिए अगर से आपको ट्रेनिंग ये नहीं पाया। फिर आपका आ, फेलियर है लगभग इट्स अ फेलियर ओनली क्योंकि आप कब आपको पौधा का प्रूनिंग करवा रहे कितना इंटेंसिटी का प्रूनिंग करवा रहे एंड कौन सा टाइम पर करवा रहे ये बहुत बहुत एसेंशियल है सो so, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आप जितना ढंग से करेंगे उसी का ऊपर आपका टाइम टेकन फॉर फ्लावर बड इनिशिएशन देन सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग फ्रूटिंग फ्रूट सेट अच्छा से होने के लिए ढंग uh, से ट्रेनिंग प्रूनिंग uh, करना बहुत बहुत जरूरी है एंड कंक्लूशन में भी ये हाईलाइट आपको लास्ट लेक्चर में मिला है इसमें मैं क्या बोलना चाहता है सो ग्रोथ रिलेटेड जब भी जरूरत है हम उसको इस्तेमाल uh, करना बहुत एसेंशियल है सो so, अभी जनरल एस्पेक्ट्स में आपको बताया है बाहर ट्रीटमेंट में कैसे कैसे क्या क्या चीज हम लोग करना है अब ग्रोथ रेगुलेटर को समाल करना का कब जरूरत है इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया मैं दे दूंगी और ग्रोथ रेगुलेटर्स ग्रोथ रेगुलेटर्स नहीं तो ग्रोथ हार्मोन्स इसको कहते हैं फाइटो हार्मोन्स सो so, इसको इसका हिंदी में कहते हैं लाइक like, uh, वृद्धिक हार्मोन्स ये ये वृद्धिक हार्मोन्स का न इस्तेमाल करना का क्या जरूरत है वृद्धिक हार्मोन मतलब क्या है ग्रोथ हार्मोन्स का डेफिनेशन ऐसे है दिस आर सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड विदिन द प्लांट सिस्टम सो प्लांट सिस्टम में मे बी इन रूट्स और इन शूट्स और इन द कैनोपी सो दे आर प्रोड्यूस्ड दे आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट ऑफ एक्शन देन दिस याद रखिएगा जैसे न्यूट्रिशन uh, में हम लोग बोलते हैं देर आर सिक्सटीन एसेंशियल एलिमेंट राइट सी हॉपकिस कफे माइटी कहते हैं आपको एसेंशियल एलिमेंट्स पौधा का ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए फ्रूट सेट के लिए एसेंशियल जैसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेके माइक्रोन्यूट्रियम बोलते हैं उसी तरफ से यहाँ भी ग्रोथ हार्मोन्स बहुत जरूरी है उधर आपको माइक्रोन्यूट्रिय एंड सेकेंडरी एलिमेंट्स का कंपेयर करने का से आपको ट्रेस एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट का बहुत कम डोज में हम लोग यूज करने पड़ेगा जैसे वो पर्टिकुलर डोज को गलती से भी हम लोग ज्यादा लेवल पर यूज करेंगे उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है न्यूट्रिएंट को ज्यादा अब्यूज़ यूज कर दिया तो उसको टॉक्सिसिटी हो जाता है दैट एंटर्स इनटू टॉक्सिक लेवल ऐसा यहाँ ग्रोथ हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं सुप्रा ऑप्टिमल लेवल सुप्रा ऑप्टिमल लेवल कहते हैं दैट इज टॉक्सिसिटी माइक्रोन्यूट्रिय ज्यादा डालने से आपको होते है. में क्या होता है? जब जितना उतना ही डोज आप ग्रोथ हार्मोन फोलियर स्प्रे करेंगे तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स पौधा देगा एंड एक ऑप्टिमम डोस होते हैं ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही लेवल आप यूज करना है दट इज द स्पीड ब्रेकर लिमिट वहां जाके अगर बंद नहीं किया गलती से भी आप एक्स्ट्रा डोज डाल दिया इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट आपका यील्ड प्रोडक्टिविटी एंड इवन क्वालिटी खराब हो जाएगा ये चीज को सारा किसान याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कोई भी ग्रोथ हारमोनम यूज करता है ऑप्टिम डोज तक के यूज करना है जरूरत पड़ेगा तो एक सेकंड स्प्रे ले सकता है एक हफ्ता दो हफ्ता का इंटरवल में आ, अगर नहीं है बा uh, आपका भी बी एक्स्ट्रा डोज डालना गलत बात है सो so, उसको कहते हैं सुप्रा ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंसंट्रेशन सो दैट शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड फिर आप देखिए ग्रोथ हार्मोन्स का क्या-क्या प्रकार है मेजर uh, प्रकार इसका बारे में बोलना तो लाइक uh, ऑक्सिन्स like हम लोग बोल सकते हैं फिर साइटोकाइनिनस देन दूसरा एक ग्रुप है जिबरलिंस ऑक्सिंस क्या है क्या है साइट क्या है इसका बारे में ब्रीफली मैं बता दूंगा ग्रोथ हार्मोन्स जो रूटिंग के लिए फायदा देते हैं राइट right. कुछ अनार दीजिए और कुछ अदर क्रॉप भी होने दीजिए उसमें हम लोग रूट सिस्टम को डेवलप करना रूट इनिशिएशन होना है किसान डाली में बोलते हैं वाइट रूट्स फॉर्मेशन हेयर वाइट हेयर रूट्स फॉर्मेशन ऐसे बोलते हैं

इसका फोरेजिंग डेप्थ आप देखेंगे तो साइल में लगभग टू 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 एंड फीट में कन्फाइन हो जाता है सो so, अनार का रूट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आईसीआर राष्ट्रीय अनार अनुसंधन केंद्र में डॉक्टर मराठे साहब मिस्टर डीटी चौधरी एंड उनका टीम ऑलरेडी स्टडी करवाया है इसका पब्लिकेशन भी लाया है ये बताता है और शैलो रूटेड साइल के लिए अनार एक आइडियल क्रॉप है

So, इसलिए इसका रूट सिस्टम का मजबूत बनाने के लिए रूट इंडक्शन के लिए ये ऑक्सीजन फायदा देते हैं ऑक्सीजन में हम लोग क्या यूज करते हैं अंडर इनविट्रो कंडीशंस में भी ये यूज हो जाता है राइट right? टिश्यू कल्चर पौधा हम लोग बनाते हैं तो अनार का प्रॉपगेशन में डॉक्टर सिंह डॉक्टर सिंह सर हर बार हमारा संस्थान से किसान लोग के लिए बताता है इसका प्रोपोगेशन एयर लेयरिंग गूटी से होते है फिर हार्डवुड कटिंग से होते हैं फिर टिश्यू कल्चर मेथड से भी होता है इसे इवन इन सो द ग्लास टेस्ट ट्यूब्स और कॉनिकल फ्लास्क जैसे हम लोग पौधा का मल्टीप्लाई करवा देते हैं सो so एक्सप्लांट लेके वो एक्सप्लांट को हम लोग एस्टेब्लिशमेंट uh, से लेके प्रॉलीफ्रेशन शूटिंग रूटिंग प्राइमरी गार्डनिंग सेकेंडरी गार्डनिंग का करके टूकल्चर मेथड माइक्रो प्रोपेशन मेथड में बना सकता है उसमें भी रूटीन के लिए मेजोरिटी में, दो हार्मो को हम लोग यूज करवा देते हैं एक ये, आपको एन ये ए ये, एल्फा नाफलिन एसिड दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईबीए इंडोल थ्री ब्यूट्रिक एसिड रूट रूट का का लेंथ राइट आर्किटेक्चर डिसाइड करने में लंबा रूट चाहिए यू गो फॉर दिस एन एफिक एसिड अगर मोटा रूट्स आपको चाहिए देन फिर यू मे रिसोर्ट टू आई बी एंडोल थ्री ब्यूटिक एसिड्स ये इनविट्रो कंडीशन में फायदा देते हैं तो ये लास्ट स्टेज ऑफ माइक्रो प्रोपोकेशन में शूटिंग हम लोग इंड्यूस करने के बाद रूटिंग स्टेज में यूज़ करना जरूरी है कटिंग मेथड में आप देखेंगे तो uh, ये देखिए दिस हार्डवुड कटिंग एंड हार्डवुड कटिंग ऑफ नॉर्मली 20 टू 25 इट्स ऑफ पेंसिल आर कटिंग को हम लोग क्या करते हैं प्री ट्रीटमेंट दे नर्सरी में लगाते है प्री ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ भी ग्रोथ हार्मोन को रोल बहुत जरूरी है नॉर्मल कटिंग को लेके आप नर्सरी में लगा देते तो जनरल पार्टिंग मिक्सचर आप देखेंगे तो सैंड साइल एफ आई वन इज वन इज वन रेशियो में होते हैं आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इवन कोकोपीट कोकोपीट एंड सैंड देन सैंड साइल वेरमिकुलाइट ऐसे बहुत सारा आ, बहुत सारा लाइट वेट पार्टिंग आजकल है तो इसको हम लोग पार्ट में नर्सरी बेड में इवन दिस प्लास्टिक मटेरियल्स में यूज करके हम लोग प्रोफोगेशन करता है उसमें दोन प्रकार का मेथड होता है एक तो क्विक डिप मेथड एंड अदर वन इज लो कंसंट्रेशन मेथड क्विक डिप मेथड मतलब हम उसको ग्रोथ हार्मोन का साथ ट्रीटमेंट ट्रीट करवा देंगे ओनली शार्ट पीरियड टाइम से एक मिनट नहीं तो सो चालीस सेकंड और मैक्सिमम एक मिनट को आप ये रूट कटिंग्स को डिप uh, करवा देते हैं ग्रोथ हार्मोन सॉल्यूशन में ग्रोथ हार्मोन को डोज कितना होना है याद रखना बहुत जरूरी है समथिंग uh, अराउंड 2000 हजार अच्छा है काफी सारा वर्कर्स काफी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट uh, करवाया है 1000 1500 वन से लेके uh, 2500 थाउजेंड तक uh, ये हाईली यूजफुल है या एनएए एंड आईबीए इसको ये करवाया है इसमें हम लोग इंडोल थ्री ब्यूट्रिक एसिड एनएए को uh, आप लगभग 2000 हज़ार यूज करवा देंगे तो बहुत अच्छा है

ऐसा मेथड में हम कर देंगे तो आपको सक्सेस परसेंटेज आप देखेंगे तो 60 परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट तक आपको सक्सेस मिलता है देन दूसरा चीज का भी मेरा का बोलना बहुत जरूरी है।, है ये देखिए ऑक्सिंस में दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑक्सिन है ये नेशनलिन एसिड 10 पीपीएम डोज सबसे कम डोज है टेन पीपीएम मतलब क्या है पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन

वन लीटर में करना है टेन मिलीग्राम वन मिलीग्राम इन वन लीटर दैट इज इक्वल टू वन पीपीएम सो एक पीपीएम पी वन मिलीग्राम वेट लेके उसको वन लीटर सॉल्यूशन में हम लोग डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाए थे वन पी सो इस चीज को बहुत अच्छा से समझा के हम लोग टेन पीपीएम सॉल्यूशन बनाने के लिए टेन मिलीग्राम वेट लेना है एन उसको क्या करना है वन लीटर सॉल्यूशन में हम लोग मिक्स करवाना है लेकिन सॉल्वेंट ये इसको जिसमें डिसॉल्व करना है वो सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सो ग्रोथ होलिटर का ब्रॉडर कैटेगरी में बताइए ऑक्सिंस जिबरलिन साइटोकाइनंस ये ऑक्सिंस ये आईबीए वोने दीजिए ये एनएए वोने दीजिए और कुछ भी ऑक्सिन्स होने दीजिए ये सब दे आर सॉलिबल इन इतना ऑर्गेनिक सॉल्युबल uh, इन uh, कुछ सॉल्वेंट्स है उसका कहते हैं अल्कोहल राइट आइदर 70 परसेंट अल्कोहल इवन अब प्योर अल्कोहल भी यूज कर कर सकता है अब्सोल्यूट अल्कोहल ये इसको सपोज 10 मिलीग्राम आप लिया तो लगभग पॉइंट फाइव एम अल्कोहल सफिशिएंट है सो हंड वन ग्राम लेके आप यूज uh, करना मतलब वन टू टू एम एल जितना माइन्यूट डोज पिंच ऑफ दिस ग्रोथ रेगुलेटर ले लेंगे ले ले, उतना का डिसॉल्व करने के लिए टू अल्कोहल में पहले डिसॉल्व करना वो कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद वो वो वन टू टू एम एल सोल्यूशन को मेकअप करना है वॉल्यूम कितना है कितना लीटर वन लीटर सोल्यूशन में मेकअप करना है सो so, इसका हिसाब से आपको सोल्यूशन बनाना बहुत जरूरी है एनए का कमर्शियल फॉर्म में भी कुछ कुछ कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है लाइक प्लान ऑफिक्स का आप देखेंगे तो है। अगर प्लान फिक्स का अंदर फोर पॉइंट फाइव परसेंट एस एल एन है तो फिर क्या करना उसको कन्वर्ट करना है सो बाईस तेईस एक्स ये बढ़ेगा इसका डोज सो so इसका मतलब 22.5 ml नहीं तो 23 ml लेके 100 लीटर्स पानी में 23 ml लेके 100 लीटर्स पानी में मिला सकता है क्योंकि इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लानोफिक्स ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है सो so इसको लेके भी डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं या इसे पाउडर फॉर्म में लिया तो जैसे मैं बड़ा ऐसा इतनाल में सॉल्यूशन बना के उसको स्प्रे करना कब स्प्रे करना पहले में बताया जाता रेस्ट स्ट्रेस या फिर उसके बाद हम लोग यत्रल स्प्रे कर देंगे यत्रल स्प्रे करने का बाद आपका क्या हो जाएगा थ्री वीक में न्यू फ्लश इनिशिएशन होने का बाद फ्लावर बड डिफरेंशिएशन होना है अगर वो टाइम पर नहीं हो जाता तो डिफोलेशन का बाद थर्ड वीक में इसको आप स्प्रे दीजिए ये स्प्रे देने से आपको स्प्रे करके लगभग एक से दो हफ्ता टू वीक्स का अंदर फ्लावर बड इनिशिएशन चालू हो जाएगा तो ये बहुत जरूरी है देन आपका फ्लावर बड इनिशिएशन अच्छा से हो गया देन जैसे मैं पहले बोला गया सो तीन हफ्ता में लगभग टेन स्टेजेस ये पास ऑन हो जाता है फुल्ली डेवलप्ड बलून शेप फ्लावर बड हो जाता है देन हेयरलाइन क्रैक फॉर्म होके एंथेसिस होता है सो so, एंथेसिस होने के बाद क्या हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन इसका मोड uh, से सेटिंग uh, हो जाएंगे सेटिंग जैसे हो जाएगा पेटल फॉल हो जाएगा पेटल फॉल होने के बाद उसको हम हम लोग लोग कहते हैं पेटल फॉल स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देना जरूरी है उस, उसी टाइम पर इंटरप्शन हो जाता है सो इसको कहते हैं पहले आप फर्स्ट टाइम आप क्रॉप रेगुलेट करवा देंगे थर्ड ईयर में कभी कभी बहुत ज्यादा मेल फ्लावर्स हो जाता है फिर वो मेल फ्लावर्स पूरा ड्रॉप होने के बाद धीरे से फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का फेस चालू हो जाता है कभी क्या हो जाता है मेल फीमेल फेस डंस से ऑनसेट हो जाता है लेकिन ऑनसेट होने के बाद उसको सेक्स रेशियो आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है कम कम से कम बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाता है और अगर नहीं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आने के बाद उसको ड्रॉपिंग ज्यादा हो जाता है पोस्ट सेट ड्रॉप पॉलिनेशन होने के बाद सेटिंग होने के बाद एक महीना का अंदर इसका ड्रॉप दो हफ्ता का अंदर ज्यादा होता है वो स्टेज भी ए, पास हो गया लेमन 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 हाफ से लेके साइज़, लगभग 50 ग्राम साइज को जब पौधा फ्रूट्स हो जाता है तभी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है सो so, इस स्टेज में हम लोग क्या करना पड़ेगा इसको एक टू फोर डाइक्लोरोना एसिड तो एक ग्रोथ हार्मोन होते हैं टू फोर डी सो ये 2, में बहुत बार किसान लोग गलत सोच लेते हैं कुछ आ, होते हैं वो सोडियम साल्ट होते हैं कुछ अमाइन साल्ट हो, होता है उसको लेके स्प्रे करवा देते हैं गलती से भी हम लोग हेरबिसाइड्स वीडिसाइड्स, टू फोर डी वीडिसाइड टू फोर डी हेरबिसाइड को यूज नहीं करना उसको स्तम्भल नहीं करना यहाँ हमारा एम्फेसिस हमारा फोकस है ग्रोथ हार्मोन टू फॉर डी ग्रोथ हार्मोन लेना है वो टू फॉर डी ग्रोथ हार्मोन को आप स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है ये आ, कास्ट इफेक्टिव है लगभग आपको कुछ 800 ग्राम को आ, मिलता है 800 ग्राम को पैकेट डब्बा आपको हाँ 1000 रुपीस 1100 रुपीस रेट में भी ये मिलता है रिसर्च लैब को ऐसे कुछ पुणे मुंबई बेस्ड कंपनीज भी इसको बनाता है एंड सोलापुर में याश ट्रेडर्स एक सोलापुर बेस्ड कंपनी है ये किसान लोग के लिए ये, ये प्रोडक्ट को सप्लाई भी करता है सो इसको आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इसको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमको बेटर फ्रूट सेट हो जाएगा पचास परसेंट का ऊपर आपको फ्रूट सेट अनार में लेना है तो फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव परसेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ये फ्रूट ड्रॉप के लिए जैसे आप टू फोर डी ट्वेंटी पी पी एम डोस में स्प्रे करेंगे ट्वेंटी मिलीग्राम पर लीटर तो आपको क्या हो जाएगा फोर्टी एट आवर्स ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स को अंदर यह फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल हो जाता है दूसरा फॉर्म है साइटोकन साइटोकाइनिन्स मतलब ये क्या है शूटिंग हार्मोन ये कहाँ सिंथेसिस होता है रूट से सिंथेसिस होता है रूट टिप में सिंथेसिस होके इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू शूट टिप्स सो ये साइटोकाइनिन्स में नेचुरल साइटोकाइनिन है अपना पास का काइनेटिन है देन बीएपी है बेंस बी ए बेंसाइल अडिनाइन कहते हैं दैट इज वही है बी ए पी बोलते हैं बेंसाइल अमीनो प्यूराइन है सिक्स बेंसाइल अमीनो प्यूराइन बोलते हैं ये बेंसाइल अडिनाइन और बेंसाइल अमीनो प्यूराइन को हम लोग यूज करेंगे तो ये सेल डिविशन सेल एलांगेशन को बढ़ा देते हैं जब पौधा का सेल से टेंडर स्टेज में है सेटिंग ओके लगभग चालीस पंचालीस दिन को अंदर इसको इस्तेमाल कर देंगे तो फ्रूट फ्रूट ड्रॉप कम करने के लिए भी काम करेगा फ्रूट uh, क्रैकिंग कम करने के लिए भी का, काम करेगा फ्रूट साइज uh, बढ़ाने के लिए भी काम को आएगा सो दट इज आपको से, जिबरलिन कमर्शियली एक्सप्लाइटेड कौन सा क्रॉप में आप सब जानते हैं अंकुर सो so, अपना ग्रेप्स uh, में बेर्री बंच बंच का वेट बढ़ाने के लिए बेर्री को साइज बेरी को लेंथ बढ़ाने के लिए आ, ये क्या करता है पेटल फॉल स्टेज होने के बाद लगभग 50 पीपीएम से लेके 100 पीपीएम सॉल्यूशंस में हम लोग डिप करवा देते हैं वैसा यहाँ अनार में भी 50 पीपीएम से लेके 80 पीपीएम डोज हाईली बेनिफिशियल है अनार का फ्रूट साइज को एनहांस करने के लिए इट्स अ सार्ट ऑफ मॉडिफाइड बेरी है बलुस्टा हम लोग कहते हैं टेक्निकली ये इसका अंदर देखेंगे तो लगभग तीन सौ से लेके 500 सौ एरिल्स होते हैं एरिल्स क्या है अपना एडिबल पोर्शन है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है सो so, ये एडिबल पोर्शन आप देखेंगे तो लगभग आपको सिक्सटी टू सेवेंटी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट आपको एडिबल पोर्शन होता है टोटल फ्रूट वेट में सो so, ये एडिबल पोर्शन का प्रोपोर्शन बढ़ाने के लिए दाना का साइज बढ़ाने के लिए

बहुत बहुत जरूरी है ये जिब्रेलिनस को इस्तेमाल करना का डोज बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए हम लोग जो ट्रायल अपना राष्ट्रीय अनार अनुसंधान राश्ट्रियान केंद्र सोलापुर में जो लिया है हम लोग ये जिब्रेलिक एसिड जीए थ्री को 10 पीपीएम से लेके एडिटिव डोज में 10 टू 70 पीपीएम हम लोग उसको इस्तेमाल करवाया है एंड टेन ट्वेंटी थर्टी पी पी एम फोर्टी फिफ्टी ऐसे सेवेंटी पी पी एम तक हम लोग यूज़ करवाया है जैसा इसका डोस आप इंक्रीज करवा देते हैं अपटू फिफ्टी पी पी एम सो देर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन फ्रूट साइज एंड फ्रूट साइज सबसे ज्यादा है ऑप्टिमम साइज बन जाता है आपको फिफ्टी पी पी एम में एंड फिफ्टी पी पी एम को आके uh, इतना लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है फ्रूट ग्रेड एंड फ्रूट साइज में सो so, इसको भी हम लोग ट्रायल लिया है इसको स्प्रे आप दो बार कम से कम दो बार देना बहुत जरूरी है और डेढ़ महीना लगभग एक से डेढ़ महीना ये फोर्टी फाइव डेज का अंदर एक स्प्रे देने पड़ेगा देन दो से अढ़ाई महीना का अंदर लगभग सेवेंटी फाइव दिन का अंदर एक सेकंड स्प्रे देना है सो so, ये जब आप 45 डेज में ये स्प्रे देन वन मंथ इंटरवल में 75 डेज में दूसरा स्प्रे ये जिब्रिलिक एसिड फोलियर स्प्रे इस्तेमाल करेंगे आपको अनार का क्वालिटी यील्ड फसल भी बढ़ेगा एंड फ्रूट साइज फ्रूट क्वालिटी भी इसमें बहुत बढ़िया मिलता है और ये देख सकते हैं आपको नंबर ऑफ फ्रूट्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एंड लगभग पचीस किलो का आसपास आपको फसल मिलता है तो ब्रिक्स एसिड रेशिय भी लगभग 35 uh, को ऊपर चला जाता है जैसे आप फिफ्टी पीपीएम फोलियर स्प्रे लेते हैं एंड आंथोसैनिन कंटेंट कलर डेवलपमेंट भी इसमें अच्छा से हो जाता है आप जी ए थ्री का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये हम लोग टू सीजन्स का ट्रायल हम लोग लिया है कलर आ, अनार में फ्रूट साइज एंड फ्रूट ग्रेड जैसे ग्रेजुअली बढ़ते जाता है अपटू फिफ्टी पी पी एम तक आप करेंगे आप देख सकता है जैसा फ्रूट साइज एंड फ्रूट ग्रेड इसमें बढ़ जा रहा है एंड उसके बाद इसमें ये स्टेबिलाई हो रहा है ज्यादा फर्क नहीं है दिस इज द कंट्रोल एंड इवन uh, सेकंड ईयर को भी ट्रायल इसमें हम लोग ले चुका है इसमें आप देख सकते हैं uh, ये टेन पी पी एम ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड दिस इज फिफ्टी पी पी एम सो फिफ्टी पी पी एम डोस में uh, बहुत बढ़िया ग्रेड इसमें मार्केटेबल यील्ड भी बहुत अच्छा है एंड टू फिफ्टी ग्राम्स को आके मोर देन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्रूट्स आपको मिलता है अगर कंट्रोल में आप देखेंगे तो दस uh, से पंद्रह टका का पंद्रह टका का नीचे दस टका का नीचे ये टू फिफ्टी ग्राम्स को फ्रूट मिलता है और इसमें आप देखेंगे तो बीस पच्चीस परसेंट का ऊपर टू फिफ्टी ग्राम प्लस ज्यादा वेट बड़ा साइज फ्रूट्स आपको मिलता है सो दिस इज दट टेन ट्वेंटी से लेके अपू फिफ्टी पी पी एम को uh, uh, जीए थ्री का

Are of India, or central, uh, states, uh, ये देखेंगे तो ये चार पांच स्टेट में होते हैं सबसे पहले आपका महाराष्ट्र आ जाता है फॉलोड दिस गुजरात कर्नाटका आंध्र प्रदेश ये सब आनार ग्रोइंग स्टेट है यहाँ क्या है अनार का बिहेवियर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरग्रीन है सो so, एवरग्रीन वन से ये क्या हो जाता है पत्ते खुद गिरने नहीं देते हैं सो आर्टिफिशियली इसलिए हम लोग यत्तल का स्प्रे करना इस्तेमाल है इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है यत्तफान हजार पी पी मतलब क्या है सो so, यत्रल 2.5 एम क्योंकि सो so, यत्रल का अंदर थर्टी टू फोर्टी ये यत्तफान प्रसेंट इट्स अ राइपनिंग हार्मोन सो इसको हमलो ये डोज में हम लोग ट्रायल लिया है हमारा रिजल्ट ऐसे आया है। जैसे टू स्प्रे ले फिर एक हफ्ता का बाद लेना है 400 ppm, फिर वन एम एल डोज पहले पॉइंट फाइव एम एल डोज आधा एम एल डोज फिर 1 ml एक एम एल डोज एक हफ्ता इंटरवल में ऐसा स्प्रे करेंगे तो ज्यादा सबसे ज्यादा आपको डिफोलेशन मिला है 92.5 होता है ये अगर ना, हम यूज किया तो लगभग अस्सी टक्का हम लोग को यत्ल मिलता है उससे भी सिग्निफिकेंटली सुपीरियर रिजल्ट हम लोग को मिला है इसलिए हम किसान भाई को ये डबल स्प्रे ऑफ दिसफन यत, यूज करके देखने के लिए हमारा सजेशन है फर्स्ट डोज आप आधा एम एल करिए फिर एक हफ्ता का बाद सेकंड स्प्रे ले लीजिए वन एम एल में एंड दैट इज मोर बेनिफिशियल सुपीरियर देन सिंगल डोज आप स्प्रे करने से है सो इसका जैसे मैं बताया दिस दिसरल द फार्मुलेशन कंटेंट्स थर्टी नाइन थर्टी नाइन थर्टी नाइन एंड हाफ परसेंट एस एल फॉर्म ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन है यहाँ आप देख सकते हैं अपना ट्रायल है सो जैसे दिस इज द कंट्रोल इज देन सो ये ये फर्स्ट फार्मर्स प्रैक्टिस है इसमें ज़्यादा से पत्ती गिरा है बाकी ये सब ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ ये टू स्प्रे से ये डबल स्प्रे है ये यत्ल आधा एम एक हफ्ता का बाद आधा एम फिर ये आधा एम फिर एक हफ्ता का बाद वन एम देन uh, ये देखेंगे तो लगभग इसका बराबर है राइट right. सो so, इसलिए अपना आ, क्लू जो मिल रहा है हमारा ट्रायल से सो फर्स्ट स्प्रे आधा एम सेकंड स्प्रे वन एम ये स्प्रे करेंगे तो अच्छा से डिफोलेशन एंड उसमें डिफोलेशन होने के बाद फ्लावर बड इनिशिएशन आपको ढंग से हो जाता है सो टेन स्टेजेस में पहले आपको बता रहा था आ, आपको यत्र स्प्रे करके जैसे आपका पति ढंग से गिर जाएगा दस दिन का अंदर नहीं तो बारह दिन का अंदर फिर आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्लावर बर्ड इनिशिएशन ढंग से आंसर हो, हो, जाता है कुछ भी दिक्कत नहीं होगा सो दिस आर द स्टेजेस स्टेजेस टू हर टू डेज इंटरवल में ऑल्टरनेट डेज इंटरवल में जैसे आपको फ्लावर बर्ड डिफ्रशियशन हो जाता है इसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट करवाया है एंड थर्ड वीक इंटरवल में

बाईसेक्शल फ्लावर्स इंटरमीडिएट फ्लावर्स तीन फॉर्म है से ये माइनर फॉर्म ऑफ सेक्स है एंड इसको सेक्स रेशिया आप देखेंगे तो लगभग सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट बाई मेल फ्लावर्स है एंड पंद्रह से पच्चीस टका आपका बाई सेक्शल फ्लावर्स हो जाता है एंड बिलो फाइव परसेंट आपको इंटरमीडिएट फ्लावर्स होता है एंड इसमें ड्रॉपिंग एक मेजर दिक्कत है नुकसान क्या है ड्रॉप नेचुरल ड्रॉप हो जाता है कभी कभी कुछ ग्रोथ हार्मोन हम ज्यादा डाल देते हैं नहीं तो माइक्रोन्यूट्रिय को अपना हिसाब से एक्स्ट्रा ढंग से वेट नहीं लेता कभी ज्यादा डाल देते हैं कुछ जड़ को कभी कम डाल देते हैं इसका वजह से भी आपको फुल गिर जाता है सेक्स रेशियो या डायनामिक फिनमिन वो क्या है कांस्टेंट नहीं रहता है सो so ये सेक्स रेशियो विद इन दट फिनोलॉजिकल स्टेज आपको चेंज होते रहता है एंड फिर इसलिए सेक्स रेशियो यूजुअली वो रेंज में ही देता है इट्स नॉट अ वेरी कांस्टेंट फिर इसमें आप देख सकते हैं वी शेप्ड फ्लावर्स दैट स्टैमिनेट फ्लावर्स मेल फ्लावर्स दैट वेस्ट शेप्ड फ्लावर्स आपको बाइसेक्शुअल फ्लावर्स ट्यूबलर इंटरमीडिएट ट्यूबलर और कर्व्ड फ्लावर्स आपको दिस इंटरमीडिएट फॉर्म इंटरमीडिएट फ्लावर्स ऑफन अब क्रॉस हो ड्रॉप जा, हो जाता है और इसमें आप देखेंगे तो इरेगुलर शेप कर्बिलीनियर फॉर्म का आपका फ्रूट मिलता है वन साइड थोड़ा ज्यादा ग्रोथ हो जाता है दूसरा साइड कम होते है फ्रूट क्रैकिंग राइट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अनार का बारे में हम लोग देखना तो फ्रूट uh, क्रैकिंग में खाना पी मैनेजमेंट में आप लोग सुना होगा है सनस्केल्ड राइट डंग से अगर प्रूनिंग ट्रेनिंग हम नहीं कर पाया अगर uh, आपको फ्लावर्स एंड सेटिंग कानपी का सूरज जिस दिशा पर सूर्य किरण गिरते हैं उस डायरेक्शन पर ज्यादा सेटिंग अगर हो गया तो ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट क्या हो जाता है एक प्रॉब्लम हो जाता है ब्लैकनिंग ऑफ दिंड अनारका कर रिंड में सन स्केल्ड सन स्कॉर्चिंग हो जाता है वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फ्रूट क्रैकिंग फ्रूट क्रैकिंग का बहुत सारा कारण है सो so, ये फ्रूट क्रैकिंग इन डिफरेंट फ्रूट्स में फ्रूट होता है वो लीची में में है में है एंड बाकी क्रॉप भी और अनार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फ्रूट क्रैकिंग को हम लोग यूज कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक तो जीए थ्री पहले भी मैं बोला है जिब्रिलिक एसिड इस्तेमाल करना है जिब्रिलिक एसिड आपका फ्रूट साइज फ्रूट रेड भी बढ़ा देतेवन इवन फ्रूट क्रैकिंग क्रैकिंग को भी कम करवा देते हैं एंड ये ये स्लाइड है ये थोड़ा पहले आना था 24d 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 24d ग्रोथ रेगुलेटर सो जीआर फॉर्म को लेना बहुत जरूरी है सो so, सोलापुर में भी ये सब आपको पे, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स दुकान इवन रिसर्च केमिकल्स सप्लायर्स का पास भी मिल सकता है रिसर्च लैब इंडस्ट्रीज सो ये फॉर्म इसको मुंबई बर्सड फॉर्म सप्लाई करवा देते हैं uh, हम लोग इस्तेमाल करना है टू फोर डी करेंगे तो आपका फ्रूट ड्रॉप कम हो जाता है फ्रूट क्रैकिंग का बारे में मैं अभी बता रहा था इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इट्स अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर माइक्रोन्यूट्रिय में अगर बोरॉन आप जितना चाहिए वो डोस पर यूज नहीं किया तो आपका क्रैक हो जाता है सडन फ्लक्चुएशन इन मॉइस्चर जैसे प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल इमीडिएट रेनफॉल सो आपका पास पानी कम है तो आप ढंग से इरिगेशन नहीं दे पाया पानी का मात्रा आप कम करवाया लेकिन मौसम का चेंज का हिसाब से हेवी बरसात हो जाता तो फिर क्या हो जाएगा बरसात ज्यादा होने के बाद पौधा में uh, पंप इन ऑफ वाटर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर पौधा का अंदर पंप हो जाता है उसका लेवल ज्यादा हो जाता है फिर इसलिए क्या हो जाता है फ्रूट का अंदर एरिल्स का अंदर इसका वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ने से द प्लाइबिलिटी ऑफ दट रिंड इलास्टिसिटी ऑफ दट रिंड राइट एक्सपेंशन एंड नॉर्मल पोस्टर से ये रिंड क्या हो जाता है थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है एलास्टिसिटी प्लाइबिलिटी ऑफ रिंड वो लेवल का क्रॉस हो जाता है इसलिए एक क्रैक चालू होता है रिंड में। ये फ्रूट क्रैकिंग का बहुत सारा कारण है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है जेनेटिक फैक्टर्स होने फैक्टर्स, फैक्टर्स के बाद ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स मौसम भी एक इंपॉर्टेंट कारण है न्यूट्रिशनल फैक्टर में डेफिशिएंसी एक है देन sometimes endogenous synthesis of uh, this gibberellic acid uh, iska level or even uh, cytokinin so ye bhi kam hone se bhi ek cracking ka level bad cracking ka intensity bad jata hai so isliye hum log isko control karne ke liye gibberellic acid uh, use kar sakte nahi to even benzyl amino purine वो भी use कर सकता है ये देखिए commercial cultivars जो महाराष्ट्र का गणेश variety है so this is uh, uh, one of the important commercial cultivar the first ever commercial cultivar of uh, uh, India soft seeded variety है uh, so pink uh, type aerial se इसमें कैसे cracking ho jata hai and you see यहाँ bhi ye photo भी गणेश का photo है ये गणेश में rind thickness भी लगभग two mm का आसपास होता है two two point five mm को नीचे ही हो जाता है even thin rind भी ये कारणे ऐसा reports है देन बागवा देखेंगे तो बागवा रिलेटिवली रिंग थिकनेस मोटा है थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव एम को बीच में आता है इसलिए बागवा वेराइटी कम दिस इज द नंबर वन कमर्शियल कल्टिवार हम सब जानता है राइट आपका कश्मीर से कन्याकुमारी तक एरिया अंडर कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है सो मोर देन एटी परसेंट ऑफ द एरिया अनार का यक्र देखेंगे तो ये बागवा का अंडर है फिर अपना पास सुपर बगवा है एंड uh, आपको रूबी है, जलोर है, आरक्ता है, है आप देखेंगे तो लगभग अप टू फाइव परसेंट तक ये क्रैकिंग हो जाता है अंडर नॉर्मल बघार मैनेजमेंट हम लोग करते तो अः मृग बघार मृग बघार में हम लोग देखेंगे तो अः uh, इसका क्रैकिंग का uh, रेंज आप देखेंगे तो थ्री uh, परसेंट से लेके परसेंट तक ये मृग बघार में इसको क्रैकिंग इंटेंसिटी हो जाता है एंड सबसे कम तो हम लोग सोलापुर कंडीशंस में भगवा में देखा है एंड ज्यादा गणेश फिर उसके बाद uh, uh, मृदला में भी हम लोग देखा है इवन जलोर सिल्स में भी क्रैकिंग हायर है थिकनेस so, भी एक फैक्टर होगा है सिम्टम्स ऑफ फ्रूट क्रैकिंग इसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करवाया है अलग अलग फैक्टर से किस लिए वो क्रैक हो रहा है ये अलग लेक्चर में भी आपको डिस्कस होगा है एंड मेनली फिजियोलॉजिकल कारण क्या बोलना है हम लोग हार्मोन हार्मोन कौन सा हार्मोन इस्तेमाल करेंगे तो हमको आ, दिस फ्रूट क्रैकिंग कम हो जिबरलिक एसिडी पी पी एम अराउंड हंड्रेड टू वन ट्वेंटी पीपीएम डोज में जिब्रलिक एसिड हम स्प्रे करेंगे अराउंड 45 फाइव टू सेवेंटी फाइव डेज सो ये स्टेज में आप स्प्रे कर देंगे तो सो so, दो महीने का बाद इसका फ्रूट फ्रूट डेवलपमेंट होने का बाद मेच्योरिटी का समय पर जो क्रैकिंग हो जाता है उसका इंटेंसिटी इंसिडेंस कम हो जाता है वैसा साइटोक में बी ए पी बेनसाइल हम लोग यूज़ कर सकता है फोर्टी पी पी एम फोलियर स्प्रे यूज करेंगे तो भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फ्रूट क्रैकिंग टू कंट्रोल ऑलरेडी रिपोर्ट है सो so, इसको भी हम लोग किसान को बताता है ये सब इस्तेमाल करेंगे तो फ्रूट क्रैकिंग कम हो जाएगा फिर अलग अलग मेथड से बटर पेपर कवरिंग थोड़ा सा आपको सनलाइट से बचा सकता है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ हम लोग ग्रोथ हार्मोन एंड उसका डोज सो so, इसको सही टाइम पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्रैकिंग कम हो जाएगा स्पेशली नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया uh, कुछ uh, नॉर्थन uh, गुजरात देन uh, राजस्थान जिधर आपको डायरनल वेरिएशन कहते हैं राइट सो ये अनार का फ्रूट डेवलपमेंट के लिए थर्टी सेवन प्लस टू डिग्री सेल्सियस वेरी वेरी एसेंशियल है, and उसमें भी इसका लाल कलर पिगमेंट का तरफ से है एंड लाल कलर पिगमेंट का कम होने से एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिपोर्टेड है दैट इज कॉल्ड पेलनेस ये एयर पेलनेस सबसे ज्यादा uh, हो जाता है आम्य बहार क्रॉप आम्य बहार क्रॉप मतलब क्या है जब आप जनवरी फरवरी में आपका फ्लावरिंग कोइनसाइड हो जाएगा मृग बहार मतलब जून जुलाई बरसात का सीजन में फ्लावरिंग कोइनसाइड हो जाएगा देन uh, हस्त बहार तो ऑलरेडी मैं बताया सितंबर का दमन का अक्टूबर देन फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर तक जो भी फ्लावरिंग होते हैं वो आपको हस्त बहार है सो so, सो so, ये ग्रोथ हार्मोन्स को हम लोग इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है एम्बिया बहार में आपको पेलनेस बहुत ज्यादा है एयर पेलनेस मतलब क्या है स्किन में देखेंगे तो बहुत बढ़िया ग्लासीनेस होगा कलर रेड कलर अच्छा से मिलेगा लेकिन आप उसको कट ओपन करके अंदर देखेंगे दाना एयरिल्स सो एयरिल्स का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा सो बगवा बाग, का कलर डीप रेड रेड कलर से लाइट रेड हो जाएगा एंड गणेश का देखेंगे तो गणेश का चिल्का तो अच्छा लगेगा लेकिन अंदर देखेंगे तो पिंक कलर नहीं मिलेगा एयर इज वेरी लाएट, लाएट पिंक हो जाएगा सो so, इसलिए हम लोग क्या करना ये ग्रोथ हार्मोन्स को राइट डोज में राइट टाइम पर इस्तेमाल करना जरूरी है सिक्स बी ए सिक्स बी ए पी सो इसको फोर्टी पी पी एम डोज में स्प्रे हम करेंगे सटनली हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रूट क्रैकिंग कम हो जाएगा अनार में और जिब्रिक एसिड भी 100 टू 120 ट्वेंटी डोज में आप uh, स्प्रे कर देंगे आपका फ्रूट क्रैकिंग ज्यादा से ज्यादा कम लेवल पर कंट्रोल पर रहेंगे फिर कुछ और चीज में बोलना तो इसको तो कंक्लूशन में तो फोलियर स्प्रे ऑफ टू फोर डाइ

मैच्योरिटी वणक का बात राइपेनिंग स्टेज में जो क्रैक हो जाता है उसका इंसिडेंस कम हो जाएगा रूटिंग ऑफ हार्मोन्स जब आप पौधा एलाइट क्वालिटी एलाइट प्लांटिंग मटेरियल बनाना चाहता है उस उसमें नर्सरी में सक्सेस रेट बढ़ाना चाहता तो रूटिंग ऑफ कटिंग्स के लिए आपको टू टू 2 1/2 मंथ्स का अंदर 50 से 60% आपका रूटिंग होना तो देन ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल करना आपको बहुत जरूरी है इसमें इंडोल थ्री ब्यूट्रिक एसिड आईबीए ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं क्विक डिप मेथड अच्छा है इवन लो कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन भी आप कर सकता है एंड इसमें अनार में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग रेगुलेशन करने के लिए फ्लावर इंडक्शन के लिए हम लोग पोटाशियम नाइट्रेट को ट्राई करके कर देखा है अमोनियम नाइट्रेट ट्राई करके देखा है पॉइंट टू वन डोज यूज़ करके देखा है उसमें सबसे उसका उससे बढ़िया रिजल्ट का डोज यूज़ करने से ये ग्रोथ इसके लिए एन ए इस्तेमाल कर सकता है एन ए का कमर्शियल फार्मेशन मार्केट में जो भी होता है उसको एक्टिव इनग्रीडियंट का हिसाब से आप कन्वर्ट करके यूज करना बहुत बहुत जरूरी है एंड क्रॉप रेगुलेशन के लिए को हाई डोज में यूज करने से अच्छा है लो uh, डोज आपको सबसे अच्छा है दो हज़ार से दो दो हजार पाँच सौ टू 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 पॉइंट फाइव एम एल यूज करने से अच्छा है आपको आधा एम एल पहले यूज करेंगे उसके बाद आप एक uh, हफ्ता का बाद वन एम एल तक यूज कर सकता है सो so, ये मेजर ग्रोथ हार्मोन्स अनार में वृद्धिक हार्मोन्स वृद्धिक हार्मोन दवाई जो अभी किसान लोग के लिए हम लोग प्रेसक्राइब करता है एडवाइस करवा देते हैं अपना एडवाइसरी में हम लोग इंक्लूड करवाया है तो इतना ब्रीफली मैं बताना चाहता है और मैं आप सबको धन्यवाद देते हैं ये लेक्चर आप लोग सुना है आपका पैशंस रखा है हमारा निदेशक एंड हमारा ऑर्गेनाइजर्स राष्ट्रीय अनार अनुसंधन केंद्र उसका कोऑर्डिनेटर्स एंड हमारा को कोऑर्डिनेटर्स संघ महाराष्ट्र ग्रोयर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया ग्रोयर्स एसोसिएशन राजस्थान का अनार ग्रोयर्स एसोसिएशन एंड ऑल द पार्टनर्स एंड इवन पुणे बेस्ड अपना आ, अग्रोविशन एंड सारा लोग को मैं धन्यवाद देते हैं एंड आप सबका धन्यवाद किसान का कोई स्पेसिफिक क्वारी है तो मैं कोशिश करूंगा क्लैरिफाई करने के लिए थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद डॉक्टर दिनेश बाबू आपने बहुत विस्तृत में पर्टिकुलरली जिब्रैलिक एसिड टू देन रूटिंग के लिए जो मीडिया है पर्टिकुलरली ग्रोथ रेगुलेटर्स है हार्मोन्स है और एन इन चीजों को बहुत और इथरल पर्टिकुलरली इथरल भी इन सब को डिटेल में स्त्रोत में जानकारी दी इसका यूज कैसे अनार में हो सकता है क्या उसकी संभावना है डोसेज क्या होना चाहिए अब मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि अगर उनके कोई सवाल है तो अपना हैंड्स रेज करें या चैट बॉक्स में उनके सवाल लिखें और हमारे सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ पर एक वो एक चीज़ थी हम चाह रहे थे कि आज जैसे किसान हमसे जुड़े हैं वो हमसे कल भी जुड़े रहें और हर रोज जुड़े उसके लिए हम चाह रहे हैं अगर वो अपना कुछ साझा करना चाहते हैं अपनी तरफ से वो कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं और वो वीडियो हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है क्योंकि अगर वो कुछ उन्होंने पैकिंग में या कुछ उन्होंने अगर वैल्यू एडिशन में या फिर कुछ अगर खेती में और सावधानियां कैसे वो रखते हैं अपने खेत की वो फोटो भेज सके या वीडियो भेज सके तो उनसे वो इस नंबर पे भेजे आपकी तरफ से भी कुछ किसान भाइयों की तरफ से भी कुछ साझा करना चाहते है ऑर्गेनाइजर्स हाँ, के साथ तो दे? आप इन नंबर पर भेज सकते हैं जिसमें आपके फोटोजीडियोज जिसमें आपके कोई सूचनाएं होंगी कुछ सुझाव होंगे या कुछ प्रश्न भी होंगे तो आप उनको भेज सकते हो जो दिया गया नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो बिल्कुल और जो सबसे, जो, आप सब लोग के बेस्ट, जो सबसे बीच में शामिल करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम तीन चार दिनों का है आठ नौ दस ग्यारह तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि

या जिनकी रेज हैंड से पे दिए? कुछ क्वेश्चन पहले से आए हैं सर तो देखिए इस तरह से करेंगे कि जो क्वेश्चंस पहले से हैं उसमें आप आप उनका आंसर करिए वर्बली हम लोग वहाँ पे टाइप करेंगे या आप अगर कर सकते हैं तो लिखिए और जो आंसर्स जिन आ, किसानों ने रेज हैंड किया है उनको हम डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछने का मौका देंगे तो पहले मैं क्या करूँ जो क्वेश्चन आए उनको रिप्लाई दू जी जो क्वेश्चन आए हैं पहले उनको रिप्लाई दे दीजिए इसमें लिखा है हस्त बहार के समय बताए ये पहला क्वेश्चन उन्हें मुझे पूछा है उससे पहले था एड प्रूनिंग वीडियोज़ एंड फोटोज़ तो हमारे ऐप पे कुछ कुछ है कुछ वीडियोज़ में अगर मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें मेरे पास जो है वीडियोस मैं दे दूंगा उसका हमारे पास है कुछ वीडियोस और ये हस्त बहार का समय बताया हस्त बहार मतलब क्या होता है ये जो जाड़े के पहले जाड़े के पहले का जो फ्लॉरिंग होता है उसको हम हस्त बहार बोलते मतलब आपका जो अगस्त सितंबर ये डिपेंड करेगा एरिया टू एरिया ये एक महीना वेरी कर सकता है जैसे मृग बहार क्या होता है बरसात बरसात वाली फ्लौरिंग. तो कई जगह लेट अर्ली तो हस्त बहार जो है जाड़े के पहले जो समय होता है पर इन जनरल अगस्त सितंबर का जो महीना होता है उस समय जो फ्लावरिंग में आता है सितंबर लास्ट मान लीजिए कई लोग अक्टूबर तक खींच के ले जाते हैं जिसको लेट हस्त बोलते हैं

हारमोन्स uh, का होगा बाबू सर मैं आपको uh, ब, 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 पढ़ के बता दूंगा और जो इसका है मेरे से मैं उसका रिप्लाई दे दे रहा हूँ ठीक है सर बाबू सर आ, हाँ डॉक्टर ओके okay. uh, दूसरा क्वेश्चन है सर आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड देयर आर एंड हियर पोमगेट आर डेवलप बट नॉट रेड एंड टेस्टी तो ये कौन सी मैं बोला ना वैरायटी आप कौन सी लगाए आप पोमगेट वर्ड मत यूज कीजिए आप बोलिए आप ये वैरायटी लगाए हैं आप को खुद जागरूक होना पड़ेगा कौन सी किस्म लगाए हैं लगाने से पहले आपने क्या जानकारी ली किसको अप्रोच किया ये सब बहुत जरूरी है पर जनरली क्या होता है अगर आपका फल पक रहा है जैसे कई रीजन हो सकते हैं पर अगर फल पक रहा है जब तापमान बहुत ज्यादा है या पानी की थोड़ी कमी है जैसे आप जैसे सर ने अंबे बहार वाला जो है अंबे बहार मतलब आपका स्प्रिंग सीजन जो फ्लावरिंग होता है तो उसका पक फल बढ़ना और पकना शुरू होता है आपका अप्रैल मई जून जुलाई है ना या मई जून जुलाई में तो गर्मी बहुत होती है तो कलर उतना पकड़ नहीं पाता है ठीक है और कभी ब्राउनिंग का भी थोड़ा सा दिक्कत आता है तो आ, अगर उस सीजन का फल है तो उसमें कलर थोड़ा कम आता है तो जैसे पोटास का स्प्रे हम लोग बोलते हैं और पहले तो लोग इथरेल का भी स्प्रे करते थे कम डोज पे 200-300 सौ पीपीएम के आसपास बट अभी क्या है वो उसमें टू क्लोरोल फॉस्फोनिक एसिड होता है तो उसका रेजडू ट्रेस हो जाता है अगर एक्सपोर्ट के लिए आप जा रहे हैं इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं यहाँ पे बट कलर लाने के लिए किसान भाई लोग उसको भी इस्तेमाल करते हैं पर आपका जो ये क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है किस सीजन के फल की बात कर रहे हैं और आपका न्यूट्रिशन कैसा है आप कौन सी प्रजाति कौन सा वो वैरायटी लगाए हैं तो वो सब जब आप इंफॉर्मेशन देंगे तो आपका सही ये बड़ा जनरल क्वेश्चन हो गया तब हम आपको सही दे आप कैसे कर रहे हैं आपने क्या इनपुट दिया जब वो आप देंगे तो आपका इसमें एकदम हंड्रेड परसेंट जो है हंड्रेड परसेंट तो कुछ नहीं है वो फिर भी हम लोग आपको आ, 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 सही तरीके से बता पाएंगे हस्त बहार प्रूनिंग जैसे इन्होंने बोला है तो जो हैवी प्रूनिंग बोला है वो आपको बरसात के पहले ही कर लेना है अब मान लीजिए आपको स्ट्रेस

कार्बन पे कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता पर अगर नहीं मिला है तो ये सब चीज नहीं हो पाता है तो डिफोलेशन तो करने के लिए हम उसमें इथरेल के साथ मिलाते हैं जीरो बाउन चौंतीस ताकि उसका एब्जॉर्शन थोड़ा बढ़ जाए ठीक है तो वो आपको दो बार में करना पड़ेगा जैसे सर ने बताया ना क्योंकि स्ट्रेस जनरली हस्त बहार में प्रॉपर नहीं बैठ पाता है तो उस केस में आपको दो बार हर, कम डोज पे एक साथ ज्यादा करेंगे तो मेल फ्लावर ज्यादा आता है फिर टिप बर्निंग भी कभी कभी शुरू हो जाता है अगर आप इथेल बहुत ज्यादा ढाई एम के बियॉन्ड जा रहे हैं तो बेटर ये जैसा सर ने बताया पॉइंट फाइव पर लीटर और पहला और एक हफ्ते बाद आप देखिए कैसे पत्ती पीली पड़ रही है कितना गिर रहा है तो उसके बाद पॉइंट टू वन एम पर लीटर और उसमें पांच ग्राम जीरो पॉइंट चौतीस पर लीटर के हिसाब से मिलाते हैं तो आपका ये गिरेगा और क्या है With pictures, pictures तो तो ठीक है हमारे वेबसाइट पे सर कई पिक्चर होंगे आप ले सकते हैं इट्स प्रूनिंग इन एनी सीजन अच्छा सजा प्रकाश सर का क्वेश्चन था एक्सीलेंट uh, अच्छा नहीं सर सर प्रीवियस वीडियो वीडियो ये मांग रहे हैं हम लोग के जो प्रेजेंटेशन है उसका वीडियो कुछ फार्मर मांग रहे हैं अगर है तो उनको चाहिए ओके पे okay, 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 okay. इसके बाद एक क्वेश्चन था इधर भी कुछ क्वेश्चन है एक सेकंड एक जैसे किसान भाई हमारा क्वेश्चन था अरे ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है या वाटर शूट वाटर शूट ज्यादा निकल रहे हैं अगर जैसे आप स्ट्रेस के बाद पानी एक एकाएक शुरू कर दिए या आपने शुरू में स्ट्रेस के तुरंत बाद जब डिफोलेशन हो गया लाइट पुनिंग किया और आपने अगर पानी ज्यादा शुरू कर दिया या फिर आपने नाइट्रोजन का भी एप्लीकेशन शुरू कर दिया तो उस केस में वाटर शूट ज्यादा निकलते हैं बट वैसे भी वाटर शूट कुछ कुछ निकलेंगे इसलिए हमने बोला आपको पिंचिंग और टिपिंग करना पड़ेगा दूसरा है आफ्टर डिफोलेशन पुनिंग करने तो चलेगा ना ये क्वेश्चन है इनका तो देखिए जनरली क्या होता है डिफोलेशन हम पहले इसलिए करते हैं ताकि हमको सारी ब्रांचेस क्लियरली दिखाई दें पहले डिफोलेशन करने से तो फायदा ये होता है कि आपको तो कितना पुनिंग करना है कितना काटना है कहां बहुत डेंस है अगर फोलियज ज्यादा रहेगा पौधे पे तो क्लियरली वो दिखता नहीं है अगर बड़ा पौधा है तो पर्टिकुलरली अगर पौधा काफी बड़ी है तो उस केस में वो दिक्कत आता है अगर पहले डिफोलिएट कर दी आपको तो आपको क्लियरली सारा दिखता है पर एक ये भी लोग बोलते हैं कि पहले अगर हम छांट दिए तो हमारा इथेल डोज कम लगता है दूसरा उसका एब्जॉर्शन बढ़ता है बट एनी हम लोग यहाँ हम लोग जो करते हैं वो पहले इथेल मारने के बाद प्रूनिंग करते हैं तो उससे हम लोग को ज्यादा क्लियरली पता चलता है कितना तो प्रूनिंग करना है उसके बाद आफ्टर डिफोलियेशन माई प्लॉट ये ये ब्लाइट वाला क्वेश्चन तो madam, तो आई थिंक मैडम जब प्रेजेंटेशन देंगी उसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका जो ब्लाइट का आपने पूछा है एक की आफ्टर डिफोलिएशन थर्टी डेज इनका हेवी रेन आया है हाँ। तो ये एनए को वही प्लेनोफिक्स मतलब एनए यूज कर सकते हैं ना फ्लावरिंग के लिए हाँ कर सकते हैं

और ये प्लानोफिक्स के फॉर्म में आता है जिसमें 4.5 परसेंट है तो आप जो है लगभग लग, 23 मल 100 लीटर में डाल सकते हैं हाँ यस yes. 23 मल हाँ. in 100 लीटर सॉल्यूशन सर फ्लावर पूरे गिर ये क्या है दी होस्ट है स्पॉटलाइटेड योर वीडियो ये बीच दी फ्लावर फ्लावर पूरे गिर रहे हैं इसे स्प्रे करना पड़ेगा क्या नहीं फ्लावर गिरने के लिए बाबू सर ने आपको भी टू फोर डी का स्प्रे बताया है बट टी, टू फोर डी हरबी साइड नहीं यूज करना है टू फोर डी हार्मोन वाला यूज करना है टेन पीपीएम तो पाउडर के फॉर्म में अगर मान लीजिए आप लेके आ रहे हैं से, हाई मीडिया इसका लाए तो टेन पीपीएम मतलब हो गया टेन मिलीग्राम एक लीटर में इनका रिप्लाई ये है तो फ्लावर गिर रहे हैं इनका तो आपको टू फोर डी हारमोन का जो आता है वो यूज करना है वीडी साइड वाला नहीं लेना है क्योंकि वीडी साइड भी आता है टू फोर डी और इसको जो हार्मोन वाला जो लेंगे आप तो टू 10 टेन पीपीएम मतलब दस मिलीग्राम एक लीटर और इतना आप लोग जान लीजिए अगर आप ये आ, आ, ये हार्मोन अगर ज्यादा डोज में यूज कर लिए सेम 240 अगर दो सौ पीपीएम हो गया दस की जगह तो वो फ्लावर ड्रॉप फ्रूट ड्रॉप बढ़ा देता है तो जो हार्मोन आपको कम बताया जाए तो कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम लोग काफी इंटीरियर में भी कभी कभी काम करते हैं जैसे हम बता क्या ये बहुत अच्छा है पौधे के लिए आप इसका ये केमल डाल के स्प्रे कीजिए और कई बार ऐसा पता चलता है कि उन्होंने दस गुना ज्यादा बढ़ा के डाल दिया क्योंकि वो सोच रहे थे ज्यादा डालने से ज्यादा इफेक्ट आएगा हार्मोन के केस में कभी ऐसा मत कीजिएगा अगर जरा भी ज्यादा डाल दिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको उल्टा इफेक्ट हो जाएगा तो इसीलिए हम लोग हार्मोन बिना प्रॉपर टेस्टिंग या उसके जल्दी रिकमेंड भी नहीं करते हैं क्योंकि अगर कम ज्यादा हो गया तो उसका इफेक्ट बहुत लो कंसेंट्रेशन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है वो तो ज्यादा उसको कभी नहीं डालना जो रिकमेंडेड डोज है वही डालना है लीफ साइज बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं लीफ साइज बढ़ाने का इसमें पोमगेट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ लीफ बहुत ज्यादा होता है क्लोरोफिल कंटेंट का इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है तो वो कोई मेजर कंटेंट मेजर इशू नहीं है इसमें फिर आप कैन वी यूज प्लेनो फिक्स बाय ड्रिप जनरली जो प्लेनो फिक्स हम लोग स्प्रे के लिए यूज कर रहे हैं करते हैं अगर पोमगेट में इससे पहले अभी तो इश्यू आ गया है उसको लिहोसिन भी यूज करते थे ये वाटर शूट्स और इसको रोकने के लिए तो लिहोसिन जो है

इसलिए उसको मिट्टी में डाला जाता है वो स्प्रे ज्यादा उसका इफेक्टिव नहीं माना जाता क्योंकि स्प्रे करने के बाद उसका जो ट्रांसलोकेशन है, है, तो है, है तो ज्यादा के, के नाम से आप लोग सुनते होंगे मैंगो एंगो में डालते हैं वो जनरली रूट से डालते हैं अदरवाइज अभी सिंजेंटा का भी एक आ गया है वो भी डालते हैं पैक्लोबिट्राजॉल का एक फॉर्म आ गया है बट जनरली जो हमारा पैक्लोबिट्राजॉल को छोड़ के बाकी मोस्टली Anti -GA, ग्रोथ अच्छा है, तो फुल्लीवलपमेंट uh, का बात फाइव टू सिक्स होने का बात है इसको हम लोग कर सकता uh,

ठीक है तो इसका एब्जॉर्शन इस फॉर्म में ज्यादा होता है बट कोई भी स्प्रे जिसमें कॉपर हो या बोर्डो हो उसका एसिडिक पीएच पे स्प्रे नहीं करते हैं वो स्कॉर्चिंग करता है तो केवल एक फिक्स पीएच नहीं है पर मोस्टली इंसेक्टिसाइड हो गया या इथरल हो गया वो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक पीएच पे स्प्रे करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है ना कि अल्कलाइन पीएच पे बट एब्जॉर्शन किसी भी चीज का उसके पीएच पे डिपेंड करता है सोल्यूशन के उसमें जो सॉल्यूट कितना अच्छे से हुआ उस पे करता है उस डिपेंड करता आपका आ, ये सरफेस टेंशन कैसा उस डिपेंड करता है आ, कौन सा आप स्प्रेयर यूज कर रहे हैं उस डिपेंड करता है तो कई चीज पे डिपेंड करता है लीफ सर्फेस कैसा है प्लांट के लीफ के एनाटोमी क्या कई चीज पे डिपेंड करता है बट इन जनरल जीरो पॉइंट चौंतीस मुझे लगता है क्योंकि उसका ही पी जो है एसडी हो, होता है डिजोल्व करने पर तो वो ज्यादा बेटर होगा आ, जीरो आ,

Uh, जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया इसका हो गया जो भी कॉपर पेस्टिस uh, इंसेक्टिसाइड हो या आपका uh, ये uh, कार्बोनेट कंटेनिंग जो है तो वो सारे जो है कॉपर फ्री कॉपर अगर होगा तो स्कॉचिंग करता है या बोडो मिक्सचर है आपका तो इसमें आपको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है बट मोस्टली uh, जो लिटरेचर बोलता है कि इंसेक्टिसाइड का बट जनरली uh, इसमें मैडम जो जो आपका प्रेजेंटेशन देंगी तो इसका और अच्छे से वो क्योंकि स्प्रे सॉल्यूशन और इन सब पे वो ऑलरेडी बताने वाली हैं आप लोग को तो और अच्छे से इसको वो एक्सप्लेन करेंगी uh, कि क्या कैसे मतलब किस चीज में न्यूट्रल पीएच ज्यादा इफेक्टिव होता है और किन चीजों में आपका पीएच जो है एसडिक रहेगा तो वो थोड़ा सा स्लाइटली एसडिक एसडिक मतलब नहीं, जहां थोड़ा हो तो करेगा, या बोडो है उसमें आपको पीएच न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है नहीं तो इमीडिएटली वो स्कॉर्चिंग करेगा उसके ऊपर तेलिया का है ये मैडम का जब वो आएगा तो आपको बताएंगे तेलिया वाला धारवाड़ एग्रीकल्चर कंडक्टेड जी एप्लीकेशन एंड फाउंड Non, नहीं आपने ये नहीं लिखा है कि जीए एप्लीकेशन किस चीज के लिए आपने क्वेश्चन पूछा एक दिया है कि धारवाड़ एग्री कॉलेज हैज कंडक्टेड जीए एप्लीकेशन एंड फाउंड नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट रिजल्ट एंड यू सजेस्टेड जी एप्लीकेशन सर जी एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहे हैं फ्रूट ग्रोथ स्टेज पे अगर आप जीए डालेंगे तो सटनली वो सेल एक्सपेंशन में help करता है। और ऐसे बहुत से लिटरेचर है केवल एक स्टडी के बेसिस नहीं बोल सकते हैं एक एनॉनिमस अटेंडी है बहुत से स्टडी में भी आप देखेंगे पोमग्रेड पे भी हुआ है तो जीए साइज इंक्रीज कर में थोड़ा हेल्पफुल होता है आ, पर इसके साथ साथ क्या होता है ना हम स्प्रे करते हैं और हम सोचते हैं वो तुरंत इफेक्ट देगा नहीं

कि हम लोग एप्लीकेशन तो uh, पर, पर, uh, पर इसमें क्लियरली नहीं है किस चीज को लेके मे बी ये बाबू सर ये साइज को लेके बोल रहे हैं कि धारवाड़ ने एक्सपेरिमेंट किया था बट उनको कोई साइज में रिजल्ट नहीं आया पर इसमें मैंशन नहीं किया है ऐसा उन्होंने लिखा है हाँ, तर, हाँ, हाँ. वो ये कहा था एक्सेप्शन हो हाँ, सकता अदर तो है बट लिटरेचर में देयर मस्ट हैव बीन सम फैक्टर्स

अब ये जस्ट यू टेक फ्रैक्शन ऑफ ए ग्राम पॉइंट टू ग्राम पॉइंट थ्री ग्राम भी लिया तो भी hmm. उसको डिसॉल्व करने के लिए Water, किताब में लेकिन प्रैक्टिकली आप करेंगे अस्सी नहीं, नहीं नहीं होता होता है। है, डिग्री से ज्यादा कुछ कंपनीज वाले है ना वो प्रो जीप इसके साथ एक सॉल्ट भी देते हैं देंगे तो उसके साथ एक सॉल्ट भी देते हैं जब उसके साथ घोलेंगे तो घुल जाता है जो कंपनीज का प्रोडक्ट आ गया है बट सर सही बोल रहे अगर प्योर जी आप लेते हैं और उसको डिसोल्व

यहां पे जीए पॉजिटिव आया है और ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया है काइंडली एक्सप्लेन हाउ टू रिज्यूमिनेट द्लांट रिज्यूमनेट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि वो एक्टिवली ग्रोइंग पीरियड ना हो इट शुड नॉट बी एक्टिवली ग्रोइंग पीरियड आपको रिज्यूमिनेट uh, करना है तो वो सेमी डॉर्मेंट हो या तो पर ऐसा भी नहीं एकदम हार्श कंडीशन हो एकदम गर्मी या एकदम जाड़ा हो नहीं या तो जाड़ा खत्म होने वाला हो या शुरू होने वाला हो या गर्मी खत्म होने वाला हो इस टाइप से आपको सीजन चूज करना है एंड यू हैव टू कीप ओनली मेन स्टेम एंड है मतलब सेकेंडरी के बाद सारा आपको टॉप कर देना है बट टॉपिंग तभी हेल्पफुल हो मतलब सॉरी रिज्यूमनेशन तभी हेल्पफुल है जब एकदम मेन स्टेम पे ही कोई कैंकर ना बना हो या कोई दिक्कत ना हो केवल टर्सरी तक ही लिमिटेड हो कैंकर तो आप कर सकते हैं अगर ओल्ड ऑर्चर्ड है तो ऐसे भी कर सकते हैं आ, वैसे तो इसमें बहुत सा काम अदर में हुआ है लोग पुराने वैरायटीज को रिज्यूमनेट करके उसमें नई वैरायटीज का बडिंग करते हैं ग्राफ्टिंग करते हैं पर अभी अनार में ऐसा कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है अभी भगवा ही हर तरफ है बट रिज्यूमनेशन करने के लिए एक चीज ध्यान रखना आपको कि पहले तो वो ए, सीजन ऐसा हो कि एक्टिवली ग्रोइंग पीरियड ना हो बहुत हार्श ना हो दूसरा मेन स्टेम के साथ सेकेंडरी आपको एक बेसल जरूर देना है बेसल डोज जरूर देना है और लाइट इरिगेशन शुरू करना है तो ये आपको एक साल लगेगा इसको फिर से पोमगेट के से बता रहा हूं फिर से हमारे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया एक था उसी बता रहा हूँ फिर से इसको बियर करने में फिर सर बोल रहे वी वी डोंट गेट वन टाइम सेटिंग इन केस हाउ टू मैनेज जी यशन इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपको यह देखना है कि मैक्सिमम फ्लावर का ब्लूम हो रहा है ऑब्वियसली पोमग्रेट में एक साथ सारी फ्लावरिंग नहीं हो जाती है फ्लावरिंग आपका आपका 25 दिन आफ्टर से शुरू होगा एंड इट गोज अप टू 75 डेज बट आपको उसी में बीच का निकालना है किस समय मैक्सिमम ब्लूमिंग हो रहा है तो वहां से आप डेज पकड़ लीजिए 45 टू 75 डेज uh, दो 2 45 एंड 75 डेज वो आपको पकड़ लेना है तो ये सब सर इनका क्वेश्चन था बाबू सर वी डू नॉट गेट टाइम वन टाइम सेटिंग इन केस हाउ टू मैनेज ए एप्लीकेशन एट 45 एंड 75 डेज हाँ ये देखिए वन टाइम सेटिंग अनार में नहीं होता है अनार में बेसिकली इसका अनार का नेचर बताया है इट्स अ डेजड्यूस क्रॉप फिर डेडस क्रॉप है तो आपको ना, temp, it, जो, कौन सा एरिया में आप कल्टिवेट कर रहे हैं पहले उसको देखना वेदर इट ट्रॉपिकल और जोन इट बिहेव टिपिकली एवरग्रीन इफ इट टेम्परेट जोन इट बिहेव एस प्योरली डेडस क्रॉप इफ इट इज सब ट्रॉपिकल देर बिहेव्स एस पार्शियली डेसीड्यूस सो ये सारा चीज मैटर्स है इसलिए लेक्चर के पहले में अनार का बेसिक्स बेसिक्स ऑफ फिनोलॉजी आपको बताया है रेस्ट स्ट्रेस एंड देन एक्टिव ग्रोथ फेज सो बारह महीना के साल में है तो आप सात से आठ महीना उसको एक्टिव ग्रोथ फेज में रख दिए तो चार महीना इसमें डिसाइडिंग फैक्टर चार महीना जैसे आपको जेनेटिक्स में बताता है सेल डिवीजन हो जाता है सेल डिवीजन को आपको पहले प्रिपरेटरी फेस होता है वो प्रिपरेटरी फेस लगभग के 40 से 50% का टाइम का लेते हैं उसके बाद सेल डिवीजन सेल एलोंगेशन हो जाता है ऐसा अनार में भी इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है रेस्ट फेस और स्ट्रेस फेस आप डंग से किया है ना नहीं किया है इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपको सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग नहीं होगा और एक चीज क्या है इसमें आपको फ्लावरिंग uh, चलते रहेगा साथ में आपका सेटिंग भी हो जाएगा एंड फेस दट ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग आप देखेंगे तो दट स्प्राउल्स ओवर टू 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 एंड हाफ मंथ दो से आधा महीना का फर्स्ट फ्लावर एंड द लास्ट फ्लावर टू कम इन टू हार्वेस्ट आप देखेंगे तो फर्क आपको दो महीना होता है इसलिए कम से कम दो हार्वेस्ट से लेके तीन हार्वेस्ट तक आप जाएंगे तो सारा फूल से आपको जो फल बन जाता है वो सब आपको मैच्योर होगा है सो so, इसलिए इसको अब डॉक्टर सिंह साहब जैसे बताया 50% परसेंट फ्लावरिंग आपका कौन सा पीरियड में हो जाता है उसको हम लेने पड़ेगा रेस्ट पीरियड एंड स्ट्रेस आपको ढंग से नहीं हो पाया ये नहीं हो पाएगा सो नेक्स्ट इसको नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रॉप रेगुलेशन में ध्यान देना अरे भैया खटखट कर थोड़ा कम करो मैं सेमिनार में हूं हां इसमें Uh, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जीए से बैक्टीरियल ब्लाइट आता है इसका जब मैडम बैक्टीरियल ब्लाइट पे लेक्चर देंगी तो इस क्वेश्चन का आपको दत्तात्रेय जी जवाब मिल जाएगा ठीक है डीफोलियन के बाद वाटर स्ट्रेस करें देखिए डिफोलियन आप कर दिए लाइट पुनिंग कर दिए तो आपको धीरे धीरे पानी शुरू करना है ठीक है अभी पानी वाला लेक्चर आपका होगा तो उसमें सब क्लियरली वो बताएंगे एकाएक पानी आपको शुरू नहीं करना है एकाएक आप ज्यादा पानी देंगे तो वाटर शूट ज्यादा निकलेंगे तो आपको धीरे धीरे पानी शुरू करना और एक बार जब फ्लावर पूरा निकल आए फ्रूट सेट शुरू हो जाए तो पानी आपको बढ़ाना है और सबसे ज्यादा पानी आपका जब फ्रूट ग्रोथ होता है उस स्टेज में तीन चार महीने बाद लगता है और फिर जब मेच्योर हो जाएगा फ्रूट पकने लगेगा तो धीरे धीरे पानी घटाना है एकाएक न बढ़ाना है ना घटाना है बट फ्लावरिंग कंप्लीट होने तक आपको फ्लावरिंग पानी धीरे धीरे ही बढ़ाना है एकाएक ज्यादा नहीं बढ़ाना है नहीं तो आपको फ्लावरिंग कम आएगा और वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा आने लगेगा तो ये ध्यान रखना है आई अंडरस्टूड टेन पीपीएम ए लैब ग्रेड

200 ppm आप बोलेंगे सीधे से सर NA का फर्स्ट स्प्रे कब करना है ये जब आपका नई पत्ती आए थे ना डीफोलिएशन के बाद 25 दिन 15 दिन में स्प्रॉटिंग शुरू हो जाएगा और पत्ती जब रिसेप्टिव हो जाए तो आपका लगभग डीफोलिएशन के मोटा मोटी मान लीजिए एक महीने एक से सवा महीने बाद पहला स्प्रे करना है और उसके 15 दिन बाद दूसरा करना है बाबू सर yes, ये, पूछ रहे हैं एनए का फर्स्ट स्प्रे कब करना है फर्स्ट स्प्रे लगभग फोर्थ वीक में डिफोलेशन वो करने के बाद hmm. मैं लेक्चर में भी दिखाया था थ्री वीक्स आफ्टर डिफोलेशन ओके सो थ्री वीक्स आफ्टर डिफोलेशन अगर हम लोग एन का स्प्रे ले लेंगे तो फ्लावर बट डिफरेंशिएशन विद इन टू वीक्स ऑफ स्प्रे में आपको ऑनसेट हो जाएगा सो so, फिर स्प्रे देने का बाद अगर हम लोग को मिल जाएगा तो फ्रॉम डिफोलेशन टू ये पांच से छह हफ्ता हो जाएगा So, इसलिए थर्ड वीक ले सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ वीक का हिसाब से जी सर ड्यू टू वाटर लॉगिंग हैवी ड्रॉपिंग ऑफ़ फ्रूट वो देखिए हम तो पहले ही आपको बताए कि अनार्स बहुत सेंसिटिव है इसमें एक भी दिन वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए वाटर लॉगिंग होगा तो आपका लेटर आप देखिएगा उसमें आपका विल्ट भी आएगा और फिजियोलॉजिकल ड्राउट जाता है वाटर लॉइंग होती है इसके जड़ को एकदम एरेशन चाहिए जहां पानी जड़ लग गया तो इसके जड़ का एरेशन खत्म हो जाता है इनिबीटर्स बनने लगते हैं इसके साथ साथ ये फिजियोलॉजिकल ड्राउट इसको एक तरीके से बोलते हैं जहां ये पानी भरा हुआ है फिर भी वो विल्टिंग टाइप का विल्टेड लीव दिखेगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी ऐसा ना हो इसीलिए बोला रेस्ट बेड लगाना है हल्की मिट्टी में लगाना है ताकि आपका पानी इकट्ठा ना हो निकल जाए ड्यू टू रेनफॉल प्लांट हैज नॉट गॉट नेचुरल स्ट्रेस मेजर प्रॉब्लम यही है इन दिस केस कैन वी गेट रिजल्ट इन इनबहार इफ यू यूज टू देखिए हंड्रेड परसेंट नेचुरल स्ट्रेस का सब नहीं है इथेल का स्प्रे बट यह है कि अगर आपका गर्मी का स्प्रे आपने किया है उस समय न्यूट्रिशन दिया है तो एक आक साल अगर ऊपर नीचे भी होता है पर फिर भी आप कोशिश कीजिए कि चलिए मान लीजिए पूरा स्ट्रेस आप नहीं दे पा रहे हैं पानी रुक गया तो एटलीस्ट आप एक हफ्ते का दस दिन का स्ट्रेस दे के देखिए मतलब कुछ ना कुछ आप स्ट्रेस देखिए दीजिए कि ताकि प्लांट का एटलीस्ट रूट जो है जो वो थोड़ा ड्राई हो जाए तो बहुत बार ऐसा होता है हम लोग भी नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए इथेल का दो डोज बताया गया है बट सटेली ये आप मान लीजिए जो नेचुरल स्ट्रेस प्लांट को देता है वो हंड्रेड परसेंट इथेल आप डाल के उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो नेचुरल स्ट्रेस बहुत जरूरी है इसलिए अगर आपको हस्त बाहर उस एरिया में लेना है तो पहले से प्लानिंग करना है रेस्ट बेड पर रखना है ताकि अगर कम समय का भी स्ट्रेस रहे तो पौधे को थोड़ा बहुत स्ट्रेस मिल जाए तो ये आपको ध्यान रखना है बट एक ये कुछ हद तक आपका डिफोलेशन भी हो जाएगा फ्लावरिंग भी आएगा बट उतना जो अगर ओवरऑल आप बात करेंगे तो वो फ्लावरिंग या फ्रूट ईल्ड या क्वालिटी उस लेवल को शायद मैच ना कर पाए क्योंकि ये, ये उसका सब्सिट्यूट नहीं अगर ऐसा होता तब तो हम लोग स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं बोलते क्योंकि जो फिजोलॉजिकल चेंजेस नेचुरल कंडीशन है पौधे के अंदर आते हैं जैसा सर ने बताया डेसीड्यूस इन नेचर है अगर ठंडी इलाके में है तो पत्ती अपने आप गिराता है यहाँ एवरग्रीन टाइप का बिहेव करता है बट समर डेसिड्यूस इसको मार्टी

बट नेचुरल स्ट्रेस फिजियोलॉजिकली पौधे के लिए वही बेस्ट है साइकोसील कैन स्प्रे हाँ लिहोसिन क्या है लिहोसिन आपने बोला दैट इज टू क्लोरमी कॉट क्लोराइड ठीक है लिहोसिन उसका ब्रांड नेम है शायद बासेफ का है लिहोसिन तो लिहोसिन तो में कुछ इश्यूज हैं उसके uh, एक्सपोर्ट को लेके कुछ इश्यूज आए थे बट सर्टेनली ये एंटी है, और ग्रोथ ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत से एंटीजीए यूज uh, होते हैं बहुत से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में लिहोसिन इज ऑल्सो एंटीजीए ये इसका uh, ट्रेड नेम है बासिफ कंपनी का शायद बट और एक्चुअली ये टू क्लोरमिक जो जीए को रोकता है वो वही है और वो आपको शूट, शूट लेक्चर तो अभी, अभी होगा आप उसको ध्यान से सुनिएगा वो आपको वीकली बताएंगे हस्तभिहार में इस वीक में कितना पानी देना है इस वीक में कितना पानी देना है एक साल के पौधे के लिए कितना देना है दो साल के पौधे के लिए कितना देना है तीन साल हमारे पास पूरा चार्ट उन्होंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है तो आपको हर हर दिन कितना पानी देना है वो बताएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपको वहां से मेनी फार्मर सेड, जीए ब्लाइट। इसका जवाब मैडम दे पाएंगे लेक्चर होगा तो उस समय ये आप लोग पूछिएगा ये क्वेश्चन वो आपको क्लियरली बता पाएंगे इसमें कि जीए और बैक्टीरियल कोरिलेशन है पीपीएम मीन सर ने बताया आपको धूला जी पार्ट्स पर मिलियन दस लाख में कितना उसका है डिफोलेशन के बाद बोडो मिक्सचर यूज कर सकते हैं क्या जब पत्ती आती है तो करते हैं पॉइंट फाइव जब फ्लावरिंग क्रॉप पीरियड में है तो पॉइंट फाइव करते हैं और स्ट्रेस के समय वन परसेंट तक करते हैं बोडो बोडो स्प्रे मैडम जी मैडम जी नहीं अच्छा करते हैं उसको हाँ, 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 मैडम हाँ, हाँ, जी ये आ, बोडो डिफोलेशन के बाद जब नई पत्ती आती है हाँ, फ्लावरिंग सीजन में पॉइंट फाइव रिकमेंडेड है ना मतलब हाँ, हाँ, से पहले 1 करना है, हाँ, so that जो है, अगर गिरती है तो बोडो मेंसेंट पॉइंट फाइव परसेंट इथरेल का फर्स्ट एंड सेकेंड स्प्रे दो लीटर पानी में कितना मिलाना है भाई 500 सौ पीपीएम अब इथरेल क्या है आपका जो आता है वो 39% 39% परसेंट थर्टी परसेंट ही है ठीक है तो जैसे अब आपको एक लीटर पानी में पहला डोज 39% थर्टी नाइन बोला तो पांच पांच पॉइंट फाइव एम के आसपास हुआ पॉइंट फाइव एम एक लीटर में तो 200 लीटर में कितना होगा आपका फाइव और फिफ्टी सौ हंड्रेड एम 200 दो लीटर पानी मिलाना है और पहला स्प्रे मानने के बाद जितना आपका डिफोलिट हो रहा है उस हिसाब से दूसरा स्प्रे डिसाइड करना है कि आपको उतना ही जाना है कि उससे थोड़ा ज्यादा जा, जाना है तो वो उसके बाद डिसाइड होगा वो आपको अपने कंडीशन के हिसाब से वो आपको स्टैंडाइज करना पीएच मीटर कौन सी कंपनी हन्ना कंपनी का आता है पॉकेट पीएच मीटर पंद्रह सोलह सौ रुपए का आता है हजार रुपए का भी आता है बहुत सी ऑनलाइन आप ले सकते हैं बहुत सस्ता है और पॉकेट पीएच मीटर अच्छा है उसको बार बार पर यह कि हफ्ते में कम से कम एक बार आपको उसको कैलिब्रेट करना होता है उसकी गोली मिलती है तीन टाइप की गोली मिलती है वो आपको घोलना पड़ेगा पानी में घुलने के बाद उसका पीएच वो स्क्रू आता है उससे आपको पीएच कैलिब्रेट करना पड़ेगा बहुत आसान भाषा में समझाया रहता है और आजकल अगर ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे आप वीडियो डालेंगे तो सारा बता देगा तो हन्ना कंपनी है अमेजोन पे जाएंगे तो बहुत से कंपनीज हैं उसका पॉकेट पीएच मीटर आता है छह से लेके दो उनका उनका प्राइस होता है जीए थ्री कौन सा अच्छा है जीए थ्री अच्छा है प्रोजिप के नाम से आता है जो बताया ना जिसके साथ सोल्ट आता है सोल्ट के साथ जो डिजॉल्व हो जाता है इजिली तो प्रोजिप के नाम से आता है तो सोल्ट के साथ मिक्स करेंगे तो पानी में सीधे घुल जाएगा तो हम लोग तो वही यूज करते हैं बाकी प्योर जी आप लेंगे तो हाई मीडिया है बहुत सी कंपनी का है तो हाई मीडिया का आ, आ, रेट सर क्या है लगभग छह हजार है ना सो पच्चीस ग्राम का हाई मीडिया वाला प्राइस बता नहीं पर ये आपको आपको जो प्रोजीबिया स्टेप का आता है वो सस्ता पड़ेगा वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए होता है वो सीधे पानी में घुल भी जाता है जीए सेलिंग कंपनी आपको बता दिया है ना प्रोजीब के नाम से है डस जीए वर्क ऑब्लिक मेटाबोलाइज प्लांट एंड गिव डिजायर रिजल्ट इफ अप्लाइड थ्रू मैं बताया केवल पेक्टिलबिटराजल को छोड़ के बाकी सारा आपको स्प्रे करना है बट बट जितना बताया जाए उससे जरा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और जिस स्टेज से बताया जाए उसी स्टेज पे आपको करना है नहीं तो आपका उल्टा भी रिजल्ट आ सकता है हम लोग यहाँ देखे बहुत से लोग जैसे हमने टू फोर डी बताया ये वाला वीडी साइड वाला कर दिया वो लोग और उनका पूरा प्लॉट खराब हो गया तो वो कभी नहीं करना है आपको जो डोज बताया जा रहा है जिससे बताया जा रहा है वही डालना है हार्मोन बहुत इमीडिएट इफेक्ट भी देता है और थोड़ा कम ज्यादा किए तो बहुत उल्टा इफेक्ट भी देता है तो हार्मोन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गलत डालने से बेटर है कि आप न डालें पर रिस्क न लें उसमें कुछ भी न जानते हुए डालने का ये तो मैडम क्वेश्चन खत्म नहीं होगा फिर बढ़ता ही जा रहा है बाकी बाकी क्वेश्चंस को अपना ईमेल आईडी में भी अगर भेज हाँ, देंगे आई आई थिंक कैन रिक्वेस्ट या जो भी हमारे इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक बना के हम लोग को दे दें सबका क्योंकि मैं तो ये देख रहा रहा और बढ़ता ही जा रहा है क्वेश्चन हाँ कॉन्टेक्ट नंबर आप मेरा और बाबू सर का दोनों लोग का ले लीजिए कोई भी क्वेश्चन हो तो ये बेटर है आप मुझसे व्हाट्सएप या उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है एट ट्रिपल नाइन एट ट्रिपल नाइन टू फाइव फोर जीरो एट सिक्स एट ट्रिपल नाइन अरे यार क्या खटखट -खट कर धीरे धीरे करो यार मैं उसमें हूं आपका नंबर भेज दिया बाबू साहब अपना अपना नंबर भेज दीजिए आप अपना नंबर दे दीजिए ये पीछे दरवाजा बना रहा है खटखटू साहब आपका नंबर बताइए हाँ हा, आप नोट कर दीजिए मेरा नंबर के दिनेश बाबू नाइन फोर टू डबल जीरो एट नाइन टू सिक्स फाइव नाइन फोर टू डबल जीरो एट नाइन टू सिक्स फाइव तो ऑर्गेनाइजर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है बढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस तो उनका वो कर ले हम लोग उसका रिप्लाई दे, दे देंगे बस एक लास्ट क्वेश्चन एक है ये है, सर कि बी ए ये बोल रहा है डस बी ए हेल्प है इन फूड बर्ड डिफ्रेंसिएशन इफ अप्लाइड ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड रेस्ट पीरियड में तो आई डोंट थिंक बी अदर ग्रोथ हार्मोन कैन बी रेकमेंडेड आप जैसे सुन लिए रेस्ट पीरियड में नहीं करना so. है आपको ठीक है बाकी जो क्वेश्चन है सर वही बोलते हैं नाइट्रोबेंजिन का भी देखिए नाइट्रोब इंजिन कुछ नहीं है नाइट्रोबेंजिन क्या है इट्स अ एरोमेटिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ठीक है और इस इसमें मोस्टली ना यूज होता है और बूम फ्लावर के नाम से एक दो कंपनीज का है तो इसका भी फ्लावरिंग में इफेक्ट है तो पहले पोमगेट में कुछ लोग यूज करते थे आज के डेट में नाइट्रोब इंजिन कम ही लोग यूज करते हैं तो ये दिस इज एरोमेटिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ठीक है तो बाकी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि uh, सर uh, नीलेश सर हां बाकी क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं तो आप वो थोड़ा नहीं हम ऐसा तो तो कर सकते हैं डॉक्टर साहब हमने जो चैट बॉक्स है ना उसमें आप दोनों के नंबर टाइप करके दिए हैं ये व्हाट्सएप नंबर है आप लोग इस पर हमारे whatsapp पर सवाल सवाल पूछ सकते हैं आप लोग तो आप हमारे whatsapp पर सवाल लिख दीजिए आपको रिप्लाई दे देंगे बाद में सर तो खत्म हो गया सर हां डॉक्टर ओके ओके सर सो विल कॉल इट अ डे मैडम कुछ बात करना चाहेंगे मैडम नहीं ठीक है तो, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है अभी हां राइट सो so, निलेश जी हम बस अभी एक स्क्रीन uh, शेयर करेंगे uh, जिसमें कल के कार्यक्रम की डिटेल्स दी दी जा रही हैं तो सभी जो कल भी हम लोग चाहते हैं वो कल भी कार्यक्रम में जरूर नहीं। नहीं। शामिल हो और सर uh, अभी कुछ और आप सबको किसी को कुछ बताना चाहेंगे क्या हम क्लोज करें आज का कार्यक्रम नहीं हम क्लोज कर सकते इतना ही है आज ठीक है थैंक यू सबको हमारा निदेशक को बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद थैंक यू ऑल ऑफ यू हाँ ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी धन्यवाद कल सेम टाइम पे सब प्लीज आइएगा कल मिलते हैं तीन बजे से धन्यवाद जिंक साहब के लिए भी धन्यवाद <laughs> Thank you. Thanks all. <laughs>